तो नमस्कार सारे व्यूअर्स से जुड़ गए हैं इस मैच में। टॉस हो गया है, टॉस हो चुका है और लायंस टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो आप सबका स्वागत करेंगे इस लाइव स्ट्रीम पर, अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आप सबका क्रिकेट लाइव हिंदी पर, क्योंकि लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन हो चुकी है। तो आप सबका धन्यवाद, आप सब लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। और डॉल्फिन वर्सेज लायंस का मुकाबला है, लायंस ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। मेरे कुछ समझ के परे लगा क्योंकि पिछला मुकाबला भी जो है इसी ग्राउंड पे खेला गया था और नाइट ने जो है सिर्फ 95 रन ही बना पाई थी। तो बल्लेबाजी थोड़ा सा ब्रेव मूव है, शायद दबाव बनाना चाहते हैं डॉल्फिन्स के ऊपर और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आठवां ये मुकाबला है, तो आप सब लोग जो है अपने अपने सवाल जो है वो पूछना शुरू कर दीजिए। आठवां मुकाबला है, देखते हैं इस मुकाबले में जो है वो कौन जीतेगा। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ लायंस को, तो उम्मीद करता हूँ लायंस जो है इस मुकाबले को जीते और जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, वही बड़ी बात होगी कि पिछला मुकाबला जो है बिल्कुल जो है सपाट मैच निकल गया है। बैटिंग टाइम ब्रो, बिल्कुल भाई सरन भाई, अब बल्लेबाजी जो है वो लायंस कर रही है, तो देखते हैं भाई लायंस जो है वो किस तरीके से यहाँ बल्लेबाजी करेगी। और टॉस हो चुका है, प्लेइंग 11 भी मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। बस मैच जो है वो भारतीय समय अनुसार 6 बजे शुरू होगा, टॉस जो है वो थोड़ा देरी से हुआ था यहाँ पर, इसी से जो है लेट जुड़े हैं आप सबके साथ और देखते हैं लायंस जो है वो किस तरीके से यहाँ बल्लेबाजी करेगी। आठवां मुकाबला है, सेंट जॉर्जिया पार्क पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। तो भारतीय समय अनुसार 6 बजे शुरू होगा CSA T20 चैलेंजर्स 2022 का ये आठवां मुकाबला है। पॉइंट टेबल की बात करें तो भाई डॉल्फिन जो है वो तीसरे पायदान पर है और जो है छठे पायदान पर लायंस है। लायंस अपना पहला मुकाबला हार के यहाँ पहुंचा है और डॉल्फिन जो है वो पहला मुकाबला अपना जीत के यहाँ पहुंचा है। तो आप जो देखते हैं लायंस जो है क्या इस मुकाबले को जीतकर थोड़ा पॉइंट टेबल में ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो डॉल्फिन और हेड टू हेड मुकाबला 6 मुकाबले इन दोनों के बीच में हुए हैं, डॉल्फिन और लायंस के बीच में। 4 बार लायंस जीती है, 2 बार डॉल्फिन जीती है, तो चौथा 4 बार जीती हुई लायंस। तो इसलिए देखिए सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, उम्मीद कर रहे हैं इस मुकाबले में जो है अच्छा परफॉर्मेंस मिले। एवरेज स्कोर की बात करें तो भैया 150 रन यहां बन सकते हैं, एवरेज स्कोर है ये, और देखते हैं कि क्या लायंस जो है वो 150 रन से ज्यादा जो है वो बोर्ड पे लगा पाएगा, क्योंकि पिछले मैच भी इसी पिच पे हुआ था। बस ये है कि थोड़ा सा जो है वो मॉर्निंग में टाइम में हुआ था, साउथ अफ्रीका के टाइम के हिसाब से, तो सिर्फ 94 रन पे ही रोक दिया था नाइट्स को। और नॉलेज भाई कह रहे हैं हेलो भैया, राधे राधे, हेलो भाई कैसे हैं, और राधे राधे भाई साहब कहाँ थे दिन में आप। तो लायंस ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। चलते हैं जरा प्लेइंग 11 के बारे में, तो प्लेइंग 11 डॉल्फिन्स की जो है वो आपके बिल्कुल सामने है। क्रेगन पैटरसन, ग्रांट और साथ में होंगे एंडी फ्लिकियायो और डेविड मिलर। तो अच्छी डॉल्फिन की प्लेइंग 11 है भाई, बल्लेबाजी जो है काफी इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है इस टीम के अंदर है। तो देखते हैं भाई ये प्लेइंग 11 जो है क्या जबरदस्त हंगामा मचा पाएगी। तो आप सब जो है अपने अपने मैसेजेस भेजते रहिए, लायंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं लायंस जीते। और डॉल्फिन की प्लेइंग 11 मैंने दिखाई रहा हूं, क्रिकेट पैटरसन, ग्रांट रॉल्फेंसन एंड एंडली फिलिकवायो, डेविड मिलर, काया जोंडो, जेसन स्मिथ और ब्रेस पार्सन, रुआंडे स्वर्ड, और यार कप्तान बड़े जबरदस्त नाम है इनका, सुब्रियन नाम है कप्तान का इनके, और डैरियन और डुप्लिवियन और ओडियली और मोडिकोमोन, यार मैं बड़ा जबरदस्त नाम है इनके, मोडी मोकोन का नाम है। जरा 11 प्लेयर हैं आपके सामने है, नाम नहीं ले पा रहा हूं इसलिए जो है स्क्रीन पे सामने आपके डॉल्फिन की प्लेइंग 11 रख दी है। नॉलेज भाई कह रहे हैं बिजी था, बढ़िया भैया ऑफिस में, भाई बिजी होना बहुत जरूरी है, हम तो फ्री कर दिया था हमें यूट्यूब ने, 7 दिन का जो है लॉकिंग पीरियड दे दिया था हमें कॉपीराइट के बाद। संजय राठौर कह रहे हैं फर्स्ट इनिंग में क्या स्कोर होगा भाई। भाई देखिए पिच बड़ी अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए, सुबह जो है नाइट इस पिच पर रन नहीं बना पाया, मगर वही जब चेज करने आई थी नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन जो है जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150-160 रन अच्छा स्कोर रहेगा इस पिच पे, मगर मैं उम्मीद करूंगा कम से कम 155 से 170 के बीच में स्कोर बने और एक धमाकेदार मैच देखने को मिले। मैच जो है बस 8 मिनट में ये शुरू होने वाला है, तो आप सब लोग जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों साथ, बता दीजिए भैया लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन हो चुकी है। तो ये प्लेइंग 11 आपके सामने है, ये प्लेइंग 11 डॉल्फिन्स की प्लेइंग 11 है। साथ साथ में जरा आपको अब लायंस की प्लेइंग 11 दिखाते हैं जरा सा,
और यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स होंगे, अच्छे बल्लेबाज है रिजा हेंड्रिक्स। देखते हैं आज जो है किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स है और कप्तान लीग में अच्छा लगता है मुझे। कप्तान जो होता है वो किसी को पता नहीं होता है। मलसुई सिबो तो कप्तान है इस टीम के, डायंस के। तो रुआन हेसब्रुक, डोमिनिक हेंड्रिक्स और रिजा हेंड्रिक्स दोनों साथ में टीम में हैं। शेन डेड्सवेल, जोशिया रिचर्ड्स, मिचेल वेन बुरेन और सिसांदा मंगला, बिजरोम फोर्टीन, मालसुई सिबोतो कप्तान है और साथ में होंगे टिशॉप नुटिल, कोडी एथलन यूसुफ। तो भाई ये है पूरी प्लेइंग इलेवन यहाँ पर डॉल्फिन की, माफ करिए ये प्लेइंग 11 है जो लायंस की है। साकिब खान कह रहे हैं भाई मैच कौन जीतेगा। भाई मेरे हिसाब से मैं लायंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेव डिसीजन रहेगा मेरे तरफ से क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है। तो उम्मीद करते हैं भाई पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए लायंस, एक हाई स्कोर बनाए क्योंकि बल्लेबाजी इस पिच पे आसान है। वो जो है मैं पिछले मुकाबले में नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन ने दिखाया था कि इस पिच पर रन बनाया जा सकता है, कहीं ना कहीं नाइट ने जो है वो कोलैप्स कर दिया था। इस वजह से जो सिर्फ 94 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर 20 के अंदर में। अब जो है इस मुकाबला जो है वो शुरू होने वाला है, बस अब देखते हैं 6 मिनट के अंदर में। तो भाई बल्लेबाजी तो अच्छी है लॉयंस की, क्या लॉयंस जो है इस अच्छी बल्लेबाजी को कैपेबल है यहां पर अच्छे रन बनाने के लिए। तो सामने आपके लॉयंस की प्लेइंग 11 है, बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। पॉइंट्स टेबल में भाई आपको दिख रहा है साइड में डॉल्फिन जो है वो तीसरे पायदान पर है, लॉयंस जो है वो आपका जो है यहां पर छठे पायदान पर है। और दोनों जो है एक मुकाबले खेले, एक डॉल्फिन जीता है, लॉयंस हारे हैं। तो क्या लॉयंस जो है आज अपना जीत का खाता जो है वो खोल पाएगा यहाँ पर। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस लाइव चैट में। चलते हैं जरा अब फिर से डॉल्फिन की प्लेइंग 11 पे। आप एक प्लेइंग 11 ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कोई प्लेयर जो है वो मिस ना हो जाए आपसे आपके ड्रीम 11 में। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा आप यहाँ पे। मैं और बता दूं आप सबको कि भैया टॉस जो है जीता था लायंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। क्या निर्णय सक्सेसफुल रहेगा ये लायंस के लिए वो तो मैच के बाद ही पता लगेगा। और लाइव कहां से देख सकते हैं मैच को शाकिब खान भाई, ये मैं आपको यहां नहीं बता पाऊंगा। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहां आपको मैसेज कर देता हूं। @mishra_divakar मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। सामने आपके चल रही है डॉल्फिन की प्लेइंग 11। तो आप सब लोग जो है प्लेइंग 11 ध्यान से देख लीजिएगा जरा। और लॉयंस अप टू बैट, लॉयंस ने जो है यहां पर चुना है बल्लेबाजी। तो बल्लेबाजी जो है 5 मिनट बाद शुरू होगा। उम्मीद करते हैं भाई 150 रन तक यहाँ पर बोर्ड पे लगे, अच्छी बल्लेबाजी दिखाए लॉयंस। तो क्या यहाँ पर 150 रन बना पाएगी क्योंकि पिच अच्छी है बल्लेबाजी करने के लिए। थोड़ा सा जो है संयम बरतना होगा लॉयंस के बल्लेबाजों को अगर बल्लेबाजी करनी है। तो शुरू में पावर प्ले के अंदर 40 से 42 रन बनाने पड़ेंगे। प्लान करना होगा मिडिल फेज जो 6 से 15 ओवर के बीच का जो माहौल होता है उसको समझना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए 15 ओवर में 110 रन बना लेगी तो आखिरी ओवर आखिरी 5 ओवर में शायद 50 रन बना के 160-165 तक पहुंचा जा सकता होगा उस टाइम। तो सर रन रेट को भी कंट्रोल रखना होगा और विकेटें बचानी होंगी। कहीं अगर पिछले मुकाबले की तरह कहीं आपने शुरू में ही पावर प्ले के अंदर 3 विकेट खो दी तो आपके शायद 100 रन बनने भी मुश्किल हो जाएंगे यहां पर। तो लाइन जो है वो ध्यान से बल्लेबाजी करेगा, दिमाग में इनके पास होगा कि भाई ये जो है प्लेइंग 11 जिस हिसाब से चलाइए। ये डॉल्फिन की प्लेइंग 11 आपके सामने है, साथ साथ में मैं जरा आपको लॉयंस की भी प्लेइंग 11 दिखा दूं सारे व्यूअर्स जो है जिस तरीके से देख पाए यहां पर। और शेख अजमत भाई कह रहे हैं हाय भाई, शेख भाई कैसे हैं आप, लाइक करिएगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। टारगेट रखेंगे 16,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे आज की स्ट्रीम में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो है सपोर्ट करें यहां पर, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और जुड़ जाए हमारे साथ इस मुकाबले में। 15,806 लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो है सपोर्ट करेंगे और 16,000 का आंकड़ा जो है इसी स्ट्रीम में हम पूरा कर लेंगे। तो अब चलते हैं जरा मैच की तरफ। मैच जो है बस 4 मिनट में शुरू होगा, 4 मिनटों के अंदर जो है वो पहली गेंद डलेगी। तो आप सब लोग जो है तैयार रहिएगा। प्लेइंग 11 मैंने आप सबको दिखा दिया है, टॉस बता दिया है, लॉयंस जीतेगा। एवरेज स्कोर उम्मीद करता हूं 155-160 के बीच में स्कोर बनेगा और मैं सपोर्ट करूंगा लॉयंस को और चाहूंगा एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिले इस मुकाबले में हमें। तो आप सब लोग जो है अपने मैसेज भेजते रहिए। शेख अजमन भाई कह रहे हैं ओके सर, और बताइए शेख भाई कहां से हैं आप, अपने अपने मैसेज जो है वो भेजते रहिए यहां पर। तो आप चलते हैं जरा, अब यहां पर प्लेइंग 11 दोनों टीम की मैंने दिखा दी है आपको। चलते हैं मेन स्क्रीन पर अपने, और यहां पर जो है आपके सामने दिखा होगा लॉयंस जो है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है यहां पर। तो अब जो है अपने अपने मैसेजेस भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक करते रहिए।
मैच जो है बस 3 मिनटों में शुरू होगा। अपने सवाल भेज सर, लॉयंस को हम सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं 155-160 रन बने और उसे जो है डिफेंड करे लॉयंस की टीम। मेरे हिसाब से 160 रन तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, अगर कोशिश करें तो 170-180 आराम से बन जाएगा। शेख हसबी भाई कह रहे हैं हैदराबाद से, धन्यवाद भाई हैदराबाद से आप मुझे सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। दोस्तों का फोन छीन के अरे बोल दीजिएगा कि लाइव हिंदी कॉमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ही ऑन रखिएगा आप सब लोग। 30 लोग हमें देख रहे हैं, 14 लाइक हैं, तो उम्मीद करते हैं धीरे धीरे जो है लाइक्स बढ़ते रहेंगे। प्लेयर जो है वो अंदर आ रहे हैं, प्लेयर जो है वो अंदर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पर देखते हैं कितना स्कोर जो है वो पावर प्ले के अंदर में बना पाएगी लॉयंस की टीम। मैच 2 मिनट में मुकाबला शुरू होगा, प्लेयर्स जो है अंदर आ रहे हैं और देखते हैं क्या इस मुकाबले में लॉयंस जो है बाजी मारेगी। अच्छा मुकाबला होना चाहिए, अगर इसको 60 रन बनेंगे तो शायद अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला बिल्कुल स्ट्रेट मैच चला गया था, बिल्कुल आसानी से जो है वहां पर नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन ने जो है आसानी से हरा दिया था नाइट्स को। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये मुकाबला थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए और एक जबरदस्त मैच होना चाहिए। जी तो भैया, एक सिंगल हैंडेडली मैच देखने की अब तो हिम्मत नहीं है हमारे अंदर में कि एक सिंगल हैंडेडली मैच देख ले कि आराम से जो है इस मुकाबले को डॉल्फिन या फिर लायंस जीत जाए। तो आप सब लोग जो है अपने अपने मैसेज, इफ्तिकार जी कह रहे हैं हाय सर जी, और ऋषभ कुमार जी कह रहे हैं गेट रेडी टू फाइट। बिल्कुल भाई, उम्मीद करते हैं एक बढ़िया फाइट देखने को मिले इस मुकाबले में, और नहीं तो यार पिछले मुकाबले जैसे तो है फिर हंसी मजाक में ही पूरी स्ट्रीम निकल जाएगी, क्योंकि एक सीरियस मैच देखने के मूड में, क्योंकि 3 घंटे यार हम तब तैयार रहते हैं, उम्मीद करते हैं आधा घंटा जो है तैयारी करते हैं, ड्रीम इलेवन टीम बनाते हैं, मगर एक चाहते हैं कि यार दिल में रहता है कि 3 घंटे इस मुकाबले को देख रहे हैं, हमारे प्लेयर परफॉर्म करें, सारे प्लेयर ऑलमोस्ट परफॉर्म करें और जो है एंजॉय करें इस मुकाबले को। तो आप 44 लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। तो जॉश रिचर्ड्स और रिजा हेंड्रिक्स अच्छे बल्लेबाज है, चाहेंगे भाई रिजा हेंड्रिक्स जो है वो लंबी पारी खेले, यहां से बल्लेबाजी करने आ चुके हैं। यहां पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा @mishra_diwakar। और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उन सबका स्वागत करता हूं, जो लोग हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं उनके लिए तो भाई दिल से प्यार है, सबको सपोर्ट है, आप सब लोग जो बहुत सपोर्ट करते हैं, सारे लोग जो है उम्मीद करिए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल जाए यहां पर। शेख अजमल भाई कह रहे हैं आप कहां से सर? सर मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, मैं दिल्ली से हूं। इफ्तिकार खान कह रहे हैं 160 मुश्किल लग रहा है, भाई मुश्किल लग रहा है, अगर 160 बनेगा तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिल सकता है इफ्तार खान। अगर 120-130 वाला ग्राउंड ये मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी चेज बड़ा आसानी से हुआ है। ब्रियस पर्सन जो है वो गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद डालेंगे जोशिया रिचर्ड्स को, पहली गेंद ये इस मुकाबले की 8वां ये मुकाबला है। टॉस लॉयंस जीता था और चौका लगा दिया है पहली गेंद पर, आते ही बाउंड्री से स्वागत किया है यहां पर, जबरदस्त बल्लेबाजी जॉश रिचर्ड्स की, पहली गेंद चौका लगाया, तो भैया इंटेंशन जो है वो साफ हो गई है और लॉयंस की, और मुझे लग रहा है कि ये मैच बड़ा धमाकेदार होगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और बता दीजिएगा। यहां पर ध्रुव प्रजापति जी कह रहे हैं यहां पर हाई ब्रो गुड कॉमेंट्री, धन्यवाद भाई। शेख अजमन भाई अपने मैसेज खुद क्यों डिलीट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, हम तो कर भी नहीं रहे यहां पर। हाई ब्रो गुड कॉमेंट्री, धन्यवाद ध्रुव भाई, और ऐसे ही आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करते रहिए। पहली गेंद पे चौका लगाया है जॉश रिचर्ड्स ने, और दूसरी गेंद जो है आप देखते हैं ब्रियस की किस तरीके से खेलते हैं यहां पर, पहली गेंद दूसरी गेंद यहां पर कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, तो 4 रन बिना किसी नुकसान के लॉयंस का स्कोर है। 2 गेंदें हुई है, पहली गेंद पर स्वागत किया था ब्रेस का चौके के साथ जोशिया ने, जोशिया जो है खाता खोल चुके हैं, पहला चौका लगाया है इस इनिंग का और अपना भी यहां पर। अब लग रहा है भैया, बिल्कुल भाई लग रहा है, मेरे को लग रहा है 160 बन सकता है और एक बढ़िया मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार सुबह का जो मुकाबला था बहुत ही ठंडा मुकाबला था और उम्मीद करते हैं एक जबरदस्त मैच देखने को। संजय राठौर भाई जुड़ गया हमारे साथ, कह रहे हैं हाय हाय संजय भाई कैसे हैं आप, और इस बीच जो है तीसरी गेंद पर 2 रन लिए यहां पर जॉश रिचर्ड्स ने, और 6 रन बिना किसी नुकसान के 3 गेंदों के बाद। कहीं ना कहीं जो है लॉयंस ने मुकाबला देखा होगा पिछला वाला और देखा होगा पिच को, समझा होगा कि कहीं ना कहीं यहां पर शुरू में पावर प्ले में 6 रन बना लिए जाए तो ये बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल आसान पिच है, और कहीं ना कहीं नाइट्स जो है उस पिच को रीड करने में शायद असमर्थ रही, या कहें कि नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन ने जो है बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। इस बीच जो है चौथी गेंद ब्रेस पर्सन की स्ट्राइक पे है यहां पर जॉश रिचर्ड्स, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर क्योंकि वो वाइड गेंद थी, तो एक अतिरिक्त रन मिलेगा लॉयंस की टीम को, 3 गेंदें 7 रन बिना किसी नुकसान के लॉयंस का स्कोर है। टॉस जो है लॉयंस जीता है, बड़ा ब्रेव मूव अपनाया है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। संजय राठौर जी क्या स्कोर रहेगा भाई,
भाई मेरे हिसाब से मुझे 155 170 के बीच का स्कोर दिख रहा है यहां पर। उम्मीद कर रहा हूं कि भाई एक बढ़िया स्कोर देखने को मिल जाए। इस बीच चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया है यहां पर जोशिया ने, स्ट्राइक पर पहुंचे रिजा हेंड्रिक्स। रिजा हेंड्रिक्स का टिकना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि रिजा हेंड्रिक्स अगर लंबी पारी खेलेंगे, कम से कम 12-15 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे, तो स्कोर जो है बढ़िया रहेगा, मेंटेन रहेगी, रन रेट भी तो कहीं ना कहीं बेस मिल जाएगा लायंस को आगे स्कोर बढ़ाने के लिए। डॉल्फिन को भी आप कम मत आगे, डॉल्फिन की बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, उसमें कहीं ना कहीं अच्छे खिलाड़ी हैं, यंग इंटरनेशनल खिलाड़ी, डेविड मिलर की बात कर लें आप, क्रेगन पैटरसन की बात कर लें, और टेस्ट मैच में तो उनका परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त था, और देखते हैं इस मुकाबले में किस तरीके से खेलेंगे। तो रिजा हेंड्रिक्स का खुल गया खाता, सिंगल लिया इस गेंद पर, पांचवी गेंद पर स्ट्राइक पर पहुंचे जोशा रिचर्ड्स, पांच गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो आप सबके मैसेजेस मैं ले रहा हूं, किसको सपोर्ट कर रहे हो? आर्यन सारा भाई कह रहे हैं भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं यहां पर लॉयंस को, उम्मीद कर रहा हूं एक बढ़िया मैच देखने को मिल जाए यार। संजय 150 तो होना चाहिए भाई, 150 तो बिल्कुल होना चाहिए। पावर प्ले में कितना बनेगा? नरेंद्र जाताओ भाई कह रहे हैं प्ले पावर प्ले में अभी मुझे नहीं पता, मैं 40-42 सोच रहा था कि 40-42 बना ले मैं, जैसे कि अभी प्री शो में कहा था आपने, शुरुआत में कहा था कि भाई 140-42 बन जाए तो बढ़िया है, 40-42 बनाए तो बढ़िया स्कोर रहेगा यहां पर। 23 लाइक हो गए हैं, 100 लोग हमें देख रहे हैं। एक बार आप सब लोग जो है प्लीज लाइक जरूर करिएगा और बढ़ा दीजिएगा यहाँ पर, लाइक का आंकड़ा 100 के पार। इस बीच एक ओवर के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के लायंस का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगे रिजा हेंड्रिक्स, देखते हैं दूसरा ओवर कौन डालेगा। चलिए चलते हैं जरा दूसरे ओवर की तरफ। रिजा हेंड्रिक्स भी अपना खाता खोल चुका है, दोनों ओपनर जो है मुझे सही लग रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। तो क्या इस जो है ओपनिंग पार्टनरशिप अगर 50 रन की हो जाए तो कहीं ना कहीं एक बेस मिल जाएगा लायंस को यहां पर, और डॉल्फिन पे जो है दबाव बन सकता है। तो लायंस जो है अच्छी टीम है, पिछला मुकाबला हार गए थे, मगर अब देखना होगा उस हार से क्या सबक सीख कर जो है इस मुकाबले में आए हैं। अभी तक तो ठीक लग रहा है बल्लेबाजी, पहले ओवर में आपने 9 रन बटोरे हैं, और चाहेंगे कि पावर प्ले के ओवर में कम से कम 40-45 रन यहां पर बटोरे हैं आप सब लोग। यहाँ पर जो है मुनावर खान कह रहे हैं एक विकेट आएगा भाई, अभी तो नहीं लग रहा मुझे। मोहम्मद असान कह रहे हैं भाई कौन सी टीम ज्यादा हार्ड लग रहा है? भाई अगर देखा जाए तो अगर स्ट्रॉन्ग टीम की बात करी जाए तो भाई 65% जो है मुझे अभी 65% जो है डॉल्फिन लग रही है, 35% मुझे कहीं ना कहीं लायंस लग रही है, मगर लायंस को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं एक बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा किया जाए यहां पर। शेख अजमत कह रहे हैं भाई टारगेट 176 का, भाई उम्मीद करते 176 बन जाए। 6 ओवर कह रहे हैं 6 ओवर 42-46 के आसपास बनेगा, 150+ स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल नॉलेज भाई सही कह रहे हैं। संजय राठौड़ कह रहे हैं लाइव किस पे देख रहे हैं भाई? भाई मैं आपको यहां नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाएगा। जीपी बीके कह रहे हैं स्कोर अंडर 150 और श्योर डॉल्फिन विन। भाई उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा बनाए। इस बीच जो है दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया है यहां पर रिजा हेंड्रिक्स ने, डारियन गेंदबाजी करने आए थे और दूसरी गेंद पर लगाया है चौका 1.2 गेंदों के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के लायंस का स्कोर। तो दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगा दिया है यहां पर, तो दोनों बल्लेबाजों ने चौकों का अपना खाता जो है वो खोल दिया है यहां पर। तो उम्मीद करते हैं कि एक लंबी पार्टनरशिप देखने को मिल जाए हमें यहां पर, और आएगा फिक्स है भाई। बिल्कुल मुनावर खान भाई सही कह रहे हैं। गोथा कुमार जी कह रहे हैं कौन ज्यादा रन बनाएगा? भाई मेरे हिसाब से भाई ज्यादा रन मुझे एकदम से नहीं पता, मुझे रिजा हेंड्रिक्स पर भरोसा है। शायद इस बीच एक और चौका लगा दिया है यहाँ पर, अब बात ही बात में 2 चौके बैक टू बैक रिजा हेंड्रिक्स के बल्ले से। तो भैया आगे सेट हो गया है लायंस के बल्लेबाज शुरू से ही, और देखा है पिछला मुकाबला तो कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाए, और 2 चौके लगाए इस ओवर में उनका स्कोर, रिजा हेंड्रिक्स का स्कोर पहुंचा 9 रन 4 गेंदों में, 2 चौके लगा चुके हैं 1.3 गेंदों के बाद 17 रन बिना किसी नुकसान के लायंस का स्कोर है। और ड्रेन का ओवर ये जो है थोड़ा सा महंगा होता हुआ, 3 गेंद की 8 रन दे दिए हैं इस ओवर में। और रूपल ठाकुर जी कह रहे हैं यो सर ये गेंदबाज किसका अच्छा चला है? भाई गेंदबाज भाई दोनों टीम के पास वैसे ही लगा लीजिए, मेरे को ज्यादा मुकुलता शायद लायंस के पास अच्छे गेंदबाज होंगे। भाई लोग पैसा मत वेस्ट करो, बिल्कुल भाई रूपल ठाकुर कह रहे हैं, रूपल ठाकुर का कंफर्म रिपोर्ट मिलेगी व्हाट्सएप पे? भाई बिल्कुल नहीं मिलेगी रूपल भाई, रिपोर्ट की बातें यहां ना करिए, अपने आप लोग समझदार है, खुद खेल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। इम्तियाज मत करें का बादाम, कच्चा बादाम दिखा रहे हैं यार, हमने बहुत देख लिया भैया, थक गए कच्चा बादाम देख देख के। भैया लॉस कवर कराएंगे रूपल ठाकुर जी, भाई लीजिए क्योंकि आप लॉस नहीं, आप लॉस बढ़ाएंगे। इस बीच जो है यहाँ सिंगल ले लिया है इससे चौथी गेंद पर, स्ट्राइक पे पहुंचे दूसरे बल्लेबाज हमारे क्या नाम है इनका, जोशिया पहुंच गए हैं। इस बीच चौथी गेंद, पांचवी गेंद खेलेंगे डैरियन की है पांचवी गेंद, स्ट्राइक पे है जोशिया, क्या एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं इस ओवर में? पावर प्ले का ये दूसरा ये ओवर है, तो कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर 1.5 गेंदों के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान के लायंस का स्कोर है। तो आप सब लोग जो है लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, विकास निमान करें लॉयन के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल भाई लॉयन के साथ ही मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ लॉयंस को, 200 लोग हमें देख रहे हैं, 35 लाइक है, एक बार 15 भाई और लाइक करेंगे
तो आंकड़ा जो है वो 50 के पार हो जाएगा। विकास निगम जी कह रहे हैं सर नमस्ते, नमस्ते विकास निगम भाई, उम्मीद करते हैं ये पिछला मुकाबले में प्रिडिक्शन अच्छी रही थी, इस मुकाबले में चाहेंगे कि इस मुकाबले में प्रिडिक्शन जो है बहुत अच्छी जाए। डायरेन की अगली गेंद आखिरी गेंद थी, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, तो दो ओवर के बाद लॉयंस का स्कोर जो है 18 रन बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक पे होंगे। रिजा हेंड्रिक्स जो है 10 रन बना चुके हैं 5 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर उम्मीद करते हैं एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल जाए हमें यहाँ पर। मोहम्मद यहाँ पर जो है विवेक भाई कह रहे हैं आउट, और हर्ष कुमार जी कह रहे हैं फर्स्ट 6 ओवर कितना बन सकता है। भाई मेरे हिसाब से 9 की रेट चल रही है, तो कहीं ना कहीं 44 से 46 के बीच बन सकता है भाई। मोहम्मद संजय कह रहे लाइन टीम का बल्लेबाज देखेंगे नजर आ रहा है, इसलिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, बल्लेबाजी करने का फैसला इसलिए, बल्लेबाजी आसान है इस पिच के ऊपर, अगर रन बन सकते हैं अगर कोशिश करें तो। यहाँ पर दुष्यंत गुप्ता जी कह रहे हैं हेलो भाई कैसे हैं। विकास निगम कह रहे हैं सर 3000 का 5000 मिल रहा है, लॉयन खेल रहे हैं। बिल्कुल भाई, शेख अजमत जी हंस रहे हैं यहाँ पर, योगराज जी कह रहे हैं वेरी गुड जॉब सर, धन्यवाद। नॉलेज भाई कह रहे हैं रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, अगर रिपोर्ट ही होती तो 2000 में हम लोग को क्यों देते हैं, खुद खेल कर जीत जाए। बिल्कुल भाई मैं तो यही कहता हूं कि भाई अगर रिपोर्ट ऐसी कुछ चीज आपके पास है तो आप भाई खुद खेल के जीत जाइए, दूसरे को क्यों जिता रहे हैं भाई। मेरे अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ सोने की चीज लग जाए तो मैं दूसरे को क्यों बताऊंगा। इस बीच अपील हुई है, जोरदार अपील, पहला विकेट गिर गया है यहाँ पर लायंस का, रिजा हेंड्रिक्स जो है वो आउट हो गए हैं यहाँ पर, पहला झटका लगता हुआ लायंस को, 18 रन एक विकेट के नुकसान पर 2.1 गेंद के बाद रिजा हेंड्रिक्स जो है यहाँ पर शायद आउट हो चुके हैं। अपील तो जोरदार की थी और विकेट मिली है रुवांडे को, और रुवांडे को मिल चुकी है पहली विकेट, और जो है यहाँ झटका लग गया यार। और दुष्यंत जी कह रहे हैं हम फिर आ गए भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, संतू जी कह रहे हैं आउट, बिल्कुल भाई मॉर्निंग वाली पिच देख कर खेलना भाई। इंद्रजीत मौर्य भाई कह रहे हैं बिल्कुल भाई सही बात है, मगर इस बीच जो है पहला झटका लग गया है यहाँ पर, LPW आउट हुए, रिजा हेंड्रिक्स 6 गेंद में 10 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे, थोड़े अच्छे लग रहे थे बल्लेबाजी करते हुए, मगर जो है एक अच्छी गेंद यहां पर रुवांडे की, और अपील हुई जोरदार अपील थी, शायद कंट्रोवर्शियल अपील लग रही है मुझे, शायद आउट नहीं थे, शायद दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, 2.1 गेंद हो चुकी है, 18 रन एक विकेट के नुकसान पर, देखना होगा नए बल्लेबाज कौन होंगे। तो लॉयंस को लग गया है पहला झटका, और विकास भाई कह रहे हैं हेलो सर जी, विकास भाई कैसे हैं। विशाल चौहान जी कह रहे हैं सर 6 ओवर में 45 बन सकता है, भाई बन सकता है मगर अभी विकेट गया है तो मुश्किल होगा थोड़ा सा यहाँ पे। नसीम भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई। बिल्कुल भाई नसीम भाई बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं। शेख जी कह रहे हैं आउट और नॉट आउट है भाई, आउट हो चुका है भाई। मोहम्मद हसन भाई कह रहे हैं अरे यार रिजा हेंड्रिक्स पर भरोसा किया था भाई, मेरे को भी रिजा हेंड्रिक्स पर भरोसा था मगर पहला विकेट यहाँ गिर चुका है। विकास कह रहे हैं विशाल अंडर होगा 44 के या 6 ओवर में, भाई भाई उम्मीद करते हैं 44 से अंडर ही जाए, मगर अभी तो देखिए बल्लेबाजी ढंग से करनी होगी क्योंकि पहला विकेट खो दिया है। शेन डेड्सवेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो देखते हैं शेन जो है ये रन रेट को थोड़ा सा जो है अगर मेंटेन रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, विकेट ना दे, क्योंकि पिछले मुकाबले में ऐसा ही हुआ था, नाइट ने जो है पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट खो दिए, उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो पाए, सारे बल्लेबाज जो है एक करके एक कर आउट होते लग गए। और रन दे की अगली गेंद और स्ट्राइक पे शेन, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस दूसरी गेंद को। दूसरी गेंद पे आते ही सिंगल लिया, अच्छा शॉट लगा मुझे, कहीं ना कहीं अच्छी सोच के सिंगल है कि नहीं जी, कोई रन नहीं मिला, अच्छा मना किया वहां पर जॉश या रिचर्ड्स ने, और शेन शेन डेड्सवेल जो है वो होंगे स्ट्राइक पर। 2.2 गेंदें हो चुकी है, 18 रन एक विकेट के नुकसान पर लायंस का स्कोर है, और आप सब लोग जो है प्लीज लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। विशाल चौहान जी कह रहे बिल्कुल भाई, ऋषिकेश कह रहे अंडर 133 भाई, इंद्रजीत मौर्य भाई कह रहे दिवाकर जी सबसे बढ़िया लाइव कॉमेंट्री में यूट्यूब पर आपकी है भाई, करने कहां देते हैं, अच्छी नहीं कहूंगा भाई, कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा हूं तो लोगों को अच्छा लगता है, मेहनत करनी चाहिए, सब लोग मेहनत करते हैं, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूं भाई, कई बार मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग कमेंट्री करते हैं, मैं सुन के शायद सीखता हूं उनसे कई बार। और नहीं मैं सरदार भाई कह रहे हैं सुपर कमेंट्री धन्यवाद, सीजन व्लॉग्स कह रहे हैं को भाई आ गया फ्रॉम हुलुलुलु, हुलुलुलु से आ गए सीजन व्लॉग्स भाई। अरे ऋषिकेश भाई जुड़ गए अंडर 133 भाई, अंडर 133 बहुत कम स्कोर रहेगा यार, 2.3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी स्कोर 18 रन एक विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। चौथी गेंद रुवांडे की, चौका लगा दिया यहां पर शेन डेड्सवेल ने, बढ़िया ये शॉट, 4 रन बटोरे हैं, खोला है अपना खाता, पहला चौका निकाला है यहां पर शेन डेड्स ने अपने बल्ले से यहां पर, 2.4 गेंदों के बाद स्कोर है 22 रन एक विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर। तो लायंस जो है मन मना के आई है कि विकेट जाए या ना जाए मगर हमें रन जो है वो बोर्ड पे लगाने होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के खेलना होगा क्योंकि मैच जो है बड़ा फास्ट कहीं निकल ना जाए इनके हाथ से, तो कहीं ना कहीं जो है रन बनाते रहना चाहिए और सिंगल्स रोटेट करते रहिए, बीच बीच में एक चौके आने जरूरी है, कहीं ना कहीं इस ओवर में शांत ओवर जा रहा था मगर चौथी गेंद पर चौका लगा दिया यहां पर शेन डेड्सवेल ने, स्कोर अभी भी 22 रन एक विकेट नुकसान पर 2.4 गेंदों के बाद। इस बीच 5वीं गेंद रुवांडे की स्ट्राइक पे है शेन,
डेट्सवेल की अगली गेंद खेलेंगे डेट्सवेल। तीन रन लिए इस गेंद पर, अच्छा ये शॉट है क्या? चार नहीं जी, तीन ही रन मिले इस गेंद पर। बढ़िया बल्लेबाजी शेन डेट्सवेल की। 2.5 गेंदों के बाद 25 रन एक विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर। इस ओवर में भी 7 रन आ गए हैं, कम से कम एक विकेट गया है मगर 7 रन बटोरे हैं। तो इंटेंशन क्लियर है बल्लेबाजों की कि कहीं ना कहीं वो रन बनाने की कोशिश करेंगे, रन बनाने के लिए जाएंगे। यहाँ पर मोहम्मद जब्बार भाई कह रहे हैं नाइस कॉमेंट्री, धन्यवाद भाई। और मुश्किल लग रहा है इफ्तिकार खान जी कह रहे हैं भाई जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं क्रिकेट के अंदर में, वो ध्यान रखिए। क्या मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल नहीं भाई, अगर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी तो बढ़िया रहेगा। रुवांडे की अगली गेंद, चौका लगा दिया है यहाँ पर, जबरदस्त जोशिया रिचर्ड्स की बल्लेबाजी। 8 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बनाए हैं, 2 चौके लगा दिए हैं। 3 ओवर के बाद 29 रन एक विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर। करंट रन रेट की बात करें तो 9.67 की है यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर पावर प्ले के अंदर में आप 9 या 9.5 की रन रेट से रन बनाते तो कहीं ना कहीं अगले कुछ ओवरों में आप रन रेट अगर नीचे भी जाती है तो उसको कवर अप कर सकते हैं आगे के कुछ ओवर में। तो आप जो है स्ट्राइक पर होंगे शेन डेट्सवेल। 4 गेंदें खेल चुके हैं, 7 रन बनाए हैं और चौका लगाया था पिछले अभी इस ओवर में। देखते हैं अगला ओवर, चौथा ओवर जो है यहाँ कौन डालेगा। अच्छी बल्लेबाजी दिख रही है, गुड शॉट कह रहे हैं, ऊपर से रिपोर्ट है भाई। विकास भाई ऊपर से रिपोर्ट है चाहे आगे से रिपोर्ट है चाहे पीछे से रिपोर्ट है भाई, रिपोर्टें हमने भी बहुत देखी है कि डूबते हुए तो रिपोर्टें सारी डूब जाती है कई बार। विशाल फिर आपके मुंह से सबके मुंह से रिपोर्ट वाले बंदे से मुंह से नहीं निकलता है, आई एम सॉरी यार, अगली बार मैं कवर करा दूंगा। इफ्तिकार खान जी कह रहे हैं गुड शॉट, बिल्कुल भाई। विशाल चौहान जी कह रहे हैं अब बन सकता है क्या 45, 8,000 रुपए लगाए हैं भाई, उम्मीद करते हैं यहाँ से जो है एक आध बाउंड्री और निकाली जाए तो आपके बन जाए यहाँ पर। इफ्तिकार जी खान जी कह रहे हैं नाइस, और कौन विन कह रहे हैं विजय प्रताप भाई लायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं लायंस जीते। विकास जी कह रहे हैं 150+ होगा स्कोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। कौन विन भाई? विजय प्रताप भाई मेरे हिसाब से भाई यार लायंस जीत सकती है, मैं इस मुकाबले में लायंस को सपोर्ट कर रहा हूँ। जैनसन स्मिथ गेंदबाजी करने आए हैं, सिंगल लिया इस पहली गेंद पर शेन ने, स्ट्राइक दिया है जोशिया रिचर्ड्स को। तो 30 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर 3.1 गेंद के बाद। मेरे हिसाब से एक आध बाउंड्री और निकालनी चाहिए, पावर प्ले के ओवर में कम से कम 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाया जाए तो 45 रन एक बढ़िया स्कोर रहेगा पावर प्ले के अंदर। उसके बाद 4 ओवरों में अगर आप कम से कम नहीं तो 30 या 35 रन भी जोड़ेंगे तो बढ़िया स्कोर आपके 10 ओवर के अंदर बन जाएगा यहां पर। इफ्तिकार मारो नाइस, इफ्तिकार खान जी कह रहे हैं मारो यार मारो। मोहम्मद सिंह कह रहे भाई भाई जब 11 शेयर एक टीम में है चाहे एक शेयर जख्मी हो जाए तो 10 शेयर 100 के बराबर होते हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विकास जाकर कह रहे हैं विजय फर्स्ट बैट विन करेगा भाई, भाई मैं भी फर्स्ट पे ही बोल रहा हूँ। अंकुर जी कह रहे हैं 6 ओवर कितना जाएगा प्लीज बताइए भाई, ये 6 ओवर में मैं कैसे बता सकता हूँ। इस बीच जो है दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया है जोश रिचर्ड्स ने, जबरदस्त बल्लेबाजी इस बल्लेबाज द्वारा, मतलब चौकों में डील कर रहे हैं, सिंगल डबल पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं जोश रिचर्ड्स। यहाँ पर 9 गेंदों में 15 रन बना चुके हैं, 3 चौके लगा चुके हैं 3.2 गेंदों के बाद, 34 रन एक विकेट नुकसान पर। तो तीसरी गेंद पर नहीं आया कोई रन तो इस ओवर में भी 5 रन बटोर चुके हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी लायंस की तरफ से। तो ऐसे ही बल्लेबाजी की मुझे उम्मीद है कि दोनों टीम जो है जम के बल्लेबाजी करे, जम के जो है यहां रन बनाए। अब विकास निगम कह रहे 180+, बिल्कुल भाई उम्मीद करते हैं। विधेंद्र शाह जी कह रहे हैं आज का ड्रीम लम्हा कौन होगा भाई, भाई ये मुझसे मत पूछिए धीरेन्द्र साहब भाई, इसमें मैं कमजोर हूं थोड़ा सा। नईम जी कह रहे हैं भाई मेरी तबियत खराब होती है इसलिए नहीं आता हूं। नईम भाई बिल्कुल, मेरे भी कुछ कॉपीराइट इश्यू था, मैं इसलिए लाइव नहीं कर पा रहा था, माफी मांगने की जरूरत नहीं, कोई भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरान भाई कह रहे हैं विशाल ब्रो प्रोबो पर, अच्छा भाई। विकास जी कह रहे हैं अंडर 53 6 ओवर स्कोर। शेख अजमल कह रहे हैं गुड बैटिंग भाई, भाई चमन यार बिल्कुल भाई। इस बीच एक और विकेट गिर गया है यहाँ पर, जोश रिचर्ड्स जो है चौथी गेंद पर कैच आउट हो गए हैं, 34 रन 2 विकेट नुकसान पर 3.24 गेंदों के बाद। तो कहीं ना कहीं रन की तेजी तो थी मगर 2 विकेट आप खो दिए हैं लायंस ने, तो कहीं 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 ना कहीं अब जो है बल्लेबाजों को सोचना चाहिए कि पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, कहीं ऐसा ना हो नॉर्दर्न नाइट्स की तरह, नाइट्स की तरह इनकी बल्लेबाजी भी जो है सिमट जाए। 34 रन 2 विकेट नुकसान पर 3.4 गेंदों के बाद जोश रिचर्ड्स जो है वो कैच आउट हो गए हैं। 11 गेंदों में 15 रन बनाए थे, 3 चौके लगाए थे, अच्छी लग रही थी बल्लेबाजी मगर उनको आउट कर दिया जैसन स्मिथ ने। तो 2 विकेट खो दिए हैं यहां पर और मुश्किलें थोड़ी सी लायंस के लिए बढ़ते हुए, क्योंकि रन तो आपने बना लिए हैं, करंट रन रेट में कोई दिक्कत नहीं है, 9.27 की करंट रन रेट है आपकी, 34 रन बने हुए हैं, 2 विकेट गिर चुके हैं, विकेट अहम है यहाँ पर क्योंकि आपने 2 बल्लेबाज खो दिए मैच के शुरुआत के 4 ओवर के अंदर में। अब एक आपको पार्टनरशिप चाहिए यहां से, 30 से 40 रन की पार्टनरशिप चाहिए, 10 से 12 ओवर तक जो है इसको खींच के ले जाना चाहिए। मिचेल वेन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे होंगे मिचेल वेन, गेंदबाजी कर रहे हैं जैसन स्मिथ। तो कहीं ना कहीं अब बल्लेबाजों को थोड़े लंबे पारी
खेलने होंगे, तेज तरार पारी के चक्कर में ऐसे ही जो है विकेट जाती रहेगी यहाँ पर। भाई करो आउट, फिर मैं क्या करूँ भाई, आउट हो गए यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। और नहीं ब्रो नहीं मारेंगे बिल्कुल भाई, खान अनवर कह रहे हैं आज पीएसएल का मैच है क्या भाई, बिल्कुल खान अनवर भाई पीएसएल का मैच है, मुल्तान वर्सेज पेशावर जलमी का मैच है आज, मेरी फेवरेट टीम है भाई। और देखो भाई लोग पहले ही बोल रहा, अरे यार क्यों आ रहे हैं आप विकास भाई, टेंशन। खान अनवर कह रहे हैं पीएसएल का मैच कब स्टार्ट होगा भाई, 7:30 बजे मैच जो है टॉस हो जाएगा, 8 बजे मुकाबला शुरू होगा। खान भाई पीएसएल आज भाई, तो चलते हैं जरा मैच की तरफ। और मिचेल वैन यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए हैं, अब देखते हैं कितने रन यहां से बना पाएगी, 2 विकेट खो दिए हैं, रन रेट में कोई इजाफा नहीं है, आप 2-3 ओवर जो है स्लो खेल सकते हैं यहाँ पर, या 3-4 ओवर ले सकते हैं यहाँ पर, टाइम ले सकते हैं, या 4 रन 5 रन ओवर से निकाल सकते हैं, क्योंकि रन रेट आपका जो है सपोर्ट कर रही है आपको। इस बीच जो है यहाँ पर अब 5वीं गेंद मिचेल वैन को सिंगल लिया, मिचेल वैन ने स्ट्राइक दिया है शेन डेड्सवेल को, और स्कोर पहुंचा 35 रन 2 विकेट नुकसान पर 3.5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद खेलेंगे शेन डेड्सवेल, गेंदबाजी करेंगे जेसन स्मिथ, और आप सब करेंगे अपने अपने मैसेजेस और लाइक जरूर करिएगा। 200 लोग देख रहे हैं, 54 लाइक है, एक बार जो है आप सब लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं सपोर्ट रहता है आप सबका। अंकुर और भाई कह रहे हैं नेक्स्ट ओवर कितने आएंगे भैया, भाई उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ओवर में कम से कम 5 या 6 रन तो आएंगे, क्योंकि अभी भी विकेट गया, शायद स्लो खेलेंगे बल्लेबाज यहां पर। नहीं भाई कह रहे आपकी फेवरेट टीम कौन सी है भाई, भाई मैं तो पीएसएल में मुल्तान सपोर्ट कर रहा हूं, इंडिया आईपीएल में भाई क्या कहते हैं यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स सपोर्ट करता हूं, और वहां पर बिग बैश में एडिलेड को सपोर्ट करता हूं भाई, और बीपीएल में भाई मुझे शाकिब अल हसन की टीम काफी हद तक पसंद है मुझे यार। तो इस बीच जो है आखिरी गेंद पर जो है 1 रन लिया था शेन डेड्सवेल ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, 6 गेंद में नौ रन बना चुके हैं, 1 चौका लगाया था, 4 ओवर के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है, क्या अगले 2 ओवर में 15 रन और बन सकते हैं जिससे स्कोर जो है 50 के पार जा सकता है क्या, देखते हैं यहाँ पर। और अगले 2 ओवर बचे हैं पावर प्ले के, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे शेन डेड्सवेल और मोहम्मद सिंह। शेन डेड्सवेल रह गया तो स्कोर 150+ होगा जरूर, वर्नर लायंस का अभी है भाई, उम्मीद करते भाई। और ऋषिकेश भाई कह रहे कर दिया लाइक, बिल्कुल भाई धन्यवाद भाई। और नितेश भाटिया भाई कह रहे हैं आपका नाम क्या है भाई, भाई मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं दिल्ली से हूँ सर जी। विधान शर्मा जी कह रहे हैं मिश्रा जी मेला पिक्चर देख रहा हूँ, गुजर देखो रूपा का उठाकर ले गया, पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है लोग, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, अच्छा लग रहा है विदाश्रम भाई, देखिए देखिए एंजॉय करिए। विकास जी कह रहे हैं, विकास भाई कह रहे थे कुछ यार, विकास ब्रो अंकुर फुल रिपोर्ट है भाई, अरे कोई रिपोर्ट नहीं हो। चेतन राठौर जी कह रहे हैं पीएसएल का मैच आज है क्या, बिल्कुल भाई पीएसएल का मैच आज है भाई, एहसान भाई अंडर नहीं बनेगा। ऋषिकेश करे कर दिया लाइक, बिल्कुल धन्यवाद भाई। और मेरा नाम दिवाकर मिश्रा और मैं दिल्ली से हूँ भाई, लोगों को जिन्होंने नहीं पता है उनको बता दूं मैं, मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @mishra_dibakar मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। इस बीच डेरियन की अगली गेंद, दूसरी गेंद यहाँ पर स्ट्राइक पे है डेड्सवेल, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे पहुंचे मिचेल वैन और 37 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर 4.2 गेंदों के बाद। कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर तो है, मगर 2 विकेट आपने खो दिया, अगर यहाँ पे 1 विकेट ही खोया होता तो कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा लगता आपका यहाँ पर। और चेतन राठौर जी कह रहे हैं ओके बिल्कुल भाई चेतन भाई, 7:30 बजे टॉस होगा, 8 बजे मुकाबला शुरू होगा, मुल्तान वर्सेज पेशावर जलमी का मैच है, अगर मैं गलत हूं तो शायद मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लाइव चैट में आप सब लोग अपने अपने मैसेजेस भेजते रहिए यार, मेरा नंबर है मैसेज करो भाई। नहीं भैया ये लीजिए नंबर, आप ले लीजिए जिसको नंबर देना ना, कोई भी मैसेज मत करिएगा भैया, क्योंकि देखिए मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर इन्होंने पैसे ठग लिए आपसे कुछ भी करा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं भाई किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता हूँ, किसी के पास कोई रिपोर्ट नहीं होती, अगर रिपोर्ट होती ये लाइव चैट में आ गया मैसेज नहीं कर रहे होते, ये कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से फायदा उठा के पैसे कमा रहे होते विकास जहांगीर भाई, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है भाई, प्लीज़ ना करिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं, रिपोर्ट है आपकी, प्रिडिक्शन है साहब, बोलिए ना आपको प्रिडिक्शन है आपकी सिर्फ। 37 रन 2 विकेट नुकसान पर 4.3 गेंदों के बाद स्ट्राइक पे है मिचेल वैन, देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं डेरियन की ये चौथी गेंद है ये 5वें ओवर की, स्ट्राइक पे है मिचेल वैन, क्या पड़ा शॉट लगा सकते हैं क्या, एक बाउंड्री बटोर सकते हैं सीरीज पे, वाइड गेंद ये, एक अतिरिक्त रन मिलेगा लॉयंस को, 38 रन हो चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर 4.3 गेंदों के बाद, बढ़िया यहाँ पर जो है गेंदबाजी, 2 विकेट छटका दिए हैं यहाँ पर। नितिन बाटे करें गुड जॉब भाई, बिल्कुल धन्यवाद भाई। और विजय प्रताप करें टॉस कौन विन होगा भाई, टॉस तो भाई मेरे टॉस का नहीं पता भाई, मुझसे मत पूछिए। मिश्रा जी मुझे इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज फर्स्ट T20 की टिकट बुक करनी है, ऑडियंस अलाउ कर दो भाई, भाई मैं कैसे अलाउ कर दूं, वो तो बीसीसीआई अलाउ करेगी यार, मैं कैसे अलाउ कर सकता हूं। और
जश्मुद्दीन खान कह रहे हैं हेलो भाई कैसे हैं, और विकास भाई कह रहे हैं पीएसएल में आएंगे। भाई पीएसएल में नहीं आएंगे, बिल्कुल पीएसएल में आया था, मेरी एक वीडियो फंसी हुई है यार कॉपीराइट की वजह से, कॉपीराइट लग गया था पीएसएल में, क्योंकि दूसरी कंपनी करती है मैं नहीं कर सकता उसमें यार पीएसएल में। और संटू भाई कह रहे हैं विकेट, और नितिन भाई कह रहे हैं आपकी कॉमेंट्री बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सर जी, थैंक यू भाई नितिन भाई, सबका सबका प्यार है यार, सपोर्ट है, बस लाइक करवा दीजिए यार सब लोग, 250 लोग देख रहे हैं, 63 लाइक है, अगर 37 भाई और ध्यान से लाइक कर देना 100 का आंकड़ा जो है चुटकियों में पूरा हो जाएगा यहाँ पर। अंकुर भाई कह रहे पार्टनरशिप करवाएंगे क्या दोनों की, भाई उम्मीद करते हैं जाए। इस बीच जो है यहां पर ओवरथ्रो का एक चौका मिल गया है, चौथी गेंद पर ओवरथ्रो का एक बाउंड्री मिल चुकी है मिचेल वैन को, शॉट लगाया था थोड़ा आगे गए थे मगर फिल्डर ने जो है चूक करी, थ्रो जो है गलत फेंका, उस बीच जो है 4 रन मिल गए हैं यहाँ पर, 42 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर 4.4 गेंदों के बाद। लायंस ने टॉस जीता था पहले गेंद, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, कहीं ना कहीं रन रेट की बात करें तो 9 की चल रही है, कम से कम पावर प्ले में रन तो आ रहे हैं और वाइड भी आ रहे हैं, ओवर थ्रो के भी आ रहे हैं, तो किस्मत कहीं ना कहीं लायंस की चल रही है। अब लायंस को सिर्फ ये करना है कि 20 ओवर अपनी पूरी बल्लेबाजी करना है, कम से कम 150 रन से ऊपर जो है बोर्ड पे लगाना होगा यहाँ पर। मैं चलता हूँ आप सबके मैसेज इस तरफ, अर्निंग भाई कह रहे हैं भाई इस मैच में मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए यार, मजा आना चाहिए। और नॉक्स गेमिंग कह रहे हैं डिप्लोमेन अच्छा बॉलर है, इसको क्या हुआ है ब्रो? अरे कुछ हुआ नहीं है सर जी, हर तरफ धुआं धुआं राख राख है इनकी तरफ, गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं डिप्लोमेन मगर ओवरथ्रो का बाउंड्री जो है वो फिल्डर ने करी है, उनकी कोई गलती नहीं, वो तो गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं यहां पर। और किसी का मैसेज छूट गया तो माफी चाहूंगा। मनी अर्निंग कह रहे हैं भाई कि इस मैच में मजा आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए भाई। जसमुद्दीन खान भाई कह रहे हैं कहां से हैं, आपकी शादी हो गई क्या? भाई शादी नहीं हुई है मेरी, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं हूं दिल्ली से भाई। योगेश शिंदे कह रहे हैं विकेट, और शोएब शेख कह रहे हैं रेड्डी अन्ना ऑनलाइन पे कोई खेलता है? नहीं खेलता भाई कोई भी यहाँ पर। विधान शर्मा जी कह रहे हैं भाई इमरान ताहिर को साउथ अफ्रीका में कम पैसा मिलता है क्या? इमरान ताहिर भाई खेल ही नहीं रहे टीम में, उनकी गलती क्या है बेचारों की यार। 4.5 गेंदे हो चुकी है, 43 रन 2 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर है। और सही बताऊं आपको तो मैं कहीं ना कहीं, देखिए इमरान ताहिर की बात नहीं, किसी भी प्लेयर की बात करता हूं यार, फाइनेंशियली सबको, देखिए मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, मैं यूट्यूब पे कमेंट्री करता हूं, कहीं ना कहीं मैं भी सोचूंगा यार कहीं ना कहीं मुझे काम तो मैं कर ही रहा हूं, खेल तो मैं रहा हूं, मगर मेन चीज क्या है मेरी इनकम भी रहे, तो इनकम कहीं ना कहीं अगर शायद इस लीग से ज्यादा उनको पीएसएल में मिल जाएगा, शायद आईपीएल में मिल जाएगा या फिर बिग बैश में मिल जाएगा, तो इन लीगों में ज्यादा प्लेयर जो है सोचते हैं यार प्रॉफिट के चक्कर में, क्योंकि इमरान ताहिर तो इतना क्रिकेट खेल चुका है और शायद उनका फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप पैसे की कोई टेंशन नहीं, अब तो वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं। अब नहीं जी कह रहे हैं विकेट विकेट विकेट, भाई नरेंद्र सातव जी कह रहे हैं अभी भाई अभी तो हाँ भंडारा खा रहा है, बिल्कुल नरेंद्र सातव भाई, नरेंद्र सातव जी कह रहे हैं फाटियों को बुला मनिंग करे भाई खेल मैं खेलता हूं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीएसएल अब कोई विकेट नहीं आएगा एटलीस्ट 5 ओवर तक, अंकुर जी कह रहे हैं उम्मीद करते हैं भाई। शोएब शेख कह रहे हैं नाइस कमेंट्री भाई, धन्यवाद भाई आप सबका प्यार है यार। जसमीन खान कहां से हैं भैया, बोलिए जल्दी कहां से है भाई। मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, मैं दिल्ली से हूं, इंडिया से हूं भाई, टेंशन मत लीजिए। और मोती हरियाणा कुमार जी कह रहे हैं भैया क्या लग रहा है, भैया अच्छा लग रहा है बल्लेबाजी देखते हुए, कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद लग रही है शायद यहां ये टीम जो है 160 बना पाएगी। 5 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर है, स्ट्राइक पे होंगे शेन डेट्सवेल, तो देखते हैं शेन डेट्सवेल जो है आखिरी ओवर पावर प्ले का किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पर, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई बल्लेबाजी देखते हुए, मुझे उम्मीद है शायद हो सकता हो यहां से जो है स्कोर बन जाए। और नईम भाई कह रहे हैं ये कौन सा मैच है भैया, भाई ये मैच सीएसए टी20 चैलेंजर्स है, साउथ अफ्रीका की लीग का ये मैच है। समीर यादव जी कह रहे हैं कितना स्कोर होगा भाई, मेरे हिसाब से 155-170 के बीच बन सकता है यहां पर, अगर विकेट गई है तो मैं 150-170 बोलूंगा भाई आपको। जसमुद्दीन खान कह रहे हैं कहां से, भाई बता तो दिया आपको मैं दिल्ली से हूं भाई, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है। विधान शर्मा जी कह रहे हैं इमरान ताहिर की साउथ अफ्रीका टीम से पेंशन हो गई है, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पेंशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इस बीच जो है यहां सिंगल लिया, 45 रन हो गए पूरे और स्ट्राइक पे आ गए हैं मिचेल वैन, और 5.1 गेंद के बाद 45 रन 2 विकेट नुकसान पर। दूसरी गेंद यहां पर रुवांडे की, पहला विकेट चटकाया था उन्होंने, अपना 1 विकेट चटका चुके हैं, इस बीच दूसरी गेंद कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, तो पावर प्ले की बची है 4 गेंद, क्या एक बाउंड्री जो है वो और आ सकती है। भाई मेरे कमेंट पढ़ो ना, शर्माओ मत। आदित्य पंडित भाई कह रहे हैं भाई मैं कोशिश कर रहा हूं आपके कमेंट पढ़ने की, थोड़ा नीचे टाइम लगता है क्योंकि आप कमेंट कर देते हैं, थोड़ा मैं ऊपर से नीचे आता हूं, आप ध्यान दीजिएगा मैं ऊपर से सबके कमेंट पढ़ते हुए आता हूं, मुझे शर्माता नहीं, क्योंकि शर्माना नहीं है आपको, घबराना नहीं है आप सब लोगों को, लाइक करते रहना है। 26 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 100 का, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका ही दोस्त हूं यार। जसमुद्दीन खान कह रहे हैं आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं क्या? नहीं जल्दी बताइए भाई, मैं ड्रीम इलेवन नहीं खेलता हूं जसमुद्दीन खान भाई,
जो है मैं ड्रीम इलेवन नहीं खेलता क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है वो चीज़, और मेरे मैं इसमें जीत नहीं पाता हूँ तो मैं इसलिए नहीं खेल पाता हूँ यार, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक दो प्लेयर चुन सकता हूँ, बाकी 11 प्लेयर चुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और नॉक्स गेमिंग कह रहे हैं आई एम हेयर फ्रॉम डी हेनरिक्स बैटिंग एंड फॉर हिज बैटिंग और योर कॉमेंट्री टू। बिल्कुल भाई धन्यवाद भाई नॉक्स फॉर गेमिंग ऑफ भाई। शोएब शेख कह रहे हैं भाई रेडी अन्ना, अरे यार ऋषिकेश कह रहे हैं आउट। डेक्सवेल कह रहे हैं गुड डेक्सवेल इज अ गुड अफ्रीकन डोमेस्टिक प्लेयर। भाई नॉलेज भाई सही कह रहे हैं आप, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मगर इस बीच जो है आउट हो गए। यहाँ पर एक और विकेट खो दिया है यहाँ पर लायंस ने, कैच आउट हुए मिचेल वैन, 6 गेंदों में 6 रन बनाए थे, एक और झटका लगता हुआ लायंस को, 45 रन बनाए हैं 3 विकेट नुकसान पर 5.3 गेंदों के बाद। लायंस जो है मुश्किलों में बढ़ती, वही गलती करी जो नॉर्दर्न नाइट्स ने किया था, मगर नाइट्स ने रन नहीं बनाए थे, कहीं ना कहीं लायंस ने यार रन बना रखे हैं, मगर 3 विकेट खो दिए हैं। अब जो है सोचना होगा किसी तरीके से 6 से 15 ओवर के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप करनी होगी। शेन डेडवेल जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना होगा, और रन रेट को थोड़ा सा जो है, अब रन रेट जो है अंडर कंट्रोल है, पावर प्ले में आपने जो है 45 रन बना लिए, मगर विकेटें 2 ज्यादा खो दी है आपने। और रोएन डेगो आपको जो है दूसरी विकेट मिल चुकी है, उन्होंने 1.3 गेंदें फेंकी है, 12 रन दिए हैं और 2 सफलताएं अर्जित करी है। मिचेल वैन जो है वो आउट हो चुके हैं, देखते हैं नए बल्लेबाज जो है वो कौन आते हैं यहाँ पर। अच्छा हुआ मेरी टोटल कितने होगा रन होगा भाई, 150 से 170 के बीच बोल रहा हूँ भाई मैं। एम न्यूज एजेंसी कह रहे हैं पीएसएल पर लाजमी बताओ। ओके भाई पीएसएल मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, बिल्कुल एक्चुअल में कॉपीराइट इशू है पीएसएल के अंदर। जीपीपी के अंदर 10 ओवर में 5 विकेट, भाई मेरे को तो लग रहा है ऐसे ही कहीं रन बना चले जाएंगे और विकेट चला जाएंगे। 201 लाइक कर दिया भैया, बिल्कुल भाई धन्यवाद भाई। अब भाई कल ऑक्शन है, लाइव जाना आपके साथ मजा आएगा। विधान शर्मा भाई कल तो लाइव, कल ऑक्शन नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, 12 तारीख से शुरू होगा, 12 और 13 तारीख को होगा, तो 12 और 13 को यार लाइव करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैच भी होंगे और साथ साथ में जो है ऑक्शन की बातें भी करते रहेंगे साथ साथ में। मनी अर्निंग कह रहे हैं यहाँ पर भाई क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई मैं तो लाइन को सपोर्ट कर रहा हूं पहले मैच से, और मैं पहली इनिंग से ही शुरुआत से ही तो मैं लाइन को सपोर्ट कर, मैं टीम बदलता नहीं हूं बीच में भाई। और 45 रन 3 विकेट नुकसान पर 5.3 गेंदें हो गई है। डोमिनिक हेंड्रिक्स आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं डोमिनिक हेंड्रिक्स जो है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। रुआन डे की बची है 3 गेंदें इस पावर प्ले की, 2 ओवर ही कर रहे थे, 2 सफलताएं अर्जित कर ली है इन्होंने। इस बीच चौथी गेंद डोमिनिक को, डोमिनिक ने सिंगल लिया इस गेंद पर, शेन डेडस्वेल जो है आ गए स्ट्राइक पर 5.4 गेंदों के बाद, 46 रन 3 विकेट नुकसान पर, पावर प्ले की बची है सिर्फ 2 गेंदें। तो आप चलते हैं आई थिंक 130 से 150 के बीच में भाई, हो सकता है ऋषिकेश भाई यही स्कोर बने, और 25 भाई अगर और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो 100 के पार हो जाएगा, तो प्लीज एक बार लाइक बटन जरूर दबाइएगा आप सब लोग। मनी अर्निंग कह रहे हैं भाई कैसा लगता है कौन जीतेगा? भाई मुझे लगता है शायद लायंस जीत सकती है इस मैच को। आरके वर्मा कह रहे हैं भाई मिलर खेल रहा है, बिल्कुल भाई किलर था मिलर बॉय खेल रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ स्कोर कम से कम 160 से ऊपर बनाना चाहिए था, तभी मजा आएगा। पटेल लाल भाई कह रहे कितना रन बनेगा? भाई मेरे हिसाब से मैंने जो प्रिडिक्ट किया हुआ 155 से 170 के बीच में किया हुआ, तो हो सकता है शायद बन जाए यार, कोई अच्छा खेल जाए बस। और मोहम्मद कैफ करें भाई 15 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरेगा, भाई उम्मीद करते हैं ना गिरे यार, उम्मीद करते हैं भाई। मनी इनिंग करने भाई क्या लगता है कौन? भाई बता दिया आपको मैंने, 4th विकेट के लिए पार्टनरशिप बनेगी भाई, रोहित भाई कह रहे हैं उम्मीद करते हैं। मोहित आर्यन कुमार जी कह रहे हैं कौन जीतेगा? जरफुल आश्रम जी कह रहे हैं हाय हाय भाई कैसे है, और विधान शर्मा जी कह रहे हैं रबारा कहाँ है, कहाँ है ऑक्शन में अच्छी प्राइस के लिए पूजा पता नहीं भाई कहाँ है, पूजा प्रार्थना ही कर रहे होंगे। इस बीच जो है कैच ड्रॉप हुआ है, बच गए यहाँ पर डोमिनिक, नहीं माफ करिए शेन डेडस्वेल, तो एक जीवन दान मिला है उनको, सिंगल लिया इस आखिरी गेंद पर शेन डेडस्वेल ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, 12 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं यहाँ पर, एक चौका जो है लगाया था, 6 ओवर के बाद 47 रन 3 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। अब जो है ये 6 ओवर के बाद 6 से लेकर 15 ओवर के बीच में ये एक बहुत अहम फेज होता है T20 के अंदर में, यहां आपको गेम जो है संभल के चलानी होगी। तो आप जो है आप सब लोग जो है लाइक कर दीजिए, देखते हैं 7वां ओवर लेके कौन आता है यहाँ पर, थोड़ी सी चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है मौसम में। और जसमुद्दीन कह रहे हैं भाई मैं बहुत खुश हूं भाई, धन्यवाद भाई। नॉलेज भाई कह रहे हैं भाई ये दोनों प्लेयर अच्छे हैं, देखते हैं भाई अच्छा खेलते हैं भाई, सही कह रहे हैं नॉलेज भाई। हमारे दादा पैकेट लिया है, जसमुद्दीन खान कह रहे हैं दादा का पैकेट लिया, हमें नहीं पता कौन सा दादा का लिया भाई आपने। और जसमुद्दीन खान कह रहे हैं मैं ड्रीम इलेवन में लगाया हूँ वजह, सही कह रहे हैं भाई। नॉक प्लस कह रहे हैं भाई RD सौरत के स्टेटस बहुत खराब थे बट आई हैव पिक्ड हिम फॉर द बेस्ट बॉलिंग अटैक, भाई देखते हैं क्या रहेगा। विकास निगम करे सॉरी बच गया, विचौदी करे भाई ऐसा में क्या सेम CD लग रहा है,
क्या सही कह रहे हैं, दोनों में सेम लग रहा है, मगर कहीं ना कहीं रन बने हुए हैं। अब यहाँ से यार सिंगल्स भी ट्रोट करेंगे मेरे हिसाब से, अगर अगले 10 ओवर में 60 रन 70 रन बना लेंगे तो स्कोर ठीक ठाक रहेगा। इस बीच हवा में खेला है शेन्स डैसवल ने, 1 रन लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पहुंचे डोमिनिक हेंड्रिक्स। डोमिनिक हेंड्रिक्स भी अच्छे बल्लेबाज हैं, साथ में शेन डैसवल भी है, गेंदबाजी करने आए, कप्तान आए हैं डॉल्फिन के। प्रियन यार इनका नाम बड़ा जबरदस्त है यार, सुब्रियन गेंदबाजी करने आए हैं, 48 रन 3 विकेट नुकसान पर 6.1 गेंद के बाद। डोमिनिक है स्ट्राइक पर, गेंदबाजी कर रहे हैं सुब्रियन, कप्तान है ये डॉल्फिन के, देखते हैं क्या कप्तानी गेंदबाजी करेंगे कि नहीं। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं डॉकवेल 50 होगा भाई, उम्मीद करते हैं बन जाए। राहुल यादव कह रहे हैं लॉयंस यार भाई बिल्कुल लॉयंस जीतनी चाहिए, डोमिनिक मेरे कप्तान है भाई ड्रीम 11 में भाई, उम्मीद करते हैं डोमिनिक जो है फिर मार दे 70 रन कम से कम। मोहम्मद कैफ कह रहे हैं बिल्कुल भाई, विजय प्रताप कह रहे हैं पर लॉस डॉल्फिन होगा भाई, भाई उम्मीद करते हैं डॉल्फिन जीत जाए आपके जैसे कह रहे हैं। अंकुर भाई कह रहे हैं 8 ओवर कितने आएंगे प्लीज बताइए, कोई 8 ओवर में कितने आएंगे ये कैसे बता सकते हैं भाई, प्रीडिक्ट कर सकते हैं, 2 ओवर में लगा लीजिए कम से कम 12 रन देते हैं, मैं सबसे 12 रन से कम ही लगा लीजिए। सुबियन की अगली गेंद, दूसरी गेंद, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, 6.2 गेंदें हो चुकी हैं, 48 रन 3 विकेट नुकसान पर लॉरेंस का स्कोर है। कहीं ना कहीं यहां टाइम लेना होगा दोनों बल्लेबाजों को, और टाइम लेके बल्लेबाजी करनी होगी, देखते हैं क्या जो है यहां पर जो है कितने रन बना। उनके पास बहुत ज्यादा ही पुराने मैच, दो ही फटाफट रन बनाएंगे या क्यों ड्रामा करते हैं भाई, विजय चौधरी भाई कह रहे हैं सही कह रहे, बल्लेबाज तो हैं उनके पास यार, देखते हैं कितने रन यहां से बनेंगे, और पहले बोर्ड पर रन लग जाए तो तब समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद डिफेंड हो सकता है ये टोटल जो भी बनाएंगे। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ, 6.3 गेंद हो चुके हैं, चौथी गेंद यहां पर सुब्रियन की स्ट्राइक पे है, यहां पर शेन डैडवेल शॉट खेला, हवा में खेला, 6 रन बटोरे इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट शेन डैडवेल का, और नॉलेज भाई ने सही नॉलेज दी थी हमें यहां पर कि बढ़िया बल्लेबाज है यहां शेन डैडवेल, छक्का लगा दिया है, 1 छक्का 1 चौका लगा चुके हैं 14 गेंदों में, 19 रन बना चुके हैं 6.4 गेंदों के बाद, 55 रन 3 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में तेजी जो है वो कम नहीं हो रही है यहां पर, और रन जो है बढ़िया बन रहे हैं। फरदीन शेख भाई कह रहे हैं हाय, ऋषिकेश कह रहे हैं आउट, फालतू टीम है, शेख आजम कर रहे भाई वो नहीं मुंह चल करे, कौन जीतेगा भाई, मैं लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं लॉयंस इस मुकाबले को जीते। और विधान शर्मा कह रहे भाई आरआर कब रिलीज होगी भाई, भाई ये नहीं पता मुझे, इसकी न्यूज नहीं है भाई मुझे। चलिए न्यूज जो है, मुझे छक्का लगाया है यहां पर शेन डेडवेल ने, और 5वीं गेंद यहां पर सुब्रेन की स्ट्राइक पे है डेडवेल, डेट्सवेल यहां पर डॉट बॉल हुई, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, 6.5 गेंदों के बाद स्कोर जो है 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं अब आखिरी गेंद जो है इस ओवर की किस तरीके से खेलेंगे। तो 25 लोग हमें देख रहे हैं यार, 80 लाइक है, एक बार स्क्रीन को सीधा करके लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग। रविंद्र कह रहे हैं जानवरों का मैच चल रहा है यार, लायंस एंड डॉल्फिन्स। सुमित भारती कह रहे हैं दोनों 100 मारेंगे भाई, उम्मीद करते हैं सुमित भारती भाई आपके मुंह में घीसे कर दोनों शतक मारे तो मजा ही आ जाएगा मुकाबले में, हमारे व्यूअर्स भी खुश हो जाएंगे यार लगता है। 80 लाइक है यार भाई, जब लाइक नहीं करते आप सब लोग, क्या चक्कर है आजकल, नाराज वराज हैं क्या हमसे, तो लाइक कर दीजिएगा, 20 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो पूरा हो जाएगा यहाँ 100 का। चाय भी हमने पी ली है तो आप चलते हैं, डॉल्फिन विन ग्राउंड रिपोर्ट है भैया, वाह तुम भी आ गए प्राइड भाई ग्राउंड रिपोर्ट। संतो दास से करें विकेट, और जसमुद्दीन खान करें भाई तुम पानी पी लो यार, कितना बोलोगे भाई, बोलना तो पड़ेगा यार यहाँ पर। नॉलेज कह रहे हैं 20 ओवर 48 यस किया है, मजा आ जाएगा भाई, बिल्कुल उम्मीद करते हैं भाई बन जाए। विचारी कह रहे हैं अपना कुछ काम कर दो यार कुछ करना पड़ेगा लॉयल भाई। अटेंडिंग न्यूज कह रहे हैं भाई, और भाई बहुत दिन से यूट्यूब पर खोज रहा था, की हाल है भाई, बढ़िया है भाई, बहुत दिन से खोज रहे थे, बिकॉज यार कॉपीराइट का इशू था, इस वजह से जो है मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, लाइव मेरा बंद था यार। ट्रेंडिंग न्यूज भाई चलते हैं जरा मैच की तरफ, और 7 ओवर हो गए हैं समाप्त, 56 रन 3 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। स्ट्राइक पे होंगे शेन डैट्सवेल, डैट्सवेल जो है 16 गेंदों सामना किया है, 20 रन बनाए हैं यहाँ पर, 1 चौका 1 छक्का लगा चुके हैं, देखते हैं 8वां ओवर लेके कौन आता है। करंट रन रेट की बात करें तो वो 8 की है, तो ये रन रेट जो है मेंटेन रखना पड़ेगा यहाँ पर। नैना साहब करे कौन जीतेगा सर जी, मेरे हिसाब से भाई लॉयंस को जीतना चाहिए। आर के वर्मा करें भाई बैटिंग वाली टीम कोई नेक्स्ट इंटरनेशनल बैट्समैन नहीं है भाई, इंटरनेशनल बल्लेबाजों से क्या होता है आईपीएल में भाई साहब, देखा नहीं आपने, इंटरनेशनल प्लेयर ना होने की वजह से छोटे छोटे प्लेयर भी जो है जीत जाते हैं। तो भैया आप भरोसा रखिएगा, अच्छे अच्छे प्लेयर टैलेंट होना चाहिए भाई इंसान के अंदर, बल्लेबाज उनको चुना गया है कहीं ना कहीं टैलेंट होगा ना उनके अंदर, खेलने आता है। अब आपने नाम सुना था कभी भी आपका शेन डैट्सवेल का, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं ये। एंड्रयू फ्लिक पायो जो है बल्लेबाज गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पर, सिंगल लिया पहली गेंद पर शेन डैट्सवेल ने, स्ट्राइक पे आ गया है डोमिनिक, 7.1 गेंद के बाद 57 रन 3 विकेट नुकसान पर, और जो है लाइक करते रहे यार। और इंद्रजीत जी कह रहे हैं मौर्य भाई कह रहे हैं मैच रोमांच होगा भाई, रोमांचक होना चाहिए विधानसभा डॉल्फिन में, मैं
करती और लॉयन शिकार करती है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। और सुनील प्रमाण कह लाइक किया है, धन्यवाद भाई। और स्टेटस दास कह रहे हैं इंग्लिश कमेंट्री भी करो भाई। अरे आती होती तो कर भी देते भाई, दिक्कत है हमारे साथ। संटू दास भाई कह रहे हैं, और यहाँ पर जो है कह रहे हैं भाई विचार भाई मैसेज निकल गया आपका। विधान शर्मा जी कह रहे भाई ये मैं मैगी खाता खाते खाते आपकी कमेंट्री का मजा ले रहा हूँ। बिल्कुल भाई एंजॉय करिए कमेंट्री को यार, और शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। बता दीजिए कि लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर चलती है। और भाई आपका बड़ा फैन हूँ भाई, मोती आर्यन कुमार जी कह रहे हैं भाई हमने तो आपका मैसेज शायद देखा होगा, आज ही देखा है शायद इस बीच। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ। चौका लगाया है यहाँ पर और बढ़िया ये शॉट था शेन डेड्सवेल का, 25 रन बना चुके हैं 18 गेंदों में, दो चौके एक छक्का लगा चुके हैं 7.3 गेंदों के बाद, 62 रन 3 विकेट नुकसान पर। अच्छे लग रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए और मैं चाहता हूँ बड़ी बारी खेले यहाँ पर। सर ऑनलाइन आईडी रिकमेंडेड करो भाई, मैं नहीं कर सकता, सॉरी भाई ये चीज मैं नहीं कर सकता। शोएब शेख भाई इसके बारे में इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, पर्सनली मैं बता दूंगा, थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है उतना बता सकता हूँ आपको मैं। सरन एम पुजारी जी भाई कह रहे हैं भाई 10 ओवर में 70 बनवाएंगे बस सेशन पास हो जाएगा भाई, उम्मीद करते हैं भाई हो जाए पास। और समीर यादव जी कह रहे हैं 150 का टारगेट 152 यस करो भाई, उम्मीद करते हैं भाई चलिए करती है। यहाँ पे 62 रन बने हैं, देखते हैं भाई इस ओवर में एक आध क्या सिंगल, अब तो सिंगल रोटेट करना चाहिए, चौका आ चुका है, 3 सिंगल लीजिए 65 रन बन जाएंगे 8 ओवर में, बढ़िया स्कोर रहेगा भाई। आपकी शादी हुई नहीं, जसमुद्दीन खान कह रहे हैं भाई हमारी शादी नहीं हुई है यार, काहे घबरा रहे हैं, कॉमेंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मैच पे कॉन्सेंट्रेट करिए, शादी पे काहे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हमारी जसमुद्दीन खान भाई, शादी नहीं करेंगे अभी, शादी करने की उम्र नहीं है, उम्र तो शादी करने की है मगर अभी नहीं करेंगे यार जसमुद्दीन खान भाई, दिल के जख्म हरे मत करा करिए आप। वी चौधरी भाई कह रहे हैं शिकार तो बॉक करता है यार, लायंस नहीं करता, शेर तो पागल हो जाएगा अगर क्रिकेट फिक्सिंग। अरे यार सही खेला है। अनुराग यादव कह रहे भाई प्लीज टेल मी कौन से बॉलर ज्यादा ही चल जीता है इस मैच में। भाई मैं बॉलर कैसे बता पाऊँ कौन चलेगा भाई, ये तो अनप्रेडिक्टेबल चीज होगी, तो तुक्का लगाने वाली बात होगी। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई देखना होगा गेंदबाजी को, मैं पहले बल्लेबाजी देख लेते हैं उस समय मैं आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा यार। इस बीच जो है सिंगल लिया इस 5वीं गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए हैं शेन डेड्सवेल, 64 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर 7.5 गेंदों के बाद। और यहाँ पर जो है इफ्तिकार कैन करें छक्का लगाए तो मजा आए भाई, उम्मीद करते हैं शोएब शेख करें 5 विकेट 10 ओवर, उम्मीद करते हैं भाई। क्रिकेट भाई के दिल से कह रहे हैं अजीत मिश्रा भाई कह रहे हैं बी पॉर्सन एंड डॉल्फिन को बाहर के विकेट मिलने चाहिए भाई, उम्मीद करते हैं भाई पैटरसन 50 मारेगा। और रविधान शर्मा जी कह रहे हैं भाई एंड फ्लिक वायो मोटा है इसलिए बॉल ज़्यादा फास्ट नहीं कर पाता है और कीपर को आगे बुला लेता है। नहीं फ्लिक वायो की स्पीड नहीं है एक्चुअल में फ्लिक वायो को स्पीड नहीं है। और 8 ओवर के बाद 65 रन 3 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। और मिक्सर गेंदबाज है स्लोर वन और जो है तेज गेंद करते हैं, कई बार भुवनेश्वर कुमार के लिए भी जो है धोनी जो है ऊपर आ जाते थे तो शायद इसी तरीके से गेंदबाजी करते हैं, मगर वो स्विंग नहीं मिलता जितना भुवनेश्वर कुमार को मिलता था। 20 ओवर के बाद 27 रन दो चौके लगा चुके हैं यहाँ पर, माफ करिए 20 गेंदों के बाद 27 रन शेन डेड्सवेल की, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं 8 ओवर के बाद 65 रन 3 विकेट नुकसान पर। देखते हैं नवा ओवर लेके कौन आएगा, और शेन डेड्सवेल हैं स्ट्राइक पर। और शरण पुजारी भाई कह रहे हैं भाई 80 हो गया क्या 10 ओवर में, भाई मुझे मुझसे कैसे पूछ सकते हैं, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूं सर जी, मैं सिर्फ विनिंग बताता हूं वो भी आप सबसे डिस्कस करने के बाद। आरके वर्मा कह रहे भाई सेकंड इनिंग स्ट्रांग है भाई, बिल्कुल भाई सेकंड टीम स्ट्रांग है मगर कई बार जो है स्ट्रांग टीमें भी बिखर जाती हैं यार। जसमुद्दीन कह रहे भाई आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं भाई, यही काम करते हैं बस भाई। वी चौधरी कह रहे हैं अगर ये मैच सही नहीं हुआ तो टाटा कर दूंगा साले सारे मैच फिर खा। चौधरी भाई गुस्सा है। नितिन वर्मा कह रहे हैं किसका मैच है भाई, भाई लॉयंस वर्सेस डॉल्फिन्स का मैच है, देखते हैं कौन जीतेगा। विधान शर्मा कह रहे हैं भाई कृणाल पांड्या कौन सी टीम में खेलेंगे आपका हिसाब से, कृणाल पांड्या यार मेरे हिसाब से भाई ले लेंगे, जहां हार्दिक पांड्या होंगे उसी टीम में लेने की सोचेंगे। बाकी तो देख कृणाल पांड्या तो काफी टीम उनको ले सकती है, कलकत्ता भी ले सकती है उनको तो, और आरसीबी भी ले सकती है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, मिड ऑर्डर में स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर विराट कोहली है और मैक्सवेल है एक आध बल्लेबाज ओपनिंग में सेट करेंगे यहाँ पर आरसीबी, और मिडिल ऑर्डर में शायद 7वें नंबर पर शायद कुणाल पांडे को ले सकेंगे, क्योंकि गेंदबाजी भी कर लेते हैं बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, आरसीबी के वारे नारे हो जाएंगे यहाँ पर। और विधान में कह रहे हैं भाई कुणाल पांडे बिल्कुल दादी भाई, उन्होंने कह रहे हैं गोल प्ले चेक करिए भैया, अभी चेक कर रहा हूँ भाई। मोहम्मद रियाज कह रहे हैं कश्मीर से घर या गए हूँ भैया, धन्यवाद भाई मोहम्मद रियाज भाई जुड़ गए हमारे साथ। लाइक करिए यार, सब्सक्राइब करिए साथ भाई, और लाइक करेंगे आंकड़ा जो है पूरा हो जाएगा 100 का। इस बीच गेंदबाजी करने आए ब्रूस पैटरसन
और डोमिनिक हेंड्रिक्स जो है वो है स्ट्राइक पर 8.3 गेंदों के बाद 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक भाई ने जो है मैं गूगल पे किया है, धन्यवाद भाई, एक बार जरा मैं चेक कर लूं गूगल पे भाई ने कितने हमें किया है, नाम बता दो भाई का। और जो है हमें हेलो भाई हेमंत शर्मा भाई ने हमें 21 रुपये जो है UPI किया, उनका नाम असली नाम जो है वो नॉलेज है, तो धन्यवाद हेमंत भाई जो है आपने 21 रुपये जो है हमें UPI किया, ऐसे ही आप सब लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। हेमंत भाई का नाम है नॉलेज, तो नॉलेज भाई जो धन्यवाद भाई आपने जो है सपोर्ट किया 21 रुपये जो है हमारे चैनल पर भेजा है सपोर्ट की तरफ से। और इस बीच जो है यहाँ पर जो है 2 रन लिए इस चौथी गेंद पर, स्ट्राइक पे है डोमिनिक हेंड्रिक्स, 70 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर 8.4 गेंदों के बाद। बैरियस की गेंद सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे पहुंचे शेन डेट्सवेल। और मैं ले रहा हूँ आप सबके मैसेजेस, नॉलेज भाई धन्यवाद भाई आपने जो है हमें 21 रुपये जो है सपोर्ट किया यार। मोहम्मद अजब जुड़ गए हमारे साथ, और यूट्यूबर कह रहे हैं भैया भाई आप कहाँ से देख रहे हो? भाई मैं घर से देख रहा हूँ मैच को। और विजय प्रताप जी कह रहे हैं लायंस को विन कराओ 200 रुपये चैट दूँ। भाई बिल्कुल भाई विन करता हूँ, लायंस जीते यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी सपोर्ट कर रहा हूँ। क्रिकेट दिल से रंजीत भाई कह रहे हैं आपका कमेंट्री सुपर है, सुनकर अच्छा लगता है, धन्यवाद भाई। लायंस सिक्सर मार भाई, लाइव कहाँ देख रहे हैं यूट्यूब भाई? भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपको यार। इफ्तिकार खान कह रहे हैं IPL में 2 टीमें बताएं फाइनल के लिए और सिर्फ 2 कप के लिए लगानी है। भाई अभी मत लीजिए इफ्तिकार खान भाई, अभी रुक जाइए, पहले टीम बनने दीजिए, टीम बनने के बाद ही जो है ये चीज करिएगा। इस बीच जो है आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था, तो 9 ओवर के बाद स्कोर जो है 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर लायंस का स्कोर है। स्ट्राइक पे जो होंगे अब डोमिनिक हेंड्रिक्स होंगे, अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, 21 गेंद में 28 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। ये चाहता हूं कि 5-6 ओवर जो है ये पार्टनरशिप और चले यहां पर। प्राइवेट सिटीजन भाई कह रहे हैं लगता है स्कोर 150+ होगा भाई। हाँ भाई मुझे भी लगता है यार। नरेंद्र जाता भाई कह रहे हैं भाई हाँ अभी हम भंडारा खा रहे हैं, भैया खाना ध्यान से खा लीजिएगा यार, खाना खाते हुए मैसेज मत करिए आजकल। और आरके वर्मा जी कह रहे हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन रहेगा? भाई क्या बात कर रहे हैं आरके वर्मा भाई, धोनी के अलावा किसी को सोच सकते हैं आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? और यहाँ पर जो है CSK के जो फ्रेंचाइजी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि धोनी उनके कप्तान रहेंगे। और सरन एम पुजारी भाई कह रहे हैं भाई आप कौन से चैनल पर देख रहे हो? भाई मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर, मैं बता दूंगा आपको वहां पर। और कोई भाई को बता दीजिए यार, आरके वर्मा भाई को बता दीजिए लाइव कहां आ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं यार। हाँ भैया ये वाला मैच कौन सा ऐप है भाई? जसमुद्दीन खान करे भाई ये नहीं बता पाऊंगा। विधान शर्मा कह लगता है एंडी फ्लैपाओ ने वेस्ट इंडीज की जगह साउथ अफ्रीका में जाना जन्म ले लिया है। बिल्कुल भाई जो है वहाँ वहीं रहते हैं इसलिए जो है वहीं से खेल रहे हैं। टेंडी करें कितने जाएगा 10 ओवर में? भाई चला गया है यहाँ पर 5-7 रन, 80 रन तो बन जाएगा मुझे लग रहा है शायद। इफ्तिकार खान करें ओके 95 लाइक हो चुके हैं यार, 5 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो 100 के पार हो जाएगा। स्क्रीन को एक बार सीधा करके आप सब लोग जो है एक साथ लाइक कर दीजिए आंकड़ा 100 के पार और इंजॉय करेंगे इस मुकाबले में। 9.1 गेंद हो चुकी है, स्कोर जो है 73 रन 3 विकेट नुकसान पर। देखते हैं बची हुई 5 गेंदे 10वें ओवर के किस तरीके से खेलेंगे डोमिनिक हेंड्रिक्स। दूसरी गेंद यहाँ पर सुब्रियम की और स्ट्राइक पे डोमिनिक हेंड्रिक्स, क्या एक बड़ा शॉट लगा सकते हैं इस गेंद पर, देखते हैं जरा। इस बीच नहीं जी सिंगल लिया इस गेंद पर, 74 रन 3 विकेट नुकसान पर 9.2 गेंदों के बाद। नॉलेज भाई कह रहे हैं मैंने बोला था ना भैया 4 विकेट के लिए पार्टनरशिप बनेगी, दोनों अच्छे खेलेंगे। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं आप, और मुझे भी लग रहा था शायद बन जाएगा स्कोर, और जबरदस्त मैं सपोर्ट कर रहा हूं लायंस को, उम्मीद करता हूं ये पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी जाए यार। सुनील परमार कह रहे हैं भाई इंस्टा पर मैसेज किया है, थैंक्स, धन्यवाद भाई सुनील परमार भाई, मैं जैसे फ्री होता हूं मैं रिप्लाई करता हूं आपको यार। जसमुद्दीन खान कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं आप भैया? भाई बता दीजिए यार क्रिटिकल कह रहे हैं इस लीग पर कॉपीराइट का क्या सीन है? अभी तो नहीं है भाई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए भाई हम यहाँ पे नॉलेज भाई ने बता दिया आप कहाँ देख सकते हैं, देख लीजिएगा वहां पर। नईम भाई कह रहे हैं अभी करो आउट यार, अभी क्यों आउट करिए, बनने दीजिए रन यार, रन बन रहे तो बनने दीजिए। इस ओवर में 3 गेंदें हो चुकी है, मात्र 2 रन आए हैं और स्ट्राइक में है डोमिनिक हेंड्रिक्स, 75 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर 9.3 गेंदों के बाद। कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है और वो होनी पड़ेगी, नहीं तो मैच बिल्कुल खराब सा हो जाएगा यार। यहाँ पर जो है सिंगल आखिरी कोई रन नहीं मिला इस चौथी गेंद पर, बची है 2 गेंद 10वें ओवर की। और आप सब लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लाइव कहाँ देख रहे हो भाई बताओ? भाई मैं कहाँ बताऊँ आपको कहाँ देख रहा हूँ लाइव यार, मैं कैसे बताऊँ आपको यार, खुल के बताऊँ यूट्यूबर भाई, और मैं यहाँ नहीं बता सकता ना आपको, बताया तो मैंने आपको, यहाँ मैं नहीं बता सकता आपको। और 9.5 गेंदें हो चुकी है, 76 रन 3 विकेट नुकसान पर, और हमें जो है सुनील परमार भाई का मैसेज आ चुका है। और सुनील परमार भाई मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है, टेंशन मत लीजिए, और जो भी मुझे मैसेज करता है मैं फट से रिप्लाई कर देता हूँ यार। जसमुद्दीन कह रहे हैं भाई पानी प्लीज मेरी तरफ से, भाई अभी पी लेंगे पानी, पानी पीते ही विकेट चलाता है यार, इसलिए पानी नहीं पी रहे अभी हम।
तो उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया मुकाबला देखने को मिल जाए यहाँ पर। 10 ओवर हो चुके हैं, 77 रन 3 विकेट नुकसान पर, तो अच्छे एक पार्टनरशिप देखने को मिल रहे हैं। 27 गेंद में 32 रन बना लिए हैं यहाँ पर। और डोमिनिक हेंड्रिक्स हैं स्ट्राइक पर, 12 रन बना चुके हैं 13 गेंदों में, अभी तक कोई चौका छक्का नहीं लगाया। और सामने साथ दे रहे हैं वो शेन्स डेट्सवेल का, 24 गेंद में 31 रन बना चुके हैं, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। तो शेन्स डेट्सवेल जो है वो 11 ओवर की पहली गेंद खेलेंगे, देखने का 11 ओवर कौन डालेगा। लायंस ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। पीयूष सिंह जी कह रहे हैं विकेट आएगा, भाई पता नहीं विकेट आएगा नहीं, अभी तो बढ़िया चल रहा है यार। अवेज असल में कह रहे हैं पीएसएल में कमेंट्री, भाई पीएसएल में कमेंट्री नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट इशू है उसके अंदर, मैं स्ट्रीम को जैसे ही ऑन करूंगा कॉपीराइट लग जाएगा जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा। नसीब सरा भाई कह रहे हैं नसीब भाई कैसे हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं 11वां ओवर लेके कौन आता है, क्योंकि 10 ओवर तो हो चुके हैं, 77 रन है 3 विकेट नुकसान पर। कहीं ना कहीं अगर सुबह के मैच के मुकाबले बात करें और कहीं ना कहीं अच्छा एक फेज चल रहा है। इस बीच चौका लगा दिया यहां पर शेन डेट्सवेल ने, बढ़िया शॉट, ऑर्डरली गेंदबाजी करने आए थे और ओके बढ़िया शॉट लगाया है, शॉट जबरदस्त था शेन डेट्सवेल का। 25 गेंदों में 35 रन बना चुके हैं, 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं 10.1 गेंद के बाद, 81 रन 3 विकेट नुकसान पर। तो इंटेंट जो है वो क्लियर है, शेन डेट्सवेल की खराब देन मिलेगी तो उस पर प्रहार करेंगे, जबरदस्त रन बटोरेंगे, 15 रन दूर है आशा से। देखना होगा दूसरी गेंद कैसे खेलेंगे ऑर्डरली की, ऑर्डरली की एक गेंद हवा में खेला है, शॉट को छेल बटोरे इस गेंद पर, जानदार शानदार ये शॉट, जबरदस्त छक्का, 2 छक्के 3 चौके लगा चुके हैं, 26 गेंदों में 41 रन बना चुके हैं यहां पर 10.2 गेंदों के बाद, 87 रन 3 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर। और भाई साहब जितनी तारीफ की जाए शेन डेट्सवेल की, जबरदस्त बल्लेबाजी भाई। और क्रिकेट एक्सपर्ट करें, हेलो दिवाकर भाई बढ़िया हूं भाई, आप बताइए कैसे है। इस लीग पे कॉपीराइट नहीं लगेगा बिकॉज ये लीग कोई पब्लिसिटी चाहिए तो बिल्कुल भाई, जो लीग बड़ी लीग है उसमें लगता ही है यार। पीयूष सिंह जी कह रहे हैं नहीं, मैंने बोला रहा हूं कि विकेट गिरेगा 2-3 ओवर में अंदर, भाई बिल्कुल भाई उम्मीद करते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट भाई कैसे है आप और बताइए भाई, शॉर्ट आउट दे दो भाई, यूट्यूब पर भाई दे दिया शॉर्ट आउट आपको भाई। अब ब्रेकिंग न्यूज करें, तुम तो बोलते थे हो चेज लो और हमेशा उल्टा हो दे होता है, भाई मैंने चेज कहाँ बोला ब्रेकिंग न्यूज भाई, मैंने आते ही बोला मैं लायंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, चेज हो जाता है इस ग्राउंड में मगर बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, बड़ा स्कोर बनेगा तभी जो है यहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग जीत सकती है यार। क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं भाई, V11 भाई कह रहे हैं ओ भाई, इंस्टा पे रिप्लाई दे दो भाई, नवीन भाई कह रहे हैं, नवीन भाई आप भेज दीजिए मैसेज में, जैसे ही फ्री हुआ भेजूंगा। ब्रेकिंग न्यूज करें प्रणौती हो तुम, धन्यवाद भाई ब्रेकिंग न्यूज भाई। आपको जो है शायद आप लेट जुड़ते हैं और शायद मेरी बात सुनते नहीं है ध्यान से, कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कि आपका ज्ञान जो है अधूरा रह गया भाई। कभी कभी होता है ना, आप वीडियो को पूरा सुना करिए, आधा ज्ञान लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में रहेंगे। मैंने ब्रेकिंग न्यूज भाई क्या कहा था, मैं शुरू से लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं वो उनको मैं शुरू से कह रहा हूँ मैं लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ लॉयंस जीते, कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आएगा ब्रेकिंग न्यूज भाई। और रविदान शर्मा कह रहे हैं भाई मेरी शादी आप जरूर आना भाई, विदान भाई मैसेज भेज देना, कार्ड भेज देना, आ जाएंगे यार, ऑल टाइम फन करें हैं विल लॉयन भाई, उम्मीद करते हैं। दिवाकर जी पीएसएल की कमेंट्री करोगे, इंद्रजीत मौर्य जी भाई, इंद्रजीत भाई पीएसएल की कमेंट्री में जो है वहां पर कॉपीराइट लग रहा है। इस बीच जो है यहां पर एक विकेट खो दिया है, यहां पर 5वीं गेंद पर शेन डेट्सवेल जो है वो कैच आउट हो गए हैं, 42 रन बनाए थे 28 गेंदों में, 3 चौके 2 छक्के लगा चुके थे 89 रन के बाद, 4 विकेट नुकसान पे 10.5 गेंदों के बाद लॉयंस का स्कोर है यहां पर। तो भैया यहां पर शेन डेट्सवेल बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे पवेलियन जाते हुए, बचे हैं अभी भी 55 गेंदे, तो 55 गेंदों में जो है कितने रन यहां से बना पाएंगे देखना होगा। यहां पर एक विकेट खो दिया है और 14 झटका लगा है यहां पर लॉयंस को। और लक्ष्मण भाई कह रहे हैं हम लोगों के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, पीएसएल की कमेंट्री करो, करो क्या फायदा फिर तुमसे जुड़ने के लिए। भाई लक्ष्मणेश भाई खान भाई आप कह रहे हैं पीएसएल की कमेंट्री करो, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं कि भाई मैं कमेंट्री से ही जो है अपना घर चलाता हूं, अगर मान लीजिए मैं 7 दिन जो है मेरे को कॉपीराइट लगेगा मैं 7 दिन लाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे इस चैनल पे वीडियो देख लीजिए कितने कितने जो है 7-8 दिन के लिए मैं बंद रहता है मेरा लाइव स्ट्रीम। लपरेश खान भाई आपको लग रहा है कि शायद मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, भाई मैं कहीं ना कहीं इंसान जो है जो काम कर रहा है उससे उसका कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आएगा अगर मैंने 10 दिन के अंदर में कॉमेंट्री नहीं की वीडियो नहीं डाली तो मेरे को कहाँ से पैसे मिलेंगे भाई। और आपको लग रहा है एक रिस्क और लूं मैं और करूं, मैंने कर रखा है सर क्रिकेट लाइव हिंदी पे, लपरेश खान भाई मैंने क्रिकेट लाइव हिंदी पे कर रखा है, 2 मैच किए थे, 1 मैच पे कॉपीराइट लगा हुआ है, आप देख लीजिएगा वीडियो जब वापस आएगी तो आपको खुद दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। नॉलेज भाई कह रहे हैं मैंने बोला था ना भाई डेट्सवेल गुड बैट्समैन, अच्छी बात है भाई बढ़िया बोला था मगर आप जो है वो आउट हो चुके हैं यार। ज्ञान ताज है भाई लॉयन नहीं जीतेगी भाई, तो ब्रेकिंग न्यूज भाई ये बोलिए ना कि आपको लॉयन नहीं जितानी है तो मुझे क्यों बोल रहे हैं, आपने कहा भाई मैं तो ये कह रहा हूँ लॉयन जीत सकती है ठीक है अगर अच्छा स्कोर खड़ा करेगी तो, मगर मैं सपोर्ट लॉयन को कर रहा हूं भाई। ब्रेकिंग न्यूज भाई आप ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं फिर से आपको बता रहा हूं भाई लॉयन को सपोर्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं लॉयन जीते इस मुकाबले को ठीक है। और जीपीबी के कह रहे डॉल्फिन विंशोर भाई बिल्कुल उम्मीद करते हैं, पीयूष सिंह जी कह रहे हैं विकेट गया बोला था ना मैंने भाई, यस
हाँ भाई बोला तो था आपने, मगर 11 ओवर के बाद 89 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। स्ट्राइक पे है डोमिनिक हेंड्रिक्स और नए बल्लेबाज आए हैं, और यार नाम बड़ा जबरदस्त है, रुआ हेसब्रुक जो है वो बल्लेबाजी करने आए हैं, साथ देंगे डोमिनिक हेंड्रिक्स का, और डोमिनिक हेंड्रिक्स है स्ट्राइक पर, देखना होगा 12 ओवर लेके कौन आता है यहाँ पर। सफलता ही मिलती जा रही है यहाँ पर यार। तो आप सब लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस लाइव कॉमेंट्री पे क्रिकेट लाइव हिंदी पर। विकास निगम करें लॉइन जीतेगा भाई, उम्मीद करते हैं। अभी तो देखिए 90 रन बने हुए हैं 11 ओवर के अंदर में, अगर अगले बचे हुए 9 ओवरों के अंदर में कम से कम यार 60-70 रन और बना ले तो 160 रन तक स्कोर अच्छा रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी के, मतलब गेंदबाजी के लिए यहाँ पर। तो आप सब लोग जो है अपने अपने मैसेजेस भेजते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर। हाँ बिल्कुल भाई, बता दे भाई को, ये लीजिए भाई बता दिया आपको। नवीन भाई मैंने रिप्लाई कर दिया आपको, कैसे हो भाई, कह रहे कल राज भाई बढ़िया हो भाई, आप बताइए कैसे हैं यार। और ब्रेक न्यूज हम, हाँ भाई सपोर्ट करो पर महादेव जो चलेगा वो होगा, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं भाई आप जो है डॉल्फिन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो वही कहता हूँ यार, इंसान के पास सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकता है, 100% सिर्फ ऊपर वाला ही सही होता है यार। ब्रेकिंग न्यूज भाई, 100% सिर्फ ऊपर वाला सही हो सकता है, हम तो सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज ये जीत जाए आज वो जीत जाए यार। बाकी जो है यहाँ पर दो गेंदें हो चुकी हैं सुब्रियन की, और कोई अभी एक ही रन मिला है। स्ट्राइक पे है रुआन हेसब्रुक, और हेसब्रुक की शॉट हवा में खेला, इस गेंद को 4 रन बटोरे हैं रुआन ने, जबरदस्त ये शॉट। तो कहीं ना कहीं लॉयंस जो है विकेट खो रही है, मगर रन बनाने की गति जो है वो कम नहीं कर रही है। 11.3 गेंदें हो चुकी है, 94 रन 4 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है, और 4 विकेट खोए हैं 94 रन बना लिए, ये अच्छी बात है लॉयंस के लिए। और रुआन का ये शॉट पहला चौका उनके बल्ले से, चौके के साथ उन्होंने खोला अपना खाता, अब बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें यहां पर। 11.3 गेंदों के बाद 94 रन 4 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है, और देखते हैं अब यहां से जो है कितना स्कोर जो है आखिरी तक खड़ा हो जाएगा यहां पर। भाई कहां गए थे आकाश जोड़े भाई, कह रहे हैं भाई कहीं नहीं गया था, यूट्यूब ने जो है कुछ दिन बंद रखा था मुझे यार। ऑल टाइम फन कर रहे हैं, लाइन विनिंग लिख लो भाई, धन्यवाद भाई। राउंड टू फनी कह रहे हैं भैया, रो क्यों रहे भैया यार। पेजक जोनर भाई कह रहे हैं छक्का चौका चौका चौका, अरे क्या जबरदस्त मैसेज किया, छक्का चौका 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 यार। दिल से कर जीत गया, जीत जाएगा कोई भी, और बी पर्सन और डॉपलिन को मिलना चाहिए और तब मजा आएगा, फैंटेसी कॉन्टेस्ट मिलेगा भाई। फैंटेसी कॉन्टेस्ट वाले तो टीम को नहीं फर्क पड़ता, उनको प्लेयरों से टेंशन है। ऑल टाइम फन कर रहे हैं 1.5 लाख लॉइन पे भाई क्यों। चलिए इस बीच जो है एक और विकेट यहां गिर गया है, एलपीडब्ल्यू आउट हुए हैं डोमिनिक हेंड्रिक्स। तो एक दो ओवर में लगातार दो विकेट खो दी हैं लॉयंस ने, 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11.5 गेंदों के बाद डोमिनिक हेंड्रिक्स जो है वो एलपीडब्ल्यू आउट हो गए हैं। और सुब्रियन को मिल गई उनकी पहली सफलता, 2.5 गेंद की थी, 19 रन दिए थे और एक सफलता अर्जित कर लिया डोमिनिक हेंड्रिक्स जो है, 16 गेंद में 14 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए 11.5 गेंदों के बाद 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर। तो कहीं ना कहीं ये जो है बीच में कोलैप्स का मोड़ आ चुका है यहां पर, कहीं ना कहीं दो विकेट जो है दो ही ओवर में खो दिए हैं लायंस ने, तो मुश्किलें बढ़ गई हैं भैया लायंस के लिए यहां पर, लायंस के लिए मुश्किलें बढ़ गई यहां पर जो है। अब देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में, अभी तो 95 रन है 5 विकेट नुकसान पर, क्या यहां से 20 ओवर खेलना बहुत जरूरी है लायंस के लिए। अगर 20 ओवर में अभी भी यहां पर जो है 49 गेंदें बची हैं, अगर 60 रन बनाते हैं तो 155 पे आराम से पहुंचा जा सकता है ये स्कोर। तो आप देखते हैं यहां से जो है विकेट खोने के बाद क्या होगा। जीपीबी के कह रहे हैं अंडर 150, भाई उम्मीद करते हैं अंडर 150 बने, अगर 5 विकेट तो खो दिए हैं भाई इन्होंने, अब 5 विकेट खो दिए हैं, देखते हैं अभी आगे जो है किस तरीके से चलता है। अगर ऐसे ही लगातार विकेट खो जाएंगे तो 120 भी नहीं बनेंगे कहीं इनके। तो अब भाई यहां चलते हैं और जरा मैसेज लेते हैं आपके। तो अब जो है यहाँ पर पीजक भाई कह रहे हैं 165 ओवर होगा भाई, मुश्किल है यहाँ से, मुश्किल हो गया भाई, कितना स्कोर बनेगा भाई। मैं 155-170 लेके चल रहा हूँ, 150-170 बोल रहा हूँ, उसके बीच में बनेगा मुझे उम्मीद, 150 से तो ऊपर बनेगा यार, टेंशन मत लीजिए, उम्मीद करते हैं यहाँ से। और सिशांता मंगला आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और 11.5 गेंदें हो चुकी हैं यहाँ पर, 95 रन 5 विकेट नुकसान पर, कम से कम 4 ओवर तो चार या पांच ओवर तो बल्लेबाजी आराम से करनी ही पड़ेगी यहाँ पर लॉयंस को, क्योंकि भाई आप विकेट बचाना है आखिरी 3-4 ओवर में, अगर रन बनाने सोचेंगे तभी जो है बड़ा स्कोर बन सकता है। विजय कह रहे हैं ये देखो एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, ऐसे बकवास दिख रहा है इसमें, ये बंदा बड़ा प्लेयर है भाई, 165 होगा प्लस होगा यार, देखना लेना भाई सब। विधान शर्मा कह रहे भाई आज दिल्ली में शेयर मार्केट का एंट्रोल है क्या भाई, पता नहीं मुझे भाई, ये मुझे नहीं पता है विधान शर्मा भाई, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, शेयर मार्केट में मुझे नॉलेज नहीं है भाई। फैजान खान कह रहे हैं 163 भाई, वो मुश्किल है थोड़ा सा, देखते हैं। आखिरी गेंद पर सिंगल 2 रन लिए थे यहाँ पर सिशांता मंगला ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं रुआन
और 12 ओवर के बाद 97 रन 5 विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है। देखते हैं बचे हुए 8 ओवर में क्या 60 रन और बन सकते हैं क्या, क्या बचे हुए 8 ओवर में 60 रन बन सकते हैं क्या, स्कोर जो है 150 के ऊपर जा सकता है क्या। अब भाई महादेव की इच्छा हो है कि लाइन हारे, भाई बिल्कुल भाई महादेव की इच्छा आपकी बता रहे हैं, महादेव को करने दीजिए ना ब्रेकिंग न्यूज भाई। आप कैसे महादेव के वो बन रहे हैं कि आप महादेव की इच्छा है, महादेव की इच्छा जब होगी आपको कैसे पता, आपको अपनी इच्छा नहीं बता पा रहे हैं किसी को, आपको महादेव की कैसे पता है ब्रेकिंग न्यूज भाई। तो सोच के देखिए ना किसी की इच्छा आप कैसे जान सकते हैं, मेरी इच्छा जान सकते हैं, मेरी इच्छा क्या है अभी, मेरी इच्छा क्या कर रही है, क्या चाहती है ब्रेकिंग न्यूज भाई। तो किसी की इच्छा नहीं जान सकते भाई, आप फिर क्यों किसी का ऐसा कर रहे हैं कि महादेव की इच्छा है। महादेव की जब इच्छा होगी तो अपने बता देंगे, वो आखिर में जो इच्छा होगी वो आखिरी मैच में 4 घंटे के बाद पता जाएगा, जो जो बोर्ड पर लिखा होगा वही महादेव की इच्छा होगी सर जी। और ये चलते हैं जरा मैच की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पहली गेंद पर से चौका लगा दिया है, यहाँ पर दूसरी गेंद पर सिशांता मंगला ने 12.2 गेंदों के बाद 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर लायंस का स्कोर है। और जो है गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्डरली यार 1.2 गेंदे किए, 17 रन दिए, एक सफलता अर्जित करी है, मगर आते ही पता नहीं लॉयंस के प्लेयरों को हो कह रहा है, आते ही चौके लगाने शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। और चलते हैं शशांक मिश्रा जी कह रहे हैं सिशांता मंगला क्या ऑलराउंडर है भाई, आज जबरदस्त ऑलराउंडर है भैया, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं गेंदबाजी भी कर लेते हैं भाई। दूसरा मैसेज किया है इंस्टा पे, उसका रिप्लाई कर देना, धन्यवाद भाई, अभी कर रहा हूँ भाई, उम्मीद कर रहा हूँ भाई, भाई जाऊंगा प्राइवेट भाई, सेटल भाई फोन क्यों कर रहा हूँ भाई, बैन बन जाऊंगा प्राइवेट भाई, उम्मीद करते हैं भाई, बैन जाऊंगा प्राइवेट भाई, समझ में नहीं आया स्टेटस फॉर यू कह रहे भाई। ईलन कह रहे 156 होगा भाई, भाई उम्मीद करते हैं 156 बने, अभी तो बल्लेबाजी ठीक ठाक दिख रही है यहाँ पर। इस बीच जो है 106 रन बने हैं, चौथी गेंद पर चौका लगाया है यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है यार, समझ में नहीं आ रहा है हम मंगला भाई चाहते क्या हमसे भाई। 12.4 गेंदों के बाद 106 रन बन चुके हैं, 5 विकेट के नुकसान पर रुकी नहीं रहे हैं बल्लेबाज, अब बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें, और लग रहा है कि स्कोर जो है 160 के ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे, मगर अभी जो है थोड़ा सा इत्मीनान रखना चाहिए, 5 विकेट खो दिए हैं। एसबीएस जो है अब 13वां ओवर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 ओवर बचे हैं, तो शायद 7 ओवर में अगर 50 या 60 रन बना ले तो कम से कम स्कोर 160-170 तक पहुंचा जा सकता है यहाँ पर विकेट का फर्क रहेगा, क्योंकि विकेट 5 खो दिए हैं अपने। मंगला वाइस कैप्टन है मेरा सुनील परमार जी कह रहे हैं भाई, तो उम्मीद करते हैं 30-40 रन बनवा देते हैं और विकेट दिला देते हैं। फैजान खान कह रहे हैं 2.155 क्रिस्पी भाई कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं 117 लाइक है यार, आप सब लोग जो लाइक नहीं करे तो 170 लोग हमें देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, एक बार आप सब लोग जो है लाइक कर दीजिएगा। 13 ओवर के बाद स्कोर जो है 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर लाइंस का स्कोर है। स्ट्राइक पर होंगे सिशांता मंगला, 6 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, बचे हैं अब 7 ओवर, क्या 7 ओवर में 50 या 60 रन बन सकते हैं क्या, देखना होगा। सिशांता मंगला अगर अच्छे ऑलराउंडर है, देखते हैं कितना लंबा जो है इस पारी को चलाते हैं यहाँ पर। विधानसभा में अगर सिशांता मंगला इंडिया आएगा तब उसको फेयर एंड नहीं यार ऐसा मत बोलिए। ईलन कह रहे भाई मेरा नाम लो प्लीज मंजीत भाई, आपका नाम ले दिया, टेंशन मत लीजिए। स्टेटस फॉर यू कह रहे भाई इस ओवर में विकेट गिरेगा, नहीं भाई बिल्कुल मत गिराइए विकेट यार। राउंड टू फनी भाई कह रहे हैं भाई भाई इसे विकेट दिला दो, एक किसको विकेट दिला दो ये तो बता दीजिए, नाम तो बताइए उसका नाम बताइए पहले एक बार। 13 ओवर के बाद 107 रन 5 विकेट नुकसान पर, इस बीच जो 14वें ओवर की पहली गेंद कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, स्ट्राइक पे थे सिशांता मंगला, तो भैया यहां से बची है 41 गेंदे, तो 41 गेंदे दे है, देखना होगा किस तरीके से खेली जाएगी यहां पर। आप सब लोग जो है प्लीज यार सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ उन सबका धन्यवाद करता हूं। टारगेट रखा है कि 16,000 का आंकड़ा जो है वो आज क्रॉस कर देंगे, तो आप सब लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा यार। श्याम भाई कॉमेडी भाई कह रहे हैं कितना बनेगा लॉयन का हारेगी भाई, अच्छा जितना बनेगा उतना लॉयन हारेगी, ये कह रहे हैं श्याम भाई, भाई कह रहे हैं शशांक मिश्रा कह रहे हैं मिश्रा जी राम राम, मिश्रा जी राम राम भाई, शशांक भाई कैसे हैं आप, श्याम भाई कह रहे हैं फिक्स है भाई, सब कुछ फिक्स है भाई, दुनिया में हर चीज फिक्स कर देते हैं, फेविक्विक लगाया था क्या भाई श्याम भाई, फेविक्विक लगाया था चिपका दिया क्या, फिक्स है जो। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ और देखते हैं जरा स्कोर को। दूसरी गेंद तीसरी गेंद पर सिंगल लिया यहाँ तो स्ट्राइक पे आ गए रुआन, 108 रन बन चुके हैं 5 विकेट नुकसान पर, करंट रन रेट की बात करें तो 8 का रखा है उन्होंने अभी तक, और यहाँ पर जो है मैच फिक्स है लाइन हारना है बिल्कुल। शोएब शेख भाई कह रहे हैं सर ऑनलाइन आईडी के बारे में बताइए, शशांक शेख भाई मैं यहाँ नहीं बता सकता, आप मुझे इंस्टाग्राम भेज दीजिए। ईलन कह रहे हैं 16,000 हो गया भाई, 16,000 हो गया भाई, अच्छा हो गया पता नहीं लगा भाई, हमारे लोग बड़ा प्यार करते हैं हमसे। इस बीच जो है यहाँ पर चौका लगा दिया है यहाँ पर जबरदस्त शॉट रुआन का, 6 गेंदों में 10 रन बना चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, स्कोर पहुंचा 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब भारत का भारत कह रहा हूँ लॉयंस का स्कोर है, और दिमाग में इंडिया का मैच चल रहा है यार पता नहीं क्यों, बढ़िया है कल मैच देखा था और आजकल का मैच भी दिमाग में चल रहा है यार। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में,
13.4 गेंदे हो चुकी है, चौका लगाया चौथी गेंद पर, स्कोर पहुंचा 112 रन, 5 विकेट नुकसान पर। रुवान है स्ट्राइक पर और गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सुब्रियान को, ये सुब्रियान की ये 5वीं गेंद और रुवान है स्ट्राइक पर, बड़े जबरदस्त नाम है यार कंफ्यूजिंग वाले। इस बीच आखिरी गेंद यहाँ पर 5वीं गेंद थी, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर और भाई ये जरा स्पैम करके गए हैं, इनको रोका जाए, इनको बताया जाए, हमारे व्यूअर्स के बीच में मत आइए भैया, बहुत मैसेज कर रहे हैं, गुड कॉमेडी कह रहे हैं शेख हमजद भाई, कह रहे हैं धन्यवाद भाई, आप सबका प्यार है यार, आप सबका सपोर्ट है, ऐसे ही आप सब लोग जो है सपोर्ट कर दीजिए। जरा एक बार मैं स्पैम को हटा रहा हूं, उसके बाद जो है मैं आप सबके मैसेजेस लेना शुरू करता हूं। और जीपी भाई कह रहे हैं मारेगा आउट करो भैया, विधान शर्मा कह रहे हैं लाइन का बैट्समैन, अरे यार विधान भाई क्या घबरा रहे हैं, आपको घबराना नहीं है यार, घबराना नहीं है आपको। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ, और 14 ओवर हो गए समाप्त, इस ओवर में मात्र 5 रन ही आए हैं और स्ट्राइक पर होंगे सिसांदा मंगला, 14 ओवर के बाद 112 रन 5 विकेट नुकसान पर बची हैं। अब 6 ओवर 36 गेंदों में यार 50 रन बना दो, अरे मजा आ जाएगा, 165 162 रन स्कोर सही रहेगा और उम्मीद करते हैं, देखते हैं क्या होगा इस मुकाबले में। और 14 ओवर के बाद 112 रन 5 विकेट नुकसान पर, पार्टनरशिप तो ठीक हुई है मंगला और अभी रूसन के बीच, 13 गेंदों में 17 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं, अगर 6 ओवर दोनों बल्लेबाजी करें तो कहीं ना कहीं यार 6 ओवर में 60 रन भी ठीक रहेगा, देखना होगा कैसे तरीके, बाकी विकेट ज्यादा खो दिए हैं, 5 विकेट खो दिए हैं तो यहाँ 150 रन भी बन जाए वो भी ठीक है। तो 300 लोग हमें देख रहे हैं, 123 लाइक है, तो प्लीज एक बार आप सब लोग जो है स्क्रीन को सीधा करके लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। 14 ओवर बन चुके हैं, 112 रन बचे हैं, 6 ओवर आखिरी फेज में जा रहे हैं, आखिरी कुछ ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आखिरी ओवर में जो है वो खासे रन बने यहाँ पर। तो अब जो है हमें 18,859 लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं इस स्ट्रीम में 16,000 का आंकड़ा जो है वो पूरा कर देंगे, 16,000 लोग जो है क्रिकेट लाइव हिंदी परिवार में जोड़ लेंगे, तो आप सब लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। श्याम भाई कह रहे हैं बिल्कुल भाई शशांक मिश्रा जी भावुक हो गए, भाई को आउट करो यार, आप यदि विकेट ना गिरे तो स्कोर 180 बन सकता है, गुलाब राम जी कह रहे हैं, भाई सही बात कह रहे हैं, हो सकता है बन जाए। इस बीच जो है यहाँ पर चलते हैं जरा दूसरी गेंद की तरफ, रुवान है बल्लेबाज और गेंदबाजी कर रहे हैं रुवान डे, दूसरी गेंद पर जो है वो आउट हो गए हैं यहाँ पर रुवान डे, और हो जबरदस्त, माफ करिए रुवान जो है, रुवान से हैसब्रुक जो है वो आउट हो गए हैं यहाँ पर, छठा विकेट गिरता हुआ, लॉयंस का कैच आउट हुए यहाँ पर, थोड़ी सी अपील करी थी वहां पर रुवान डे ने, अंपायर ने जो है थोड़ा लेट डिसीजन दिया मगर आउट दिया यहाँ पर रुवान हैसब्रुक को। रुवान हैसब्रुक जो है 9 गेंद में 10 रन बनाकर 2 चौके लगाकर यहाँ पर पवेलियन जाते हुए, छठा झटका लग गया है यहाँ पर लॉयंस को, 113 रन 6 विकेट के नुकसान पर 14.2 गेंदों के बाद, तो 6 विकेट गिर गए भैया, अब यहां 150 का सपना भी लगता है सपना ना बन जाए कहीं यहां पर। शरान भाई कह रहे हैं भाई अगर 15 ओवर में 119 बना बन गए बस, हाँ भाई 119 बन जाए, अभी तो विकेट चला गया अब तो मुश्किल हो गया 119 के लिए। भाई ईलन करे भाई आप कहाँ से हो, इंडिया से हो ना क्या भाई, बिल्कुल भाई ईलन भाई मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा, मैं दिल्ली से हूँ भाई। श्याम भाई कह रहे हैं 16 ओवर में 1 विकेट भाई हो गया भाई, 15 ओवर में चला गया, ऋषिकेश कह रहे हैं आउट, क्या हाल है आपके दिवाकर बाबा, स्टेटस फॉर यू करे भाई, बढ़िया है आप बताइए स्टेटस फॉर यू भाई, हमारा तो बढ़िया है, आप सुनाइए क्या हाल चल रहा है यहाँ, तो मैच का हाल जो बताएंगे इसी शुरुआत के बाद, विकेटें जो है यहाँ पर खोते जा रहे हैं लॉयंस के बल्लेबाज, क्या यहाँ से 20 ओवर तो पूरे बल्लेबाजी करनी होगी तभी जो है मजा आएगा इस मुकाबले में, बल्लेबाजी करने आए हैं बिजरान फॉर्चून, तो देखते हैं फॉर्चून जो है किस तरीके से अब यहाँ पर जो है बढ़िया पूरी चलेंगे नहीं चलेंगे भाई, पूरा खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये देखना होगा, पहले ही ऑल आउट ना कर दे यहाँ पर जो है डॉल्फिन की टीम। रेडियन मई मम्मी खेलने जाते भाई, ऋषिकेश कह रहे हैं मैं दिल्ली से हूँ सर, साउथ दिल्ली से, ऋषिकेश भाई मैं भी दिल्ली से हूँ, जनकपुरी से हूँ भाई, ऋषिकेश भाई मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा, मैं दिल्ली जनकपुरी से हूँ भाई, ऋषिकेश भाई आप चलते हैं जरा मैच की तरफ, और सिंगल लिया यहाँ पर बॉजरन फोर्टिन ने, और सिंगल पे लेने के बाद से सादा मंगला जो है वो आ गए स्ट्राइक पर, 10 गेंदों में 13 रन बना चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं 14.3 गेंदों के बाद, 114 रन 6 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर। इस बीच जो है चौथी गेंद मंगला की, मंगला को सिंगल लिया इस गेंद पर, बिजरॉन जो है वो आ गए स्ट्राइक पर, 115 रन 6 विकेट नुकसान पर 14.4 गेंदों के बाद, रुवान डे जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करी है, 2.4 गेंदे की है, 17 रन दिए और 3 सफलताएं अर्जित करी है। विधान शर्मा कह रहे हैं शशांक अरे भाई सचेट फॉर यू कह रहे हैं फॉर्चून 10 रन पे आउट होगा भाई, उम्मीद करते हैं भाई। शर्मा शरण एम कह रहे हैं भाई मैं न्यूजीलैंड से हूँ, धन्यवाद भाई न्यूजीलैंड जुड़े। श्याम भाई कह रहे हैं मित्रन मुल्तान वर्सेज पेशावर में कौन बेस्ट है भाई, मेरे तो मुल्तान की टीम ज्यादा अच्छी है भाई। कपिल भाई कह रहे हैं भाई पैटरसन बॉलिंग करेगा क्या भाई, उम्मीद करते हैं पैटरसन कह रहे हैं क्या, अब लॉन्स पूरे ओवर खेल सकते हैं भाई, उम्मीद करते हैं गुलाब राम भाई ओवर पूरे ओवर तो खेलने पड़ेंगे यहाँ पर।
हाँ चलते हैं जरा मैच की तरफ, और एक मिनट का ब्रेक लूंगा यार, थोड़ा सा एक मिनट का ब्रेक दीजिएगा मुझे। तो आप जो है यहाँ पर स्कोर जो है 15 ओवर के बाद 117 रन 6 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर स्ट्राइक पे से ज्यादा मंगला, और देखना होगा गेंदबाजी कौन करेगा। 16 ओवर की न्यूज 21 जुड़ गया हमारे साथ। गोलू मोलू कहाँ है? अरे गोलू मोलू तो जीत चुके हैं कप को यार बीबीएल मैच में। और भाई कह रहे हैं भाई पीएसएल की कॉमेंट्री करो यार, ईलन कह रहे हैं भाई पीएसएल की कॉमेंट्री करी तो मैंने करी है गोपी ईलन भाई। क्रिकेट लाइव हिंदी और क्रिकेट लाइव हिंदी 2 दोनों चैनल मेरे हैं, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे मैंने किया था, वहां मुझे कॉपीराइट आ चुका है। अगर मैंने यहाँ भी मैं इंडिया का नहीं कर पा रहा हूँ भाई, इंडिया का मैच नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इंडिया का मैच भी मैंने किया था, मुझे कॉपीराइट लग गया था, तो भैया इंडिया का मैच भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये सोचे देखिए ना, इंडिया का तो मैं कर सकता हूँ, इंडिया का भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कॉपीराइट लग रहा है भाई। ये गेम बहुत बड़ा है, आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को यार। कपिल ठाकुर कह रहे हैं 20% बिल्कुल भाई, उम्मीद करते हैं। एक मिनट का ब्रेक नहीं है भाई, 1 लीटर वाटर ब्रेक ले लो और पानी पी लो थोड़ा सा भाई। शर्मा जी कह रहे भाई पानी पी लिया है। कपिल ठाकुर कह रहे हैं 20% करेगा क्या बॉलिंग? भाई मेरे हिसाब से करना तो चाहिए, देखता हूँ बता दूंगा मैं आपको। चाहिए एक बार, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। इस बीच जो है आप 16 ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं है मिला यहाँ पर, उम्मीद करते हैं भाई। चलते हैं जरा मैच की तरफ एक बार। किसको कह रहे हैं? बी पैटसन को कह रहे हैं ना यार। कहाँ गए यार अब बी पैटसन यार? बी पैटरसन भाई गेंदबाजी देखते हैं। बैरिस पैटरसन भाई गेंदबाजी कर तो रहे हैं यार, गेंदबाजी कर तो रहे हैं बैरिस पैटरसन भाई, करी थी गेंदबाजी। इस बीच जो है चौका लगा दिया है इस दूसरी गेंद पर, बढ़िया शॉट यहाँ पर सुसादा मंगला का, और 3 चौके लगा चुके हैं, 14 गेंद में 19 रन बना चुके हैं। स्कोर पहुंचा 121 रन 6 विकेट नुकसान पर 15.2 गेंदों के बाद। तो भाई करते हैं गेंदबाजी यार। यहाँ पर जैसन स्मिथ ने गेंदबाजी, बॉरिस पैटरसन ने 2 ओवर किए 17 रन दिए भाई। मेरे हिसाब से आखिरी कुछ ओवर में गेंदबाजी करनी चाहिए, शायद 16 ओवर के बाद गेंदबाजी करने आएंगे यार बॉरिस पैटरसन। आज भी जो है 2 गेंदे हो चुकी है। चलते जरा मैसेजेस की तरफ आपके। कपिल भाई कह रहे हैं 20% भाई करेंगे गेंदबाजी, 2 ओवर शुरू में किए थे उसके बाद जो है 2 ओवर आखिरी में शेयर करेंगे। मुल्तान सुनताल पहले बैटिंग करेंगे क्या? पक्का 100,000% भाई, मैच से पहले बल्लेबाजी करें, चेज करें, अच्छी चेजिंग भी अच्छी कर लेते हैं वो। मनी अर्निंग कह रहे हैं भाई भाई 6 और 6 बॉल आना चाहिए भाई, उम्मीद करते हैं मजा आ जाएगा यार। ट्रेंडिंग न्यूज करें आईपीएल का करोगे? अरे आईपीएल तो भैया मत पूछो, आईपीएल में अगर देखिए पहले भी क्या है ना, अभी देखना पड़ेगा यार। पीएसएल मैंने करके देख लिया, उस पर कॉपीराइट आ रहा है तो मैं नहीं कर सकता उसको। एक बार आईपीएल भी करके देख लेंगे और कॉपीराइट लगा तो वो भी नहीं करेंगे भाई। वीरू पीएसपी के कह रहे हैं भाई 140 प्लस मार दे भाई को, उम्मीद करते हैं भाई। विधानसभा में कह रहे भाई इमरान ताहिर को जब विकेट मिलता है नाना पाटेकर की तरह। सही कह रहे हैं, चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ। और 4th गेंद पर कोई रन नहीं आया यहाँ पर, 15.4 गेंदे हो चुकी है, 122 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बिजरॉन जो है वो स्ट्राइक पे हैं, आखिरी सेकंड लास्ट गेंद है ये डेरियन की। और टेंशन मत लीजिए भाई, पीएसएल की कमेंट्री की थी तो कॉपीराइट लग गया था, आईपीएल की भी ट्राई कर लेंगे, वहां भी कॉपीराइट लग जाएगा तो देख लेंगे, उस पर भी कुछ और सोचेंगे उसके लिए। टेंशन मत लीजिए भाई, 2 चैनल इसलिए तो बना रखे हैं सेफ्टी के, सेफ्टी प्रदान के लिए। कच्चा बादाम गाना सुन के आएंगे कच्चा बादाम का भाई। ईलन कह रहे भाई 160 होंगे क्या आप बताओ भाई? 160 बनाने के लिए अभी भी 40 रन और चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर बना पाएंगे नहीं भाई। इस बीच हवा में खेला है बिजॉन ने, देखते हैं कितने लोगों कितने पास। 4 रन मिले हैं इस गेंद पर, 126 रन 4 विकेट माफ करिए चेक करना, 6 रन मिले हैं इस गेंद पर, 4 रन 6 है। और बिजॉन ने जो है छक्का लगाया है 4th गेंद पर अपनी, 4 गेंदों में 8 रन बना चुके हैं, छक्का लगा चुके हैं 15.5 गेंदों के बाद। 128 रन 6 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर है, और बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों से। 8वें नंबर के बल्लेबाज है बिजॉन और अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं स्कोर जो 160 के ऊपर लेके जाए भाई। और विकास मलिक कह रहे हैं जब भाई पीएसएल करने को नहीं मैं तो आईपीएल कहां से मिलेगा भाई? विकास मलिक कह रहे हैं भाई रिस्क लेंगे ना, कुछ और सोचेंगे यार, कमेंट्री नहीं करेंगे, वॉच अलोंग कर लेंगे, लोगों से बातें कर लेंगे, कमेंट्री नहीं करेंगे उसमें। ऑल मिक्स ऑल टाइम कह रहे हैं, हिट्स कह रहे हैं भाई कौन जीतेगा? उम्मीद करते हैं भाई लॉयंस जो है इस मुकाबले को जीते। भैया कैसे हो? गेमिंग विद प्रदीप भाई कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा हूँ प्रदीप भाई, कैसे हैं आप? ऑल मिक्स ऑल टाइम कह रहे हैं भैया कौन जीतेगा बता दिया लॉयन। शशांक मिश्रा कह रहे हैं इतने लोग डेली पीएसएल करते हो उनको कॉपीराइट नहीं आता है क्या? अब भाई कंडीशन है, कंडीशन होती है, कई लोग कर रहे हैं जिनको नहीं आ रहा है, और हम करेंगे तो तुरंत हमें जाएगा। इंडिया में देखिए कोई भी जल्दी से पीएसएल कर नहीं रहा है, इंडियन यूट्यूबर जो है कोई भी कॉमेंट्री आप देखते होंगे पीएसएल नहीं कर रहा है डर के मारे, क्योंकि पता है यार कॉपीराइट लगने के बाद 7 दिन आपकी लाइव स्ट्रीम बंद रहती है और एक स्ट्राइक घूमती रहती है, अगर दूसरे मैच में भी स्ट्राइक आ गया
तो तीन स्ट्राइक के बाद जो है तीन कॉपीराइट स्ट्राइक पर चैनल उड़ा दिया जाता है आपका। गेमिंग में प्रतिक्रम भैया कैसे बढ़िया हो भाई, और कमेंट्री में क्यों आती है कॉपीराइट? भैया ये तो बहुत लंबी चौड़ी ये बहस है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डीपली आपको डिटेल बता दूंगा यार, अभी तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैच जो है वो चल रहा है, इस बीच में मैच समझा नहीं पाऊंगा आपको क्या क्या होता है, क्या सीन होता है। 16 ओवर के बाद स्कोर जो है 129 रन 6 विकेट नुकसान पर, और लायंस का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे ब्रिजॉन जो है 5 गेंद में 9 रन बना चुके हैं। क्या यहां से 4 ओवर में 40 रन और बन सकते हैं क्या? अगर 40 रन बनेंगे 170 तक जा सकता है स्कोर यहाँ पर, तो देखते हैं क्या 170 तक जा सकता है स्कोर, क्योंकि जिस तरह से बिजान और मंगला खेल रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ बन जाए स्कोर। इस बीच जो है 17 ओवर की पहली गेंद सिंगल लिया बिजान ने, स्ट्राइक पर पहुंचे मंगला और स्कोर पहुंचा 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर, लायंस का स्कोर है यहाँ पर। भाई को भाई जसमुद्दीन खान करे भाई जो भी है चरण मरा हुआ है भाई, मेरा समझ में नहीं क्या है भाई, कच्चा बादाम कह रहा हूँ तो भाई ट्रेंड कर दोगे कच्चा बादाम स्पैम करके। जसमुद्दीन करे भाई भगवान से दुआ कीजिए भाई, और ना भाई भगवान से दुआ कर रहे हैं, ऊपर वाला जो देगा भाई वही उसी में खुश रहता हूँ भाई मैं। विधान शर्मा करे भाई चाचा चहल को पोलार्ड वेट दिलवा दो भाई, उम्मीद करता हूँ भाई कुछ वेट जो पोलार्ड का है वो चहल को मिल जाए यार। नहीं भाई करें इसको ज्यादा हो गया है बेटा करें। होशियार सिंह जी कह रहे हैं हेलो सर जी, होशियार सिंह भाई धन्यवाद भाई कैसे हैं, जुड़िए आप जुड़े हैं हमारे साथ अच्छा लग रहा है। और नहीं भाई कह रहे हैं दादा हो गया भाई क्राउड, हो भी गया हो गया क्या क्राउड पता नहीं भाई, कैप्टन जो भी है भाई भाई मुझे आप भूल गए गेमिंग प्रदीप भाई, नहीं भूला प्रदीप भाई मैं तो बोल रहा हूँ गेमिंग विद प्रदीप भाई कैसे हैं कैसे हैं। इस बीच जो है यहाँ छक्का लगा दिया है मंगला ने, दूसरी एक गेंद थी और रुवांडे की, और रुवांडे ने अच्छी गेंदबाजी की थी मगर ये गेंद पर उनको पकड़ लिया यहाँ पर मंगला ने और बड़ा शॉट लगा दिया। 26 रन बना चुके हैं मंगला 16 गेंदों में और 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं 16.2 गेंदों के बाद, 136 रन 6 विकेट नुकसान पर लाइन का स्कोर। इस बीच जो है तीसरी गेंद रुवांडे की मंगला को, क्या एक और बड़ा हिट लगा सकते हैं? जी नहीं जी, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, स्कोर अभी भी 136 रन 6 विकेट नुकसान पर 16.3 ओवर के बाद। तो आप चलते हैं जरा मैसेज इस तरफ, लन भाई कह रहे हैं छक्का लगा दिया बिल्कुल, नवीन भाई कह रहे हैं टीम हैव हायर चांस टू विन। अगर भाई मैं चांस की बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए डॉल्फिन के पास जो है 65% चांस है, 60% चांस मान लीजिए, 40% आप लायंस के पास मान लीजिए, चांसेस डॉल्फिन के ज्यादा रहेंगे आपके क्योंकि अच्छी टीम है, स्ट्रांग टीम है, बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं उस टीम के अंदर में। विधान शर्मा कह रहे भाई चहल वेयर आती है या डेली शेव करता है? भाई डेली शेव करते होंगे हमें नहीं पता, चहल से पूछना पड़ेगा। विधान शर्मा भाई गेम बता कह रहे हैं अच्छा हुआ अभी जबरदस्त 133 लाइक हो गए हैं। इस बीच एक चौका लगा दिया है यहाँ पर मंगला ने, तो मंगला ने यहाँ से क्लियर कर दिया है कि वो बड़े बड़े शॉट लगाएंगे। उन मंगला का स्कोर पहुंचा 30 रन 18 गेंदों में, 4 चौके 3 एक छक्का लगा चुके हैं यहाँ पर, स्कोर जो है लायंस का 140 रन 6 विकेट नुकसान पर 16.4 गेंदों के बाद। 17 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो 150 का पार हो जाएगा लाइक का, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में और एंजॉय करिए इस मुकाबले को। अब जो है यहाँ पर रुवांडे का ये ओवर जो है महंगा जाता हुआ, 11 रन दे चुके हैं इस ओवर से, क्या आखिरी गेंद पर भी एक चौका, कोई पांचवी गेंद पर भी चौका लगा देंगे क्या? यहां पर ससंडा को अगली गेंद कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, स्कोर अभी 140 रन 6 विकेट नुकसान पर। मनी अर्निंग करें नेक्स्ट ओवर में तेरा चाहिए भाई, उम्मीद करते हैं मिल जाए। शेख कुमार जी करें भाई मंगला नहीं मंगाला है, ठीक से रीड करें भाई, भाई क्या करें भाई मंगाला मंगला हमारे लिए तो भाई बल्लेबाजी है शेख कुमार भाई। अब यहां कमेंट्री कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर दूंगा जल्दबाजी में, तो माफी चाहूंगा शेख कुमार भाई आपको अगर बुला लगा उनके नाम के लिए। तो गेमिंग विद प्रदीप करें अच्छा हूं भाई बिल्कुल भाई, ट्रेनिंग न्यूज करें भाई 6 और मनी अर्निंग भाई करें नेक्स्ट ओवर में तेरा चाहिए। गेम और ग्राहक सब अच्छे हैं भाई, सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं बढ़िया। मंगलेश मार रहा है विधान शर्मा जी भी लग गए पीछे पीछे, एक भाई ने चुपके से स्पैम किया जरा उनको रोका जाए यार, बहुत स्पैम करते हैं। सुनील भाई कह रहे टेलीग्राम भाई नहीं यार मैं आपको कोई प्रेफर करूंगा भाई, ये लीड कर दीजिए पहले सर बिमरे भाई ये डिलीट कर दिए मैं भाई को, मेरे चैट से मत जाइए कोई बंदा, आप वैसे ले लीजिए किसी को, डिलीट कर दीजिए सुनील परमार भाई डिलीट कर दीजिए मैसेज को यार। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ, और आखिरी गेंद पर यहाँ पर जो है 2 रन लिए थे सिशांत मंगाला भाई ने, और स्ट्राइक पर पहुंचे बिजरॉन और 17 ओवर के बाद 142 रन 6 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर है, और देखते हैं अब 18 ओवर कौन डालेगा। 3 ओवर में 30 रन आना चाहिए यार। सुनील भाई ये मैसेज डिलीट कर दीजिए क्योंकि टेलीग्राम का चैनल हम यहाँ प्रमोट नहीं करते भाई, अब कोई भी आप सबको मेरा नाम लेके चल टेलीग्राम चैनल बताए, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही भाई जो है मैसेज करता हूँ, मतलब आप मैसेज में रिप्लाई करता हूँ, इंस्टाग्राम है मेरे पास। 11 भाई जो है और लाइक कर देंगे आंकड़ा जो है 150 का पूरा हो जाएगा। शेख कुमार कह रहे भाई मुझे नहीं बुरा लगा, मेरा कौन सा रिश्तेदार लग रहा है? मतलब भाई तो पूछ रहा भाई आपको बुरा लगा तो माफी चाहूंगा भाई, आपको बुरा लगा तो खुश नहीं है भाई, भेजो भाई 10 रन मार भाई और मार, कैप्टन है मेरा ड्रीम 11 में जसमुद्दीन भाई के, कैप्टन है भाई ये, जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है वैसे देखा जाए तो।
दो रन लिए इस पहली गेंद पर 18वें ओवर की, और सिसांदा जो है बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 रन बना चुके हैं 20 गेंदों में, 144 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.1 गेंद के बाद। अच्छा जोकता भाई है शेख कुमार का, जबरदस्त। अरविंद चौधरी भाई कह रहे हैं 77 रन प्लस होगा भाई, उम्मीद करते हैं मंगला करेगा मंगल सबका भाई। मनी अर्निंग कह रहे हैं, आरके वर्मा कह रहे हैं भाई वर्ल्ड में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा एक इनिंग में बॉल खेलने वाला बैट्समैन कौन सा है, सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाला बल्लेबाज में सबसे ज्यादा ब्रेन ला रही होंगे भाई, क्योंकि उनका स्कोर 400 है और उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें भी खेली थी वहां पर। विधान शर्मा कह रहे हैं भाई धन्यवाद धन्यवाद से देखो मंगला ही है या शेविंग करके पुलाने आया है भाई, भाई पता नहीं यार कौन है। चलिए इस बीच जो है यहाँ पर सिंगल लिया है सिसांदा वहाँ पे बिजरौन ने, सॉरी माफी चाहेंगे, स्ट्राइक पे है मंगला, और 17.2 गेंदों के बाद स्कोर जो है 145 रन 6 विकेट नुकसान पर। क्या एक बड़ा शॉट देखने को मिल सकता है इस ओवर में। जैसन स्मिथ जो है वो गेंदबाजी करने आए हैं यहाँ पर, मार दिया, अरे मार दिया कह रहे हैं यहाँ पर, ओ मंगला मंगल मार चौका मार भाई, लोग खुश हो गए लगता है मंगला की बल्लेबाजी देख, लगता है काफी लोग जो है लॉयंस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर भाई। दोनों लास्ट तक अच्छा खेलेंगे भाई, सही कह रहे हैं। 341 लोग देख रहे हैं, 144 लाइक है, तो एक बार जो है 6 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। स्लीपर वगैरह कर दिया भाई लेट, मैंने माफ कर दो, बिल्कुल भाई कोई बात नहीं, बस टेलीग्राम में मत बोलिए भाई, जिसको आना वो अपने आप आ जाएगा, आपसे अपने आप ही कॉन्टेक्ट कर लेगा इन मैसेज में भाई। मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ पर, ये कौन सा विश्वास में मैं नहीं हो सकता, जिसको समझ में नहीं क्या बोला यार। चलिए 17.3 गेंदों के बाद स्कोर अभी भी 145 रन 6 विकेट नुकसान पर, 2.5 ओवर बचे हैं यार, 15 गेंदे बची है, 15 गेंदों में 30 रन और बन सकते हैं क्या, क्या सिसांदा मंगला जो है एक छक्का लगा देंगे इस ओवर में, देखना होगा यहाँ पर। श्री ऑटो गए यार भाई, इसको दादा उम्मीद करते हैं भाई। मोहम्मद इशाद भाई, मेरे उर्दू नहीं आती, माफी चाहूंगा आपसे, और आप मुझे थोड़ा इंग्लिश में या हिंदी में लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा आपका। 149 लाइक है, एक भाई टिन्ने से लाइक करिए, और 150 का आंकड़ा जो है वो पुण्य से पूरा हो जाएगा। चले चलते हैं जरा, ब्रिजॉन जो है वो आगे स्ट्राइक पर, 146 रन 6 विकेट नुकसान पर, 17.4 गेंदे हो चुके हैं यहाँ पर। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करता रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी पर। कल जो है, कल भी जुड़ना मत भूलिएगा आप सब लोग, कल हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच। अब मैं आप सब लोगों से पूछूंगा यार, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका करें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग करें, वो बता दीजिएगा आप सब लोग। आरके वर्मा कह रहे हैं भाई ब्रेन लारा तो टॉप 5 में भी नहीं था। हाँ भाई बिल्कुल, 400 रन बनाए तो कितनी गेंदे ली थी, 700 गेंदे, सबसे ज्यादा टेस्ट गेंदे एक इनिंग में कह रहे हैं या पूरे पूरे उसमें कह रहे हैं, पूरे उसमें सीरीज अपने वर्ल्ड में उसमें कहेंगे, क्या कहते हैं उसको यार, पूरे करियर में कह रहे हैं, पूरे करियर में कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर भाई सबसे ज्यादा गेंदे खेले होंगे यार। शशांक मिश्रा कह रहे हैं फिलिक आयो को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं भैया, बिल्कुल पिट गए हैं ना। उदय प्रताप सिंह जी छुड़ गए हैं मंगला लास्ट तक 170 पक्का, उम्मीद करते हैं भाई बना दे। इस बीच जो है आउट हो गए हैं ब्रिजॉन और कैच आउट हुए बिजरॉन, और 17.5 गेंदों के बाद 46 रन 7 विकेट के नुकसान पर बची हैं। अब 13 गेंद है इस इनिंग की, क्या 13 गेंदों में यार बना दो, बना 25-30 रन बना दो, मजा आ जाएगा यार मुकाबले में, और बढ़िया स्कोर है पिछले मुकाबले से, तो बढ़िया ही स्कोर है मेरे हिसाब से। मनी अर्निंग करें खत्म यार, नहीं यार रुको जरा सबर करो, आपके लिए वर्सेज श्रीलंका वर्सेज मैच, अच्छा आपके लिए मेरे लिए, चलो मैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका का मैच करूं या बांग्लादेश प्रीमियर लीग करूं बता दीजिएगा, क्योंकि इंडिया का मैच मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज कॉपीराइट इशू है। तो जिसमें आप सब जो है आप ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे उसमें बता दीजिए, उसमें घुस जाएंगे हम। विधान शर्मा जी कह रहे हैं भाई शोएब मलिक रिटायरमेंट नहीं लेगा क्या, उसको पोते भी देंगे, नहीं शोएब मलिक ने रिटायरमेंट शायद ले लिए क्या, अभी तो ले नहीं है यार, धोनी से भी पूरा, धोनी से पहले आए थे, धोनी रिटायर हो गए, वो खेल रहे हैं यार, यंगेस्ट खिलाड़ी लगता है सबसे ज्यादा, इससे लगता है कि टैलेंट की कमी है क्या। चलिए चलते हैं, जो सिसांदा मंगला जो है वो स्ट्राइक पे हैं। इस बीच आखिरी गेंद 18वें ओवर की, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, और मौलसी सिबो तो आए हैं बल्लेबाजी करने, नाम लेते लेते मुंह पूरा कट गया। इस बीच जो है वाइड गेंद दे दी अंपायर ने, माफी चाहेंगे, हमें लगा कि पूरा हो गया, मगर अंपायर ने जो है थोड़ा समझा, थोड़ा बूझा, थोड़ा जाना, उसके बाद बॉलर को बोला चल भाई वाइड है, एक और बॉल डाल दे यहाँ पर। 17.5 गेंदे हो चुकी है, 147 रन 7 विकेट नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है, और अंपायर जो है गेंदबाज से भी थोड़ा सा जो है हंसी मजाक करते हुए यहाँ पर कुछ बातें चल रही है। आप साहब ट्रांसपोर्टेशन मिलता है भाई पेशावर भाई, उम्मीद करते हैं भाई। उदय प्रताप जी कह रहे हैं मंगला भाई हिटर है भाई, बिल्कुल। आरके वर्मा कह रहे हैं भाई और लोन हुंटोन है फर्स्ट इनिंग, 147 बॉल इंग्लैंड का, अरे भाई साहब 847 गेंदे खेल डाली थी, वाह 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 वाह। तो इस बीच जो है यहाँ पर अब चलते हैं जरा मैच की तरफ, आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था सिथांदा मंगला ने, और 148 रन 7 विकेट नुकसान पर 18 ओवर के बाद लॉयंस ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, विकेटें खोई थी मगर रन बनाते चले जा रहे हैं यहाँ पर। देखना होगा बचे हुए दो ओवरों में क्या 30 रन और बन जाएंगे क्या। लाइक करते रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ। साइंस भाई कह रहे 163 बनेगा नहीं भाई, उम्मीद करते 163 जो है वो बन जाए, बलग तो रहा है यहाँ बन सकता है, क्योंकि 163 बनाने के लिए 15 रन चाहिए, और मंगला खड़े रहे शायद ये स्कोर बन
बन जाएगा, 60 जाएगा क्या भाई, फेंको भाई बन जाएगा। अब लग रहा है यहां से कि बन सकता है अगर मंगला ने मारे रन तो। और विराट शर्मा कह रहे हैं भाई मेरे दोस्त की वाइफ का नाम मंगला है, तो नमस्ते बोल दीजिए हमारे दोस्त भाभी जी को। और बिग बैश कह रहे हैं मंगला मार। और नॉलेज भाई कह रहे भैया 148 रन, भाई मैं भी तो उम्मीद कर रहा था 150-170 के बीच में बोल रहा था, 155-170 के बीच बोल रहा था भाई। लॉन एडन कह रहे हैं 150 होगा बस जाओ। अरे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, 170 बनेगा भाई। साइंस एरा भाई एक एक मैसेज भेज दीजिए यार, साइंस एरा भाई 8, 9, 10, 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं आप, एक मैसेज भेजिए, मैं देख लिया मैसेज आपका। यहाँ पर मनी अर्निंग कह रहे हैं 170 प्लस हुआ क्या फाइनल। शेख कुमार जी कह रहे भाई सबसे ज्यादा बॉल मैंने खेली थी जबरदस्त। लर्न एंड अर्न ब्लॉक कह रहे हैं 155 हो तो ऐसा होगा देखते हैं भाई, मंगला भाई पे डिपेंड करता है। चलिए सिंगल लिया मंगला भाई ने, यहाँ पर जो है यहाँ पर 19 ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पे आ गए हैं यहाँ पर सिबोतो। और 18 सब लोग एक गेंद के बाद 149 रन 7 विकेट नुकसान पर। सिबोतो को चाहिए सिंगल लेके मंगला को स्ट्राइक दे, मंगला जो है यहाँ पर ठोक दे 15 रन इसी ओवर में। फैजान खान कह रहे हैं 164, डीआर टीवी कह रहे हैं 170 मस्ट होगा, उम्मीद करते हैं डीआर टीवी भाई। वितान शर्मा कह रहे हैं मंगलू पगलू। मोहम्मद इशाद भाई कह रहे हैं आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर या ओके। मैच कौन खाला जा रहा है भाई? ये मैच जो है सीएसए टी20 चैलेंजर्स का गेम, साउथ अफ्रीका की लीग है ये टी20 की, ये वो मैच खेला जा रहा है, डॉल्फिन वर्सेस लायंस का ये मैच है। टिकर हम भाई जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं हाय यार लाइक करते रहिए आप सब लोग, जो जो भूल जाते हैं ना लाइक करने के लिए, एक बार स्क्रीन को सीधा करके जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ। शेख कुमार जी कह रहे हैं आज मिलर अच्छा खेलेगा। भैया मिलर को तो, मिलर को नहीं पता वो कब अच्छा खेलते, हम कैसे बता दें उनके बारे में। जुनैद असम भाई कह रहे हैं किधर तो तुम फुंडू, तो कह रहे हैं समझ में नहीं आया भाई बोला क्या है जुनैद भाई। मनी अर्निंग कह रहे हैं मंगला हमका मंगल करेगा भैया, उम्मीद करते सबका मंगल मंगल करते हैं। इस बीच जो है यहाँ पर 3 गेंदों में अभी तक जो है 3 सिंगल आए हैं, स्कोर जो है 51 रन बन चुका है 7 विकेट नुकसान पर 18.3 गेंदों के बाद। शिबो तो जो है वो स्ट्राइक पे है, एक चौका बटोर लेगा तो मजा सा आ जाएगा, कुछ मजा आ जाएगा मजा। तो आप चलते हैं जरा मैसेजेस की तरफ। रवि कुमार जी कह रहे हैं विकेट जाएगा उम्मीद करते हैं। जसमुद्दीन खान कह रहे भाई मैं बहुत खुश रहा हूं आज जो आप बोल रहे हैं, धन्यवाद भाई। और कल भी गया इंडिया वाला मैच, उम्मीद करते हैं भाई। डी टीवी कह रहे हैं 6। और के सम्राट सिंह जी कह रहे हैं कैसे हो सर जी? सम्राट भाई बढ़िया हूं, अच्छा हूं, बहुत दिन के बाद कमेंट्री करके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। इस बीच जो है वाइड गेंद, खराब गेंद यहां पर डेरियन की, क्योंकि आखिरी सिचुएशन है, वाइड दिया नहीं, बिल्कुल वाइड नहीं दिया यहां पर अंपायर ने। अंपायर ने कहा नहीं नहीं पिछली बार गलती दी थी, गलती कर दी थी, अब तुम जाओ गेंद करो, गेंद है ये। 4 गेंदे हो गई है यहां पर इस ओवर की, बची है 8 गेंद है, क्या 8 गेंदों में 16 रन बन सकते हैं यहां पर? स्कोर जो है 167 के पार पहुंच सकता है, देखना होगा। मंगला कहां है तेरा बंगला? विधान शर्मा जी कह रहे हैं अरे वहां तो साउथ अफ्रीका मनाया होगा। 374 लोग हमें देख रहे हैं, 156 लाइक है। एक बार यार स्क्रीन को सीधा करके आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी पर। यहां चलते हैं जरा गेंद की तरफ। इस बीच जो है 5वीं गेंद यहां पर, और देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। सिंगल लिया इस गेंद पर, और यहाँ पर जो है हमें फोन आ रहा है लोन वालों का, पता नहीं क्यों फोन करते हैं यार। लेग बाय का सिंगल लिया, हमें नहीं चाहिए, हम लोन भी ले सकते भैया। सिंगल ले लिया इस गेंद पर और स्ट्राइक पर पहुंचे मंगला। मंगला को ये आखिरी गेंद करेंगे 19वें ओवर की। डेरियन देखना होगा क्या क्या बड़ा शॉट लगाएंगे। 152 बन चुके हैं 7 विकेट नुकसान पर। 155-170 के बीच का स्कोर कहा था, तो वही हमें लग रहा है कि उसी बीच का स्कोर बनेगा। शरण भाई कह रहे हैं मंगला तुम्हारा मंगल हो, बस एक छक्का मार दो। शेख कुमार कह रहे हैं ओडेज विद वेस्ट इंडीज का दूसरा साल है भाई। हाँ बल्लेबाजी अच्छी करते हैं भाई, आयरलैंड के मुकाबले में देखा था, एक भाई ने बताया भी था कि यार ओडेन स्मिथ बहुत अच्छा मारते हैं और बड़ा तगड़ा फॉलो कर रहे थे ओडेन स्मिथ को, उन्होंने बताया और क्या बल्लेबाजी करी थी ओडेन स्मिथ, ये तो भाई तारीफ की बात है। यंशु फिन भाई कह रहे हैं मंगला ने कर दिया कंगला। ओहो आर के वर्मा कह रहे हैं भाई इंडिया की तरफ से फर्स्ट T20 50 किसने लगाई है? भाई मेरे हिसाब से फर्स्ट 50 किसने लगाई है यार T20 में, सबसे ज्यादा गंभीर ने सहवाग नहीं लगाई होगी भाई मेरे साहब, जहां था मेरे ख्याल आर के वर्मा भाई, मुझे गंभीर का लगता है, गौतम गंभीर का, राजेंद्र गौतम गंभीर मुझे लगता है यार T20 के अंदर में। तो राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मंगला धोखा दे गया। अरे नहीं नहीं धोखा कहाँ देगा यार। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ। 19वां ओवर हो गया समाप्त, इस ओवर में मात्र आए हैं 5 रन, स्ट्राइक पे हैं सिसानदा मंगला। 37 रन बना चुके हैं 26 गेंदों में, 4 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं 19 ओवर के बाद। 153 रन 7 विकेट नुकसान पर लायंस का स्कोर है। क्या इस ओवर में 12 से 13 रन और जुड़ सकते हैं क्या स्कोर में, देखना होगा। आखिरी ओवर बचा है इस इनिंग का, 400 लोग हमें देख रहे हैं,
अच्छा लग रहा है, 400 लोग हमें देख रहे हैं, इनसे 159 लाइक है यार, आप सब लोग प्लीज लाइक करिएगा यार। अब भाई ओडेन स्मिथ का सीपीएल की बैटिंग देखना पड़ेगा जब भाई, शेख कुमार भाई देखूंगा यार, मैं तो बड़ा फैन हो गया ओडेन स्मिथ का, उम्मीद करूंगा यार आईपीएल में कोई ले उनको, और रसल की तरह यूज करें तो शायद बहुत जबरदस्त बल्लेबाज बन सकते हैं वो। विधान शर्मा कह रहे हैं मंगला छक्का मार दो यार आईपीएल वाले ले लेंगे। नहीं भाई मंगला जो है, आप जो है मंगला ने यहाँ पर कंगला कर दिया है आपको और आउट हो गए हैं 20 ओवर की पहली गेंद पर। तो सुशांत मंगला हुए आउट, कैच आउट, आठवां झटका लगा लायंस को 153 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19.1 गेंद के बाद। सुशांत मंगला जो है 37 रन बनाए थे 27 गेंदों में, 4 चौके 1 छक्का लगाया था पवेलियन जाते हुए यहां पर। तो आप जो है 160 की जो आशाएं हैं वो खत्म से दिख रही है हमें यहां पर। दीपू टवर कह रहे हैं मंगला के ने पिछले दिन डॉट खेल खेल के डुबा दिया, छक्के मार मार के डुबा। जसमुद्दीन भाई कह रहे भाई इसमें विकेट गिरेगा भाई, बिल्कुल गिर गया भाई। और मंगला ये तूने क्या क्या कर डाला भाई, अरे क्या करे भैया बेचारे, दुख है उनका भी यार, दुख जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो भाई हमारे नॉलेज भाई को धन्यवाद करेंगे, 21 रुपए जो है उन्होंने यूपीआई की सपोर्ट किया है। आप सब लोग जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। हमारे यूपीआई यूजर नेम है divakar782@okay.sbi, मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा और मैं हूँ दिल्ली से। तो आप चलते हैं जरा मैच की तरफ, 153 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर, उम्मीद करते हैं भाई यहाँ से 160 रन तो बनाया जाए यहाँ पर। तो आप सब लोग जो है अपने मैसेजेस भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और इस बीच जो है आप यहाँ पर जो है मल्सी सिबोटो जो है यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करेंगे। जैसन स्मिथ जो है वो अब कर रहे हैं गेंदबाजी, 3 विकेट चटका चुके हैं इस बीच दूसरी गेंद 20वें ओवर की। मल्सी सिबोटो है स्ट्राइक पर, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर देखना होगा, क्योंकि 2 ही विकेट बची है। तो इस बीच जो है वाइड गेंद, खराब गेंद जैसन स्मिथ की, 154 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19.1 गेंद के बाद। बहुत अच्छा खेला है मंगला भैया, आर के वर्मा कह रहे हैं रोबिन थप्पा ना लगाए भैया थी, रोबिन थप्पा ने लगाई थी, अच्छा रोबिन थप्पा ने लगाई थी भाई। उदय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं मंगला घुस गया। शेख कुमार कह रहे हैं मंगला पावर हिटर है भाई, उम्मीद करता है। विधान शर्मा कह रहे हैं भाई मंगला को पानी पिलाओ, अभी रनिंग बाकी है, बिल्कुल भाई। और 164 से बस रन आई एम फ्रॉम बांग्लादेश भाई, उम्मीद करते हैं 164 बन जाए यार, छक्का चौका चाहिए, 10 रन चाहिए दो बंदे में, देखते हैं। और दूसरी गेंद पर नहीं मिला है कोई रन स्ट्राइक पे अभी भी, मल्सी सिबोटो तो हैं स्ट्राइक पर, 154 बने हैं 8 विकेट नुकसान पर, क्या 3 चौके लगा सकते हैं यार, एक छक्का एक चौका लगा सकते हैं इस ओवर में, 164 तो पहुंचना पड़ेगा। मंगला आज घोष मंगला आज खाना खा के आए ऐसे कह रहे हैं। 161 लाइक हो चुके हैं, धन्यवाद आप सब लोगों को, 372 लोग देख रहे हैं, बहुत नाइंसाफी चल रही है मेरे साथ यार, आप सब लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करते रहिए, शर्माइए मत, घबराइए मत, क्योंकि लाइव हिंदी कमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन हो चुकी है यहाँ पर। इस बीच जो है तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं, तो सिबोटो जो है रन बनाने में कामयाब नहीं हो रहे इस ओवर में, इस ओवर में मात्र 1 रन आया है और एक सफलता अर्जित करी है जैसन स्मिथ ने। बढ़िया गेंदबाजी, एक बढ़िया आखिरी ओवर डाल रहे हैं, 154 रन बने हैं, तो क्या इन 3 गेंदों में 6 रन और बटोर सकते हैं, 160 तक पहुंचा जा सकता है स्कोर को। डीप टेबल कर 170 हो गए भाई, दिखो मैं देखते भाई हो जाए 170, छक्का जो लगा है वो लगा है भाई, क्या कहते हैं इसका, एक मुझे लगा था लेजेंड्स लीग में और मुझे फिर लगा है आपका कॉपीराइट लगा है, मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप में लगा था सेमीफाइनल में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। आपको ये पता होगा कि कॉपीराइट लगने के बाद 7 दिन तक हमें लाइव नहीं कर सकता, तो 7 दिन में लाइव नहीं कर पाया, और जैसे ही लाइव ओपन हुआ है तो मैं आ गया हूँ आप सबके पास। और प्राइवेट सेक्टर भाई कह रहे हैं ये लोग से होंगे नहीं भाई, हमेशा सिंगल ही ले लो प्राइवेट सेक्टर। मन ये नहीं कर रहे मंगला आज मिलर की तरह खेला है भाई, बिल्कुल सही कह रहे यार। तो भाई हमारे यहाँ तो भाई कॉपीराइट के 7 दिन तक आप लाइव नहीं कर सकते, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई है। 5वीं गेंद थी, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं, तो 2 ही रन लिए हैं, मात्र 3 रन आए इस ओवर में, क्या एक चौका लगा सकते हैं। सिबो तो आखिरी गेंद है जैसन स्मिथ की, इनिंग ब्रेक की आखिरी गेंद, 156 रन 8 विकेट नुकसान पर 19.5 गेंद हो चुकी है इस इनिंग की आखिरी गेंद, क्या एक बाउंड्री बटोर सकते हैं यहाँ पर देखना होगा। तो माफी चाहेंगे भाई, कई लोगों जो है बोल रहे होंगे शिकायत करोगे मैं आता हूँ नहीं आता, भाई दिक्कत ये है कि मैं कॉपीराइट की वजह से जो है मैं नहीं आ पाता हूँ 7 दिन तक, इसलिए जो है मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट भी करता हूँ। आप सब लोग जो है इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए हमारे साथ, मुझसे पूछ लीजिए करिएगा, मैसेज कर लीजिए करिएगा। इस बीच जो है आखिरी गेंद यहाँ पर सिबोटो को, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, क्या 1 रन भागेंगे, जी नहीं भागेंगे भी नहीं। तो 20 ओवर के बाद 156 रन 8 विकेट के नुकसान पर लॉयंस का स्कोर है, और डॉल्फिन को यह मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 20 ओवरों में 157 रन। तो टॉस जीता था लायंस ने, स्कोर खड़ा किया 156 रन 8 विकेट नुकसान पर 120 गेंदों के अंदर में। अब 120 गेंदों के अंदर में डॉल्फिन को मैच जीतना है तो 157 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो आप सब लोग जो है जुड़ रही है हमारे साथ, मिस इवा कह रहे हैं नाइस कमेंट्री, धन्यवाद भाई आर के वर्मा कह रहे हैं मिलर मैच फिक्सर है, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आर के वर्मा भाई। दीप ट्रबल कह रहे हैं इतना बड़ा धोखा 160 भी नहीं बनाया, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। आकाश जोरे कह रहे हैं भाई कॉपीराइट क्या है,
हाँ कॉपीराइट भाई बहुत सारी चीजें आकाश जोहरे भाई, मैं बिल्कुल डीपली बता पाऊंगा आपको, मगर मैं बता पाऊंगा किसी लाइव स्ट्रीम में बैठ कर, किसी में लाइव स्ट्रीम ऑन करके बताऊंगा कि भाई क्या क्या चीजें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब एकदम मैच के बीच में नहीं बताऊंगा, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, इस 15 मिनट के ब्रेक में बिल्कुल चाय भी पीनी है, थोड़ा खाना खाना है, उसके बाद जो है मैं फिर लाइव जुड़ूंगा आप सबके साथ। उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं लॉयन जीतेगा, सही कह रहे हैं, और भाई मंगला का वाला होपर वाला। चलिए आप, मैं ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, मैं रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। 156 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पर लायंस ने, डॉल्फिन को जीत कर चाहिए 157 रन 120 गेंदों में, तब तक आप सब लोग जो है ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का ये ब्रेक होगा, 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं जुड़ता हूँ आप सबसे लाइव एक्शन में, तो कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी पर।
तो आगे हैं ब्रेक के बाद, और जो है मैच का सूरत हाल यही है कि भाई लॉयंस ने 156 रन बनाए हैं 8 विकेट नुकसान पर 20 ओवरों में, और डॉल्फिन को मैच जीतने के चाहिए 157 रन 120 गेंदों में। तो देखते हैं कि क्या लॉयंस जो है वो रोक पाएगी डॉल्फिन को, क्या डॉल्फिन जो है इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगा यहाँ पर। तो आप सब लोग जो है फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, और मैसेज ले लूँ सबके, जरा काफ़ी लोगों ने जो है मैसेज किए यहाँ पर, और देखते हैं ज़रा एक बार मैं मैसेज देख लूँ सब लोगों के, और ज़रा सा जो है रिफ्रेश कर दूँ थोड़ा सा, स्कोर को भी अपडेट कर दूंगा। प्लेयर जो है वो अंदर आ रहे हैं और मैच जो है बस एक मिनट में शुरू होने वाला है। देखते हैं भाई कौन जो है वो ओपनिंग करने आया है यहाँ पर, क्रिकेट पैटर्सन के साथ जो है, क्रिकेट पैटर्सन जो है वो आए हैं ओपनिंग करने के लिए। मैसेज जो है क्या यार मंगला, ओहो बहुत लोग नाराज है मंगला से। तो भाई संजू जी कह रहे हैं अरे भाई मैच स्टार्ट हो नहीं हुआ, भाई मैच स्टार्ट होने वाला है 6 ओवर में 26 पर 3 विकेट होंगे। विकास निगम भाई कह रहे हैं, संजू भाई कह रहे हैं किलर मिलर आएगा भाई। मिस्टर ब्रोड कह रहे हैं लॉयन जीत सकता है क्या भाई, भाई उम्मीद करते हैं लॉयन जो है इस मुकाबले को जीते। अभी तो पैटरसन और वही आए हैं, देखते हैं पैटरसन और ग्रांट जो है वो बल्लेबाजी करने आए हैं, और क्योंकि पैटरसन को आउट करना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं। शाम जी कह रहे हैं मुल्तान वर्सेज पेशावर पावर प्ले स्कोर्स, भाई मेरे हिसाब से मुल्तान जो है पावर प्ले के अंदर में 40-42 रन से ज्यादा मार देगी यार, और मुल्तान की बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त है। इस बीच जो है पहली गेंद थी, पहली गेंद पर कोई रन नहीं, तो बढ़िया गेंदबाजी शुरुआत जो है लाइन से शुरू करी है यहाँ पर फॉर्च्यून ने। दूसरी गेंद यहाँ पर क्रिकेट पैटरसन को क्या विकेट चटका देंगे देखना होगा। दूसरी गेंद कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दोनों गेंदें जो है बड़ी जबरदस्त लाइन पर। बड़ी ये बताइएगा जी 4 ओवर में कितना बनेगा, भाई मेरे हिसाब से 4 ओवर में कितना बनेगा अब ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, वो डिपेंड करता है भाई बल्लेबाजी के ऊपर। मेरे हिसाब से 4 ओवर में शायद 24 रन तो बनने जाएंगे। मिस्टर बुल्ट कह रहे हैं थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई मिस्टर बुल्ट भाई। और पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो टॉस जो है पेशावर जलमी ने जीता था, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, और मुल्तान की बल्लेबाजी है तो उम्मीद करते हैं भाई 6 ओवर में शायद कम से कम जो है 40-42 रन, मगर रिजवान है तो शायद पेशावर से 45 ऊपर बन सकता है। फॉर्च्यून को विकेट मिलेगा भाई, उम्मीद करते हैं एक विकेट जरूर मिलेगा, मेरे हिसाब से एक विकेट मिलना चाहिए। और अभी तक जो है 4 गेंदें जो है सटीक लाइन पर डाली है यहाँ पर फॉर्च्यून ने, और देखते हैं क्या विकेट चटका देंगे यहाँ पर। डॉल्फिन का स्कोर अभी भी कोई खाता नहीं खुला है, 4 गेंदें बड़ी सटीक लाइन पर डाला है क्रिकेट पैटरसन को, तो यहाँ पर जो है विकेट चटकाना होगा। पावर प्ले में जो है यहाँ पर रन रोकने होंगे, विकेट चटकाने होंगे, और 28 में 29 हो सकते हैं भाई ये कह रहे हैं 4 ओवर में। इस बीच जो है वाइड गेंद, एक अतिरिक्त रन मिला यहाँ पर डॉल्फिन को, खाता खुल गया है डॉल्फिन का एक रन ने बिना किसी नुकसान के। डॉल्फिन का स्कोर अभी भी 156 रन चाहिए जीत के लिए 116 गेंदों में। तो आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। इस बीच 4 गेंदें हो चुकी हैं पर बिजरोन की, और बिजरोन के सामने है क्रिकेट पैटरसन, अच्छी तरह बांध के रखा है, क्या एक विकेट चटका देंगे शुरुआती इस ओवर में देखना होगा। इस बीच जो है 5वीं गेंद क्रिकेट पैटरसन को, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, अच्छी एक गेंद थी 5वीं गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर पैटरसन का, आपके बिजरोन के बिजॉन के हाथों से। तो अब जो है पैटरसन जो है 5 गेंदें खेल चुके हैं इस ओवर की, क्या एक विकेट चाहिए होगा। लाइन इजी विन होगा, विकास निगम करें भाई इजी नहीं हो सकता कुछ भी। इस बीच जो है आखिरी गेंद पर एक रन लिया क्रिकेट पैटरसन ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। डॉल्फिन का स्कोर जो है वो 2 रन बिना किसी नुकसान के एक ओवर के बाद। क्रिकेट यारी कह रहे हैं 4 ओवर 27 रन 0 पे आउट, भाई एक विकेट तो रख लीजिए मजा आ जाएगा, 4 ओवर 27 रन एक विकेट होगा तो अच्छा लगेगा मुझे यार देखते हुए। 180 लाइक हो गए हैं, 20 भाई और लाइक कर देंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 200 का। तो एक बार लाइक करते रहिए, साथ में है क्रिकेट पैटरसन, पैटरसन होंगे स्ट्राइक पर, देखना होगा दूसरा ओवर कौन डालेगा। ग्रांट दे रहे हैं उनका साथ, अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली क्योंकि सारी गेंद जो है पैटरसन ही खेल गए हैं। तो खाता खुल गया है पैटरसन का, ये अच्छी बात है, 6 गेंदें खेली उन्होंने एक रन बनाया है। पहला ओवर अच्छा गया है ब्रिजॉन फॉर्च्यून का, एक ओवर किया मात्र 2 रन दिए इस ओवर में, एक वाइड की तरफ से एक बल्ले की तरफ से क्रिकेट पैटरसन के। तो अभी भी 155 रन चाहिए 114 गेंदों में। यहां पर लॉयंस जो है विकेट ढूंढ रही है कि शुरुआत में एक विकेट चटकाया जाए और मजा आ जाए। भाई किस ऐप्स को, किसी को सपोर्ट कर रहे हो भाई? मैं तो लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, पहली इनिंग से ही सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, उम्मीद कर रहा हूँ लॉयंस जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। यहाँ दुष्यंत गुप्ता जी कह रहे हैं काफी अच्छा ओवर करने गया भाई, ओवर तो अच्छा गया मगर दूसरे ओवर में साथ देना होगा दूसरे गेंदबाज को। यहाँ पर क्रिकेट पैटरसन को एक और गेंद, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, पहली गेंद थी दूसरे ओवर की, बढ़िया गेंदबाजी से शानदार मंगला की। मंगला आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्लेबाजी तो बड़ी खूबसूरत किया है शानदार मंगला ने, क्या गेंदबाजी जो है वो जबरदस्त कर पाएंगे और डॉल्फिन को जो है रोक पाएंगे यहाँ पर 157 रन बनाने से। विकास निगम करें लॉयन जीतेगा, उम्मीद करते हैं। क्रिकेटारी कह रहे हैं रखा तो है 10 विकेट की ही रख लो भाई,
अपने हाथ में सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मैं 6 ओवर में 3 विकेट गिरा दे तो 100 रुपए सुपर चैट भाई। उम्मीद 3 विकेट बहुत ज्यादा मांग लिया आपने यार, एक दो की बात करें तो कोशिश करता हूँ भाई। इस बीच जो है यहाँ पे दूसरी गेंद क्रिकेट पैटरसन को मंगला की ये गेंद थी, 1 रन लिया इस गेंद पर, कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर। लॉयन ने बहुत बड़ी गलती कर दी फील्डर ने यहाँ पर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था ये क्रिकेट पैटरसन का, और कैच जो है वो छोड़ दी यहाँ पर। स्ट्राइक पे आ गए यहाँ पर जो है ग्रांट, और कैच ड्रॉप करना कहीं ना कहीं मैच में आप पीछे पिछड़ जाएंगे। अगर क्रिकेट पैटरसन जो है यहाँ से टिक गए तो कहीं ना कहीं मैच को फिनिश कर देंगे। 8 गेंदें खेली है पैटरसन ने, 2 रन बनाए हैं और स्ट्राइक पे आ गए ग्रांट। ग्रांट खेलेंगे अपनी पहली गेंद, मंगला डालेंगे इस ओवर की 3री गेंद। 1.2 ओवर के बाद स्कोर है 3 रन बिना किसी नुकसान के। तो देखते हैं ये कैच ड्रॉप जो है वो कितना महंगा पड़ता है अब डॉल्फिन को। एक अच्छा मैच देखने की उम्मीद है, क्योंकि सुबह का मैच जो है बहुत ही हल्का सा मैच था और जल्दी ही खत्म हो गया था। तो उम्मीद करेंगे ये मुकाबला जो है वो एक धमाकेदार आखिरी ओवर तक ये मैच जाए, और देखते हैं फिर कौन जीतता है इस मुकाबले को। इस बीच 3री गेंद यहां पर ग्रांट को मंगला की, देखते हैं क्या शॉट लगाएंगे इस गेंद पर। नहीं जी, सिंगल लिया, खाता खोला ग्रांट ने अपना, स्ट्राइक पे आ गए फिर से पैटरसन, 4 रन बिना किसी नुकसान के 1.3 गेंदों के बाद। 182 लाइक हो चुके हैं, धन्यवाद आप सब लोगों का यार, मजा आ रहा है। आप सब लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही प्यार जो है वो देते रहिए क्रिकेट लाइव हिंदी को मुझे। और मनी अर्निंग करें क्या यार, कैच तो पकड़ा कर रहा भैया, भाई क्या करें, कैच छोड़ दी यार, किस्मत थी भाई आज क्रिकेट पैटरसन की। देखते हैं किस्मत जो है वो कितनी रंग लाएगी यहां पर। और आप सब लोग जो है प्रवीण का कैच ड्रॉप देखते हैं, रेट हाई है भाई 75 भाई। उम्मीद करते हैं एक विकेट चाहिए यहां पर, यहां पैटरसन का विकेट बहुत जरूरी है, तब जाके मैच में फेवरेट आएगी यहां पर लॉयंस। इस बीच जो है चौथी गेंद पर लिया है, 1 रन हल्के हाथों से खेला था इस गेंद को, 1.4 गेंदों के बाद 5 रन बिना किसी नुकसान के डॉल्फिन का स्कोर है। और ग्रांट जो आ गए स्ट्राइक पर, 2 गेंदें बची हैं इस ओवर की, क्या एक विकेट चटका देंगे यहाँ पर मंगला, देखना होगा यहाँ पर। अब बंगला ब्रमून कह रहे हैं 6 ओवर में कितना बनेगा भाई, भाई उम्मीद करते हैं 6 ओवर में शायद मेरे हिसाब से 40 रन तो बनी जाएगा, अगर विकेट चला गया तो शायद 35 मान लीजिए, 35 मान के चलता हूँ भाई, 35 तो बन जाएंगे एक विकेट पे। 1.4 गेंदों के बाद यहाँ पर 5 रन बिना किसी नुकसान के, 5वीं गेंद के लिए तैयार है ग्रांट, और गेंदबाजी कर रहे हैं मंगला। मंगला की 5वीं गेंद, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को। 4 रन लगाए हैं यहाँ पर ग्रांट ने, पहला चौका उनके बल्ले से, जबरदस्त ये शॉट, 2 गेंदों में 5 रन बना चुके हैं, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तो। शुरुआत बड़ी जबरदस्त करी है चौके के साथ, कहीं ना कहीं क्रिकेट पैटरसन जो है इस पिच पे फंसे हुए दिख रहे हैं, मगर ग्रांट जो है वो अच्छा शॉट लगाया, शॉट आगे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में है शायद कहीं ना कहीं आज। 1.5 गेंदों के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के डॉल्फिन का स्कोर है, और 2 विकेट गिराओ भैया कह रहे हैं आर्यन भाई बिल्कुल दो कोशिश करते हैं, 2 विकेट गिराए यहां पर, देखते हैं 2 विकेट गिर जाएगा तो। मनी अर्निंग करे भाई पीएसएल को वो कॉमेंट्री दोगे भाई, बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा पीएसएल की कॉमेंट्री, पीएसएल कॉमेंट्री जो है कॉपीराइटेड है, वो कॉपीराइट लग जाएगा मुझे, इसलिए मैं जो है वो कॉमेंट्री नहीं कर सकता। इस बीच जो है आखिरी गेंद मंगला की, स्ट्राइक पे है यहाँ पर ग्रांट को ये आखिरी गेंद करेंगे, क्या विकेट चटका देंगे? जी नहीं, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। 2 ओवरों के बाद स्कोर जो है 9 रन बिना किसी नुकसान के डॉल्फिन का स्कोर है, जीत को चाहिए 148 रन 108 गेंदों में। तो कहीं ना कहीं आप गेंदबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, मगर आपको विकेटें चटकानी होंगी तभी जो इस मैच में आप आगे बढ़ पाएंगे, डॉल्फिन से आगे निकल पाएंगे यहां पर। तो फटाफट यार लाइक करते रहिए, आप सब लोग सपोर्ट बताइए किस टीम को कर रहे हैं, क्या लगता है यहां से लॉयन जो है क्या एक विकेट चटका देगा, क्योंकि एक विकेट चटका तो कहीं ना कहीं जो है फेवरेट्स आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि बल्लेबाज हैं, आपको शुरू में अगर विकेट चटकाएंगे लॉयंस के गेंदबाज तो कहीं ना कहीं दबाव में डाल पाएंगे डॉल्फिन के बल्लेबाजों को, क्योंकि 148 रन 108 गेंदों में चेजेबल है, बन जाते हैं, मगर रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रखिएगा 8.22 की है, इस रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ाना होगा, 10 के पार ले जाना होगा, तभी जो है बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा, और 10 के पार जब ही जा पाएगी जब आप विकेट लेंगे और बल्लेबाजों को मुश्किलों में डालेंगे। इस बीच 3री ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया है यहाँ पर क्रिकेट पैटरसन जो है वो आउट हो गए, जबरदस्त ये गेंद ब्रिजॉन की, विकेट मिल गया है पहला डॉल्फिन का और लॉयंस को, और पहला झटका दिया है ब्रिजॉन ने मिल गई उनकी पहली सफलता। क्रिकेट पैटरसन जो है 10 गेंदों में 3 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए, 2.1 गेंद के बाद 9 रन 1 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। जो विकेट ढूंढ रहे थे शायद डॉल्फिन के लाइंस के गेंदबाज, वो विकेट मिला है क्रिकेट पैटरसन के रूप में, विकेट आ गया। विकास निगम जी कह रहे हैं बढ़िया, मनी अर्निंग कह रहे हैं वाह, इंद्रजीत मौर्य कह रहे हैं कैच पकड़ो भाई ऐसे मैच भाई, बिल्कुल LPW आउट कर दिया है यहां पर, LPW आउट हो गए क्रिकेट पैटरसन, तो पहला झटका मिल चुका है। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर ब्रिजॉन की, पिछले ओवर में 1 रन दिया, 2
रन दिए थे पिछले ओवर में, और इस ओवर में आते ही विकेट चटका दिया क्रिकेट पैटरसन का 2.1 गेंद के बाद 9 रन 1 विकेट नुकसान पर। देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आएगा ग्रांट का साथ देने के लिए। ग्रांट जो है वो 3 गेंदे खेल चुके हैं, 5 रन बनाए, 1 चौका लगाया। तो जैसा कि मैं कह रहा था क्रिकेट पैटरसन जो है थोड़ा फंसे हुए लग रहे थे इस पिच पे, और वही जो है फायदा लिया गया यहां पर, गेंदबाजी अच्छी करी गई और विकेट चटक गया यहां पर। और ओ माय गॉड कह रहे हैं मनी अर्निंग वेरी गुड भाई, और सब भी सुन लो टीम पर मत बैठना, जहां मौका मिले अपनी बुक सेट कर लेना। बिल्कुल सही बात करी है आपने आर्यन भाई, बिल्कुल मुझे अच्छा लगा ये बात, तो आपने बहुत सौ पते की करी है, तो देखते हैं लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे आपके बात। लाइव चैट में मैंने आपका मैसेज जो है पिन कर दिया है, बहुत समझदारी की बात करी है आपने। इस बीच जो है यहां पर बल्लेबाजी करने आए हैं फिलिक यायो, और फिलिक यायो कर रहे हैं बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं, इंटरनेशनल टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, तो देखते हैं यहाँ से किस तरीके से मैच को आगे लेके चलते हैं। अगर फिलिप यायो को विकेट मिल गया ना तो बहुत हद तक जो है लायंस जो है काफ़ी ज़्यादा फेवरेट आ जाएगी। अभी भी थोड़ा सा जो है डाइसी सिचुएशन है, 50-50 चांस है कि लायंस जीत सकता है नहीं जीत सकता है, मगर यहाँ फिलिप यायो को विकेट मिले तो कहीं जगह परसेंटेज बढ़ जाएगा इनके। अब ब्रिजॉन की दूसरी गेंद स्ट्राइक पे है फिलिप यायो, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को। 2 रन लिए इस गेंद पर, बढ़िया बल्लेबाजी फिलिप यायो से, स्कोर पहुंचा 11 रन 1 विकेट नुकसान पर 2.2 दो गेंदों के बाद। यहां पर फिलिप यायो को विकेट मिलना बहुत जरूरी है। दिवाकर जी यूपीआई हाईलाइट कीजिए, इंद्रजीत मौर्य भाई कह रहे हैं भाई उम्मीद करता हूँ यूपीआई हाईलाइट कर दो, मैं करूँ कैसे मुझे बताइएगा जरा इंद्रजीत भाई। और मुकेश तिवारी कह रहे हैं हाय भाई बिल्कुल भाई, और 2.2 गेंदे हो चुकी हैं 11 रन 1 विकेट नुकसान पर, सर कौन जीतेगा? मुकेश तिवारी भाई कह रहे हैं भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूं यहां पर लायंस को, उम्मीद कर रहा हूं लायंस इस मुकाबले को जीते। भाई पेशावर की बॉलिंग लेके लगता है सुल्तान जीत जाएगा, मुल्ला सुंदर भाई अच्छी टीम है, मुझे लगता है मुल्ला सुंदर जीत जाएगा इस मुकाबले को। प्राइवेट सेटिंग कह रहे हैं बुक सेट के लिए थोड़ा अच्छे से लायन फेवरेट तो आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच जो है चौथी गेंद है यहां पर, और चौथी गेंद पर आउट कर दिया है फिलिप यायो को, जैसा कि प्राइवेट सिटीजन कह रहे थे जबरदस्त गेंदबाजी, स्टंप आउट हुए यहां पर फिलिप यायो। 2.4 गेंदे हो चुकी है 11 रन 2 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन्स का स्कोर, और बढ़िया कमबैक यहां पर लायंस का। और भाई हमारे पूछ रहे थे प्राइवेट भाई अच्छी फेवरेट लाइए, तो इससे अच्छी फेवरेट और कहां से लाएंगे, जो जो विकेट मांग रहे हैं वो मिल रही है। फिलिप यायो जो है आउट हो गए हैं, 3 गेंदों का सामना किया था, 2 रन बनाए थे और जो है स्टंप आउट हो गए हैं। क्या कमेंट्री है, वाओ मुकेश भाई कह रहे हैं धन्यवाद भाई, आप सबका प्यार है, और अपने जिंदगी करे कौन जीतेगा भाई, लायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। फिलिप यायो बहुत खतरनाक है भाई, इसको आउट करना होगा। प्राइवेट भाई आउट हो गए हैं, टेंशन मत लीजिए, अपना जिंदगी कह रहे हैं भाई, हाँ बिल्कुल भाई बोलिए, और हाँ हंस रहे हैं यहाँ पर आर्यन भाई, और 2 विकेट इसी ओवर में चटका दिए यहाँ पर। विकास निगम भी कह रहे हैं आउट, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर ब्रिजॉन की, और 2.4 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा 11 रन 2 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। जीत कर चाहिए 140 रन 104 गेंदों में, तो कहीं ना कहीं दो अपने इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है वो आउट करती है फिलिप यायो पैटरसन के रूप में। फिलिप यायो को आउट हुआ माय एलियन भाई, धन्यवाद भाई, जबरदस्त आपके सबके कमेंट आते, मजा आता है। प्राण भाई और कितना चाहिए फेवरेट बताइए, और कितना लेके आए, यहाँ तो बुक सेट होती है यार। चलिए फिलिप यायो जो है 2 रन पर आउट हो गए, कोई भी चौका कोई भी छक्का लगाए इसी ओवर में जो है, मात्र 2 रन आए और 2 विकेट चटका दिए हैं ब्रिजॉन ने, तो कम से कम वक्त बदल दिया, जज्बा बदल दिया भाई ब्रिजॉन भाई ने, तो आज लग रहा है कि इस बीच जो है डेविड मिलर, मिलर द किलर भाई साहब यहां पर आ गए हैं, मतलब यूपीआई स्क्रीन पर सही से दिख नहीं रहा है। भाई यूपीआई सही से दिख नहीं रहा भाई, जगह स्पेस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं इसको सेट करने की, अगर मैं इसको यहां भी सेट कर दूंगा तो शायद आपको दिखेगा, दिख जाएगा। चलिए मैंने यहाँ सेट कर दिया आपके लिए, आप सही है, तो चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ। और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं यहाँ स्कोर पे, और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, और 2.5 गेंदे हो चुकी है 11 रन 2 विकेट नुकसान पर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कॉमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी पर। अपील हुई आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद पर अपील हुई है, जोरदार अपील, अंपायर ने कहा नहीं जी नहीं, गेंदबाजी करिए बस। अब आप 3 ओवर के बाद 11 रन 2 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है। जीत कर चाहिए 140 रन 102 गेंदों में। ग्रांट है स्ट्राइक पर, और ग्रांट जो है क्या कर रहे हैं यार ग्रांट, बढ़िया यहां पर डेविड मिलर की यहां पर बल्लेबाजी रही है। ग्रांट आ गए हैं स्ट्राइक पर, चौथे ओवर की पहली गेंद खेलेंगे, तो आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करते रहिए यहां पर। विकेट नेक्स्ट बॉल कह रहे हैं अपना यूपीआई दिखाइए, बिल्कुल भाई दिख गया इंद्रजीत भाई, आप सामने कर दिया है आपके, जो भाई हमें यूपीआई से सपोर्ट करना चाहते हैं तो सामने जो है हमने यूपीआई अपना लगा दिया है, DIVAKR दिवाकर 782@OKSBI मेरा यूपीआई यूजर नेम है, आपके स्क्रीन के बिल्कुल बीच में लगा दिया है मैंने, इसीलिए कि नजरें जाते रहेंगे तो करने का मन भी करेगा।
चलिए लाइक करिए, शौफिक अहमद भाई का विकेट, भाई विकेट अभी दिलाते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए। सैजू जी कह रहे हैं फॉर्चून की आज जाए भाई, बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। इसमें चौथे ओवर की पहली गेंद, ग्रांट को कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, सिबो तो करने हैं गेंदबाजी यहां पर, और 11 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 3.1 गेंद के बाद। बुक सेट कर लिया है भैया प्राइवेट करें, बिल्कुल सही कर लिया है प्राइवेट भाई, अब ज्यादा लालच बुरी भला है। 192 लाइक हो चुके हैं यार, 8 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो 200 के पार हो जाएगा। तो लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। इस बीच जो है अब चौथे ओवर की दूसरी गेंद, स्ट्राइक पे है ग्रांट, गेंदबाजी कर रहे हैं सिबोतो की गेंद थी, हवा में खेला इस गेंद को, देखना होगा। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, वन माउंस फील्डर के पास, बढ़िया शॉट लगाने के कैच, एक और ड्रॉप हो गया है, वाह वाह हमें लगा वन बाउंस है और यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया। तो दो कैच छोड़ चुके हैं अभी तक लायंस के फील्डर, दो विकेट छटका चुके हैं, कहीं ना कहीं अगर कैच सही टाइम पे पकड़ा होगा था तो कहीं ना कहीं दबाव में होते। ग्रांट को नहीं मिला है कोई रन, मगर एक कैच जो है यहाँ छोड़ दिया गया है, तो 11 रन 2 विकेट नुकसान पर 3.2 गेंदों के बाद। इस बीच जो है अब तीसरी गेंद सिबोटो की, स्ट्राइक पे है ग्रांट, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर, देखना होगा। यहाँ पर कोई रन नहीं मिला इस गेंद से, तो अच्छी तीन गेंदे, बढ़िया मजा आया देखकर और मजा आ रहा है इस गेंद को। मैं तो 3 रुपए हार गया भैया, अरे यार शेख कुमार भाई ऐसे कैसे हार गए 3 रुपए, ये भी मत हारिए भैया। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ और एंजॉय करिएगा आप सब लोग और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, बढ़िया अच्छा लग रहा है। और जरा इसको यूपीआई को यार थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर रखा, तो यहाँ लगा देते हैं, चलिए यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं आप सबके लिए तो बढ़िया लगेगा। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ और यहाँ पर स्कोर जो है अब चौथी गेंद का सामना कर रहे हैं ग्रांट और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सिबोतो की ये चौथी गेंद, 3 रन लिए इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट था और 3 रन मिले इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए हैं डेविड मिलर 3.4 गेंदों के बाद। स्कोर जो है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो आप सब लोग जो है लाइक करते रहिए। राइस गेमर कह रहे हैं पीएसएल भाई, पीएसएल नहीं हो पाएगा, पीएसएल में कॉपी राइट है इसलिए राइस भाई पीएसएल नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। और 198 लाइक हो चुके हैं, 2 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है 200 के पार हो जाएगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत जरूरी है। मैच में अभी भी इंटरेस्ट बचा है, तो क्या यहाँ से एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिल जाएगा हमें। चलते हैं जरा मैच की तरफ और मैसेज भी ले रहे हैं आप सबका। मनोज ठाकुर जी कह रहे हैं मैं 30 में 60 जीत गया हूँ भाई, बिल्कुल सही किया मनोज भाई, ऐसी जीत रहे हैं। 2 करोड़ लगाया था, 1-1 करोड़ का बुक सेट कर लिया, बिल्कुल सही किया आपने। मनोज ठाकुर कह रहे हैं 6.45 भाई मुश्किल है। इंद्रजीत मौर्य जी कह रहे हैं DI नहीं सर, गलत है, ये नहीं है, मैं भेज रहा हूँ आपको, मैं लिख रहा हूँ सर DIVAKAR782 मैं भेज रहा हूँ आपको और @KSBI। तो ये है मेरा UPI यूज़र नेम, आपको देख लीजिए, मैं इसको पिन कर देता हूँ जिससे आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो और जो है आप पर देख सकें। इस बीच जो है आखिरी गेंद है सिबोतो की, स्ट्राइक पे है यहाँ पर ग्रांट, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे, थोड़ा रुके हैं यहाँ पर। तो चलते हैं जरा मैच की तरफ। वाइड गेंद थी, सॉरी माफी चाहेंगे, वाइड गेंद दी है अंपायर ने। 16 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर, 3.5 गेंदे हो चुकी हैं यहाँ पर और ग्रांट है स्ट्राइक पर। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए, यूपीआई यूजर नेम जो है मैं लाइक चैट में पिन कर दिया। तो जो भाई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप सब लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ मुकाबले में, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। इस बीच जो है अगली गेंद यहाँ पर स्ट्राइक पे है, सिंगल लिया यहाँ पर ग्रांट ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 17 रन 2 विकेट नुकसान पर 4 ओवरों के बाद, जीत कर चाहिए 140 रन 96 गेंदों में। रन रेट की बात करें तो 8.75 की रिक्वायर्ड रन रेट हो चुकी है यहाँ पर। स्ट्राइक पे होंगे ग्रांट, देखते हैं 5वां ओवर कौन डालेगा। तो पावर प्ले का ये ओवर जो है थोड़ा सा जो है मुश्किलों में रोक रखा है। मेहंदी हसन करें हु विन ब्लू बॉल भाई, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लाइन को, उम्मीद कर रहा हूँ लाइन जो है इस मुकाबले को जीते। मेहंदी हसन भाई बस लाइक कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेहंदी हसन भाई, ऐसे ही जो है वो सपोर्ट करते रहिए। आप सब लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आप सब लोग प्यार करते हैं यार, दिल मत तोड़िए। 2 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो 200 के पार हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जो है 4 ओवर का खेल हो गया समाप्त, बचे हैं 17 रन बने हैं 2 विकेट नुकसान पर। देखते हैं डॉल्फिन जो है यहाँ से किस तरीके से अब मुकाबले को आगे बढ़ाएगा। डॉल्फिन जो है जीत कर चाहिए 140 रन, डेविड मिलर बचे हैं, फिलिक वायो और केगर पैटरसन जो है वो आउट हो चुके हैं। तो अब पैटरसन और आउट होने के बाद फिलिप वायो का आउट होगा, उसमें डेविड मिलर जो है वो मेन प्लेयर रहेंगे। तो जो कंसंट्रेशन होगी लॉयंस के गेंदबाजों की, खासकर डेविड मिलर को आउट करने की और ग्रांट को भी आउट करेंगे, तो दोनों बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने की सोच रही होगी यहाँ पर, कि रन ना बने उससे पहले जो है बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा जाए और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ लॉयंस द्वारा।
तो मैं ले रहा हूँ आप सबके मैसेजेस और लाइव करो भाई। विजय भाई कह रहे हैं, विजय भाई सोनवानी भाई लाइव नहीं दिखा सकता, माफी चाहूंगा आपको। इस बीच जो है पांचवें ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक थे, डेविड मिलर कोई रन नहीं, डेविड मिलर नहीं थे यहाँ पर, ग्रांट ग्रांट को नहीं मिला यहाँ पर कोई रन। 4.1 गेंद के बाद स्कोर है अभी भी 16-17 रन, 2 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। 4 ओवर में 18 बोला था भाई, भाई 18 बोला था तो 4 ओवर में 18 बोला था, किसने बोला था जी? काश निगम भाई, अच्छा अंडर बोला था ना आपने, अंडर बोला होगा शायद इसलिए जो है। और भाई इनके पास कोई अच्छा बैट्समैन है नहीं भाई, बेडेड में सारे बैट्समैन अच्छे ही थे भाई, वो आउट कर दिए दोनों। तो अब देखते हैं डेविड मिलर क्या करते हैं। इस बीच सिंगल लिया है ग्रांट ने और स्ट्राइक में आ गए हैं डेविड मिलर। और ऐसे ही आप सब लोग जो है सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। यहाँ पर जो है हमें 50 रुपये जो है UPI किया है हमारे भाई ने, जरा सा हम जो है उनका नाम बता दें यहाँ पर लोगों को। और इंद्रजीत मौर्य भाई ने जो है हमें 50 रुपये जो है UPI किया है, और धन्यवाद आप सब लोगों का भाई, धन्यवाद भाई इंद्रजीत भाई, आपने जो है 50 रुपये जो है हमें UPI किया है। हरीश कुमार जी कह रहे हैं ग्रांट 50 प्लस मारेगा भाई, उम्मीद करते हैं ग्रांट 50 प्लस मारे। हॉस्पिटल सेटिंग कह रहे हैं डॉल्फिन इंसानों की दोस्त होती है, बचपन में पढ़ा था भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसान की दोस्त होती है पर अभी थोड़ी मुश्किलों में है। तो इंद्रजीत मौर्य भाई धन्यवाद, आपने जो है 50 रुपये जो है हमें UPI किया है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। ऐसे ही जो है इंद्रजीत भाई सपोर्ट करते रहिए आप सब लोग। इस बीच चलते हैं जरा मैच की तरफ। तीसरी गेंद है, यहाँ पर चौका लगा दिया है डेविड मिलर ने, बढ़िया ये चौका उनके बल्ले से, पहला चौका निकाला है उन्होंने अपने बल्ले से। 4 गेंदों में 5 रन बना चुके हैं, 22 रन 2 विकेट नुकसान पर 4.3 गेंदों के बाद 93 गेंदों में, अभी भी 135 रन की जरूरत है यहाँ पर। तो अरविंद चौधरी भाई कह रहे हैं मिलर भी जाएगा दबाव में, बिल्कुल सही कर दिया है इंद्रजीत भाई, कर दिया बिल्कुल भाई। इंद्रजीत भाई धन्यवाद, आपने जो है 50 रुपये UPI किया है, ऐसे ही जो है इंद्रजीत भाई सपोर्ट करते रहिए। आप सब लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा UPI यूजर नेम है DIVAKAR दिवाकर 782@OKSBI, मेरा UPI यूजर नेम है और मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा, मैं हूँ दिल्ली से। 93 गेंदों में अभी भी 135 रन की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8.71 की है, 22 रन 2 विकेट नुकसान पर 4.3 गेंदों के बाद। देखते हैं अब चौथी गेंद जो है किस तरीके से खेलते हैं यहाँ पर यूसुफ की ये गेंद, चौथी ये गेंद, चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया है डेविड मिलर ने। डेविड मिलर ने साफ जो है शब्दों में बता दिया है कि वो जो है वो खुल के खेलेंगे यहाँ पर, और बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर डेविड मिलर से। और 26 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर 4.4 गेंदों के बाद। डेविड मिलर 2 चौके लगा चुके हैं, 9 रन बना चुके हैं। तो देखते हैं अब यहाँ पर मिलर को आउट करवाइए भैया, इंद्रजीत मौर्य का भाई करवाना तो पड़ेगा मिलर को आउट, बिना मिलर के आउट करे तो काम नहीं बनेगा। अगर मिलर आउट होंगे तो कहीं ना कहीं लॉयंस जो है इस मैच में कब्जा पा लेगी, और अभी पावर प्ले में आउट हो जाए तो और भी अच्छी बात है शायद लॉयंस के लिए, क्योंकि मिलर अगर टिक गए तो लंबी पारी खेल सकते हैं डेविड मिलर यहाँ पर। अब चलते हैं जरा पांचवी गेंद की तरफ, यहाँ पर यूसुफ करेंगे पांचवी गेंद, स्ट्राइक पे होंगे डेविड मिलर। तो कर दीजिए भाई यूसुफ भाई मिलर को आउट, काफी लोग जो है यहाँ पर वेट कर रहे हैं कब जो है आप आउट करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं जरा मैच की तरफ, पांचवी गेंद यहाँ पर डेविड मिलर को, यूसुफ की अपील हुई है, जोरदार अपील, देखना होगा अंपायर क्या करते हैं, विकेट चला गया यहाँ पर, डेविड मिलर जो है वो आउट हो गए यहाँ पर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.5 गेंदों के बाद। डेविड मिलर बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े प्लेयर, और आउट कर दिया है यहाँ पर यूसुफ को, मिल गई उनकी पहली सफलता, जबरदस्त गेंदबाजी लॉयंस द्वारा, 4.5 गेंदों में ही 26 रन पर 3 आउट, कॉटन बोल्ड किया यहाँ पर यूसुफ ने, अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी यूसुफ द्वारा। डेविड मिलर जो है 9 रन बनाकर आउट हुए, 6 गेंदों में 9 रन बनाए, 2 चौके लगाए थे और डॉल्फिन को लग गया है तीसरा झटका। 91 गेंदों में 131 रन की जरूरत है, तो लाइट ठोक दीजिएगा यार, आउट से बोगर मिलर भाई आउट हो गया, टेंशन मत ले मिलर विकेट प्लीज। हरीश कुमार जी मिलर आउट हो गए हैं, 3 विकेट विकास निगम जी कह रहे हैं, बढ़िया सही कह रहे हैं आपको, यहां पर विकेट चाहिए था, मिलर को आउट करो इंद्रजीत मौर्य ने मांगा था, और देखिए इंद्रजीत मौर्य भाई तुमने मांगा और हमने दिया, विकेट आ गई है यहां पर डेविड मिलर की। तो अब जो है देखना होगा अब जो है यहां से कौन बनाएगा रन, क्योंकि अब जो है कब्जा पा लिया है लॉयंस के गेंदबाजों ने, कहीं ना कहीं 3 बड़े नाम क्रिकेट पेटरसन, फिलिक वायो और डेविड मिलर, तीनों को जो है पवेलियन भेज दिया गया है। तो क्या अब यहां से नीचे बल्ले वाले बल्लेबाजों के अंदर कैपेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं जो है इस मुकाबले को आगे लेके चले, क्योंकि मुझे किसी भाई ने कहा था वहां पे जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो मैंने कहा सर बड़े बड़े खिलाड़ियों से काम नहीं चलता, आपको फॉर्म में होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉयंस के गेंदबाज जो है फॉर्म में दिखे थे, काया जोंडो आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, देंगे ग्रांट का साथ। तो भैया टीम मत देखिए, फॉर्म देखिए कि फॉर्म में कौन है और फॉर्म में कौन चल रहा है मुकाबले में, और कहीं ना कहीं लॉयंस के गेंदबाज जो है वो हावी होते जा रहे हैं यहाँ पर डॉल्फिन के बल्लेबाजों के ऊपर। तो हर्ष कुमार भाई मिलर को भाई आउट करा दिया भैया, थैंक यू तो बोल दीजिए यार सब 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 लोग। शौफिक अहमद कह रहे हैं आउट आउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। और इंद्रजीत कह रहे हैं 50 रुपए और भेजना होगा,
6 ओवर में 3 हो गए भैया। हाँ भैया, किसी भाई ने हमें कहा था यार, कोई किसी भाई ने कहा था हमें कि हमें जो 3 करवा दीजिए, 100 रुपए आपको सुपर चैट करूंगा, तो भाई 100 रुपए यूपीआई कर दीजिए क्या। चलिए, चौका लगाया था यहाँ पर जोंडो ने, बढ़िया ये शॉट आते ही चौका लगाया यहाँ पर 5 ओवर के बाद 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर यूसुफ के द्वारा, इस ओवर में चौके तो खाए हैं मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट डेविड मिलर के रूप में यूसुफ को मिला है। 1 ओवर के बाद 13 रन 1 विकेट, माफ़ एक ओवर उन्होंने किया है, 13 रन दिए, सफलता अर्जित करी है, बहुत अहम सफलता है। शायद रन मैटर नहीं करेंगे, कम से कम उनकी विकेट बहुत ज्यादा मैटर करेगी यहाँ पर। ग्रांट अभी भी क्रीज पे मौजूद है, 10 गेंदे खेल चुके हैं, एक ही चौका लगाया है और 10 रन बनाए हैं, तो अब देखते हैं 127 रन चाहिए जीत के लिए 90 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 8.47 की हो चुकी है यहाँ पर। ग्रांट प्लीज 50 प्लस मारेगा, हरीश कुमार भाई ग्रांट को टिका दीजिए, बाकी सबको आउट कर दूंगा मैं। गेमिंग ब्रो कह रहे हैं लायंस हारेगा, भाई उम्मीद करते हैं लायंस हारे, क्योंकि लायंस ने अपना काम कर दिया है, लायंस ने जो है अपना काम कर दिया। अगर कोई अब मुझे बोला कि मेरा लॉस हो गया, लायंस हार गया, ये तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि लायंस जो है बिल्कुल कब्जा पा चुकी है इस मुकाबले में, 36-37 चल रहा है। तो भैया अपना अपना लॉस कट करके, बुक सेट करके सो जाइए, आराम करिए, एंजॉय करिए, कमेंट्री एंजॉय करिए, कमेंट करिए, मजा आइए, बताइए मजा आया कि नहीं इस मुकाबले में। जैसा कि मैंने कहा था, इस मुकाबले में मजा आएगा जरूर। तो अब जो है यहाँ पर जीत के लिए चाहिए 89 बॉल्स में 127 रन। बिल्कुल घटिया लीग है क्या भाई? अनुराग यादव भाई कहाँ से, कहाँ हो अनुराग भाई, आप कहाँ हो? हमसे हमारे साथ मिलते, हमने क्या कहा था, लॉयंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करें जीते, वहां से लॉयंस जो है फेवरेट आ गया, आप कहाँ अनुराग भाई, लेट जुड़े हो आप यार। अमित राजू कह रहे हैं जोंडो को आउट होगा तो खत्म हो गेम भाई। भाई उम्मीद करते जोंडो को भी करा देते हैं अमित राजू भाई, अगर कहें तो जोंडो को भी करा देंगे। 5.2 गेंदे हो चुकी है, 30 रन 3 विकेट नुकसान पर, और सिबो तो कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजी, 1.2 गेंदे उन्होंने की हैं, 6 रन दिए हैं, कोई सफलता अर्जित नहीं करी है। इस बीच जो है तीसरी गेंद स्ट्राइक पे है ग्रांट, तो ग्रांट देखना है किस तरह से गेंदबाजी खेलेंगे यहाँ पर, क्योंकि 7 के 3 बल्लेबाज जो है उन्होंने देखे हैं आउट होते हुए, क्रिकेट पैटरसन, फिलिक वायो और डेविड मिलर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है इस मुकाबले में। इस बीच जो है अब यहाँ पर जो है 5.2 गेंदे हो चुकी हैं, तो देखते हैं भाई सिबो तो क्या एक और विकेट चटकाएंगे। पावर प्ले में अगर एक और विकेट मिल गया तो मजा आ जाएगा। लाइन में 100% पिन कर दो भैया, लेट हो भैया अपना अपना जिंदगी भाई। शुरू में कहा होता तो शायद मैं तब भी आपकी पिन करने के लिए बोल देता, लाइन में लाइन तो हम सपोर्ट कर रहे थे भैया। तो इस बीच जो है तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर सिबोतो को, और अगर यहाँ से कह दो अगर कि डॉल्फिन जी जाए तो मैं पिन कर दूंगा। और युद्ध प्रताप सिंह जी कह रहे हैं अपनी अपनी भाषा से बोल अपनी भाषा से बोल तो लॉयन ने पेल दिया है। नहीं पेल नहीं दिया है, मतलब सही कहें तो कहीं काफी अच्छा वहां से कम बैक किया है, मैं ये मान सकता हूँ। ऐसा नहीं है डॉल्फिन जीत नहीं सकती इस मुकाबले को, मगर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी थी कि लॉयंस जो है बहुत नीचे लगी हुई थी, उसके बाद जो है वो फेवरेट आई है, तो कहीं ना कहीं लॉयंस की इज्जत बढ़ गई कि गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है यहाँ पर। उधर आप जी कह रहे हैं बिल्कुल हंस रहे हैं, और निकास सिंह कह रहे हैं जोंडो बहुत खतरनाक है भाई, बिल्कुल जोंडो है ही खतरनाक भाई, बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त करते हैं। मेहंदी हसन कह रहे हैं फर्स्ट बैट विन प्लीज भाई, फर्स्ट बैट विन करेंगे, टेंशन मत लीजिए मेहंदी हसन भाई, उसी को जिता रहे हैं, लॉयन को जिता रहे हैं भैया। और 192 लोग देख रहे हैं, 209 लाइक हो चुके हैं, धन्यवाद आप सब लोगों का यार, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। चौथी गेंद पर यहाँ सिंगल लिया था ग्रांट ने, स्ट्राइक दिया है जोंडो को, तो क्या जोंडो एक और चौका लगा देंगे इस ओवर में, देखना होगा क्योंकि आते ही पहली गेंद पर चौका लगाया था। और यहाँ पर 5.4 गेंदों के बाद 31 रन 3 विकेट नुकसान पर, रंजन भाई कह रहे हैं कौन जीतेगा ये बताओ भाई, मैं तो लॉयंस को सपोर्ट कर रहा था, यहाँ तो बुक सेट हो गई है, हम तो यहाँ सपोर्ट कर रहे थे भाई लॉयंस को, और लॉयंस हमने काम कर दिया। सिबो तो बेस्ट बॉलर है भाई, सही कह रहे हैं रंजन भाई, कह रहे कौन जीतेगा ये बताओ भाई, मैं यहाँ तो प्रेडिक्शन करके बैठा हुआ था पहली इनिंग से ही, कह रहा था मैं जो है लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, लॉयंस ने अपना काम कर दिया है, तो लॉयंस जो है अपना काम कर चुकी है यहाँ पर। उदय प्रताप जी कह रहे हैं लॉयन का भैया, लॉयंस जीतेगा भाई, टेंशन मत लीजिए, उम्मीद करते लॉयंस जीतेगा, अगर एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल जाए तो काफी मजा आएगा। रंजन में बता दो दिया लॉयंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉयंस जिता रहे हैं यार, आप कहो तो डॉल्फिन जिता देते हैं। इस बीच है अब यहाँ पर आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं, 6 ओवर के बाद स्कोर अभी भी 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो पावर प्ले हो गया समाप्त। अब देखना होगा यहाँ से जो है अब आखिरी कुछ ओवरों में, आप 14 ओवरों में कितने रन यहाँ से बना पाएगी, क्योंकि 84 गेंदों में अभी भी 126 रन की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट आपका 9 का पहुंच चुका है, तो 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन बनाने हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं जोंडो को आगे तक खेलना होगा यहाँ पर। और शरण जी कह रहे हैं भाई लॉयंस विन है, पक्का है भाई, बिल्कुल भाई लॉयंस की उम्मीद करते हैं, लॉयंस जीते इस मुकाबले को। ओवर हो गया है समाप्त, तो मैं लूंगा छोटा सा ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए यार, जोश में आ गए हैं, 2 विकेट लिया है, गर्मी से लग गई, थोड़ा पंखा चला लें, तो 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, जुड़ता हूं 2 मिनट के ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में, क्रिकेट लाइव हिंदी पर।
तो आगे हैं ब्रेक के बाद। और पिछला ओवर खासा महंगा रहा, 15 रन बटोरे उसमें ग्रांट ने। ग्रांट जो है 21 गेंद में 30 रन बना चुके हैं और दो चौके दो छक्के लगा चुके हैं। सिसांदा मंगला जो है वो गेंदबाजी करने आए हैं। 8.1 गेंद के बाद स्कोर जो है 55 रन 3 विकेट नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 8.62 की हो चुकी है। 71 गेंद में 102 रन की जरूरत है। और यहाँ पर जो है लायंस जो है एक और विकेट ढूंढ रहा है ग्रांट की। अगर ग्रांट और जोंडो दोनों की विकेट की जरूरत है लेने के लिए, तो उम्मीद करते हैं एक विकेट यहां छटकाई जाए और दबाव में डाला जाए यहां पर डॉल्फिन की टीम को। तो आप चलते हैं जरा मैसेजेस की तरफ। मैसेजेस काफी ज्यादा आ चुके हैं, तो अपने अपने मैसेजेस जो है वो भेजना शुरू कर दीजिए आप सब लोग। और शंकर और देवजी की रंजन डॉल फेवरेट आएगी भाई, हो सकता है भाई आए, क्योंकि लॉयंस ने अपना काम कर दिया है। एक्चुअल में लॉयंस जो है वहाँ यहाँ से जो है अच्छी पोजीशन पे थी। अब यहाँ से हार जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेम जो है बड़ा जबरदस्त चल रहा है यहाँ पर। इस बीच जो है दूसरी गेंद मंगला की, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। इसको अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है ग्रांट और स्कोर अभी भी 55 रन 8 विकेट नुकसान पर, और 3 विकेट नुकसान पर 8.2 गेंदों के बाद। तो लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में, लॉयंस वर्सेज डॉल्फिन का ये मुकाबला। लॉयंस ने टॉस जीता था पहले, यहाँ पर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और 156 रन बनाए थे बोर्ड पर। और यहां पर जो है अब तीसरी गेंद मंगला की, यहां पर चौका लगा दिया ग्रांट ने, जबरदस्त ये शॉट। 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं, 34 रन बना चुके हैं 23 गेंदों में। जबरदस्त कर रहे हैं बल्लेबाजी, 69 बॉल में 98 रन की जरूरत है। 8.3 गेंदों के बाद 59 रन 3 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रांट, और एक अच्छी पारी खेलते हुए अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है डॉल्फिन जो है इस मुकाबले में लॉयंस से फिर जो है आगे निकल जाएगी यहां पर। तो अब अंगला जो है यहां ढूंढ रहे हैं एक विकेट, और मैनेजर कह रहे हैं विकेट प्लीज भाई, उम्मीद करते हैं विकेट मिले। और उदयप्रताप कह रहे हैं काया जोंडो के विकेट मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट भाई काया जोंडो को। भाई जोंडो के साथ साथ अब यहां जो है अटैक कर रहे हैं यहां पर आपका ग्रांट, तो ग्रांट और जोंडो दोनों का विकेट चाहिए होगा तभी जो है दबाव बन पाएगा। क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड रन रेट 8.52 का है, कोई 10 का रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है कि बल्लेबाज जो है चांस लें। अगर एक ओवर भी 10-15 रन का निकलता है तो रन रेट एकदम से ही कम हो जाएगी। तो यहां जो है विकेट ग्रांट का, उसके बाद जोंडो का विकेट दोनों ही अहम रहेगा। इस बीच चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, स्कोर अभी भी 59 रन 3 विकेट नुकसान पर। उम्मीद करते हैं एक विकेट चटकाएं यहां पर मंगला और दबाव में डाले यहां पर डॉल्फिन की टीम को। 98 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए, तो 98 रन कम नहीं होते हैं। और यहां पर 68 बॉल्स है, मगर कहीं ना कहीं अब रिक्वायर्ड रन रेट पर भी नजर रखनी होगी किस तरीके से जो है वो कम करी जा रही है यहां पर डॉल्फिन के बल्लेबाजों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं विकेट ढूंढ रहा है लॉयंस, क्योंकि लॉयंस जो है इस मुकाबले में विकेट लेकर ही जीत सकता है। अगर वो ओवर्स निकालने चले गए तो एक भी बड़ा ओवर गया तो दबाव फिर से जो है लॉयंस के ऊपर होगा यहां पर। तो इस बीच मंगला की अगली गेंद स्ट्राइक पे है ग्रांट, ग्रांट में कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। तो अच्छी गेंदबाजी मंगला द्वारा, सिर्फ इस ओवर में 5 रन दिए हैं, 5 गेंदें की हैं। तो आखिरी गेंद जो है अच्छा फिनिश करना चाहेंगे इस ओवर में। रिक्वायर्ड रन रेट 8.78 का हो चुका है यहां पर, 59 रन 3 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है 8.5 गेंदों के बाद। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पर देखना होगा किस तरीके से करते हैं यहां पर सिसांदा मंगला ग्रांट को। तो आप सब लोग जो है डॉल्फिन विन कह रहे हैं भैया, उम्मीद करते हैं हरीश कुमार कह रहे हैं ग्रांट 70+ मारेगा। भाई उम्मीद करते हैं 70+ मार दें, क्योंकि लॉयंस ने तो अपना काम कर दिया है यहां पर। अब देखते हैं ग्रांट जो है वो अपना काम करेंगे कि नहीं। अभी जो है यहां पर जीत के लिए 98 रन चाहिए 67 बॉल्स में। तो अभी भी 11 ओवर तो बचे हुए हैं, 11.1 गेंद बची हुई है। तो देखते हैं आखिरी गेंद किस तरीके से खेलेंगे। अभी भी लॉयंस जो है पकड़ में है मैच, अगर विकेट चटका देगी तब जाके जो है इस मैच में वापस आ पाएगी ग्रांट को। ये गेंद, अगली गेंद, विकेट मिल गया है यहाँ पर, एक और विकेट गिर गया है यहाँ पर डॉल्फिन का। 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर डॉल्फिन का स्कोर है। और 9 ओवरों के बाद यहाँ पर ग्रांट जो है आउट हो गए हैं, यहाँ पर कैच आउट ग्रांट। और 34 रन बनाए थे 26 गेंदों में, 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे, अच्छी कर रहे थे बल्लेबाजी, मगर सिसांदा मंगला ने उनको कर दिया है आउट। सिसांदा मंगला ने 2 ओवर किए हैं, 12 रन दिए, एक सफलता अर्जित करिए, बल्लेबाजी भी अच्छी करिए। सिसांदा मंगला ने उसका गेंदबाजी भी बड़ी जबरदस्त करिए, इकॉनमी उनका 6 का रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट, यहां विकेट चाहिए था लॉयंस को, और उसी टाइम जो है विकेट चटका दिया है सिसांदा मंगला ने। तो लग गया है डॉल्फिन को चौथा झटका, 59 रन 4 विकेट नुकसान पर। और क्या करते हैं आप सब लोग, कौन जीतेगा इस मुकाबले को? नेक्स्ट बॉलिंग बिजॉन, बिल्कुल भाई अभी तो जरूरत नहीं है बिजॉन की, शायद मेरे हिसाब से मंगला ने ही काम कर दिया है। लॉयंस हर ओवर में 3 विकेट खोया है, इसलिए 10-15 रन कम पड़ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, हर ओवर में जो है आपसे लगा के चलिए कि भाई लगातार विकेट खोता गया यहां पर, तो इससे जो रन कम बने, मगर इतने रन भी कम नहीं बने कि आप रोक ना सके। कमाल इस्लाम भाई कह रहे हैं बिल्कुल आउट, बिल्कुल सर जी आउट कर दिया है यहां पर, टेंशन मत लीजिए, विकेट चला गया है यहां पर ग्रांट का। स्ट्राइक पे है अभी भी अब काया जोंडो, देखते हैं दसवां ओवर कौन डालेगा, मगर देखना होगा नए बल्लेबाज भी साथ में कौन आएंगे।
तो आप जो है अब नए बल्लेबाज देखना होगा कौन आता है नए बल्लेबाज आए हैं जैसन स्मिथ। जैसन स्मिथ की गेंदबाजी उतनी खास नहीं रही थी, मगर आज देखते हैं बल्लेबाजी कैसे तरीके से करते हैं। छठे नंबर पे आए हैं जैसन स्मिथ और जीत के लिए अभी भी चाहिए 66 बॉल्स में 98 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8.91 का है। तो आप सब लोग जो है फटाफट जाइए, लाइन रन कह रहे हैं मंगला मंगला जो है आज बंगला खड़ा करा देंगे सबका। सर ये जो विकेट की बात करते हैं, विकेट जा रहा है, व्हाट अ कोइंसिडेंस भाई, वही तो बात है, विकेट की बात कर रहे हैं, विकेट जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे सुन रहे हैं ऊपर वाले, तो सुनने दीजिए। और शायद भाई भाई ने कहा था महादेव अपनी महादेव की मन की बात कह रहे थे शायद, वो तो हो सकता है भाई, हमारी मन की बात तो हम जानते हैं, हम विकेट चाहते थे शायद मिल गया है हमें, अब महादेव के मन में क्या है वो हम नहीं जान पाएंगे। यहाँ पर उदय प्रताप जी कह रहे हैं गुस्किया ग्रांट उदय प्रताप कह रहे हैं अगर सरल भाषा में कहा जाए, हमारी लैंग्वेज में कहा जाए, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहा जाए तो घुस गया ग्रांट सही कह रहे हैं आप। इस बीच जो है दस ओवर की पहली की दूसरी गेंद है, यहाँ पर जे स्मिथ है स्ट्राइक पर, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए जोंडो। अब जो है जोंडो का मेन विकेट है, अगर अगर यहां से मैच को पूरी तरीके से खत्म करना है तो, अगर लायन को इस मुकाबले को जीतना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जोंडो को आउट करना बहुत जरूरी होगा। अगर जोंडो नहीं आउट हुए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो जाएगी लायंस के लिए, और लायंस ये बात समझती है कहीं ना कहीं जोंडो को जो है यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा और आउट करना पड़ेगा। इस बीच जो है तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं, तो जो है यहाँ पर शेन डेड्सवेल ने बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त की थी, उसके बाद गेंदबाजी करने आए हैं और अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन पे गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं, 96 रन चाहिए 63 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ 9.14 का हो चुका है। तो अब जो है अगर जोंडो को आउट नहीं करे कम से कम रिक्वायर्ड रन रेट को जो है बढ़ाया जाए। प्रशांत कुमार जी कह रहे हैं इंडिया से, बिल्कुल लव फ्रॉम इंडिया प्रशांत कुमार, लव फ्रॉम दिल्ली इंडिया, मैं भी इंडिया से हूँ, टेंशन मत लीजिए, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा और मैं दिल्ली से हूँ। इस बीच जो है चौथी गेंद यहाँ पर जोंडो को डॉट्सवेल की शॉट लगाया इस गेंद पर, 2 रन मिले हैं यहाँ पर, बाकी 2 रन पूरे किए जोंडो ने यहाँ पर 9.4 गेंदों के बाद। स्कोर अभी 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। एक टाइम पे लग रहा था शायद आसानी से इस मुकाबले को डॉल्फिन जो है जीत जाएगा, मगर उसके बाद गजब की गेंदबाजी जो है दिखाई है डॉल्फिन के लॉयंस के गेंदबाजों ने, बड़ी ही काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्योंकि स्कोर बहुत कम था अगर मान जाए 164 रन T20 के अंदर ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होता है, मगर उसके बाद भी एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली हमें। इस बीच जो है 156 रन बनाए थे सिर्फ, और लॉयंस ने 157 रन का टारगेट दिया। 157 रन ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होता T20 के अंदर में, कहीं 180-170 नहीं मारते जिससे दबाव बने, मगर कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने जो है यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करी और अपनी टीम को इस सिचुएशन में लेके आए हैं। 5वीं गेंद पर सिंगल लिया जोंडो ने, स्ट्राइक पर पहुंचा जैसन स्मिथ, स्कोर पहुंचा 64 रन 4 विकेट नुकसान पर 9.5 गेंदों के बाद। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि लाइव हिंदी कॉमेंट्री जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन है। यहाँ पर जैसन स्मिथ में आखिरी गेंद पर लिया है, सिंगल स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। जैसन स्मिथ जो है वो 2 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं। 10 ओवर के बाद 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर 60 गेंदों में 92 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 9.20 का हो चुका है। यहाँ पर अपने अपने कमेंट जो है वो भेजते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबले में बड़ा मजा आ रहा है। जरा सा एक बार बात कर लें, जरा वहां पर हम एक और मैच चल रहा है साथ साथ में, तो वो उसका स्कोर भी आपको अपडेट देते रहे यहाँ पर। और डॉल्फिन विन दिस मैच, मोहम्मद शाकिब भाई कह रहे हैं भाई मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ कि नामुमकिन है, नहीं जीतेगी अभी भी भाई, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल भाई कुछ भी हो सकता है, मुकाबला है, क्रिकेट है, क्रिकेट को अनप्रेडिक्टेबल गेम कहते हैं। यहाँ पर जो है अब चलते हैं मुल्तान सुल्तान के स्कोर की तरफ। 6.4 गेंदे हो चुकी हैं, 58 रन बिना किसी नुकसान के। रिजवान और मकसूद बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर मकसूद की बात करें 27 गेंदों में 42 रन बना चुके हैं यहाँ पर मकसूद। तो अब जो है चलते हैं, जरा 59 रन बन चुके हैं यहाँ पर मुल्तान सुल्तान का स्कोर 6.5 गेंदों के बाद। अब चलते हैं अपने मैच की तरफ, वहां पर जो है स्कोर 65 रन 4 विकेट नुकसान पर 10 ओवर के बाद। देखते हैं अगले 10 ओवर में किस तरीके से बल्लेबाजी होगी जोंडो के द्वारा, भाई कौन जीतेगा। शकील इस्लाम भाई कह रहे हैं भाई पहले पूछते बता देता मैं तो, अभी सपोर्ट तो मैं कर रहा हूं यहां पर लॉयंस को। मैंने एक भाई को कहा भी था शायद लॉयंस और शायद मुल्तान वहां जीतेगी या लॉयंस जीतेगी, उम्मीद करते हैं लॉयंस जो है इस मुकाबले को जीते। इस बीच जो है दूसरी गेंद 11वें ओवर की, बिजवान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पे जैसन स्मिथ है, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्कोर पहुंचा 66 रन 4 विकेट नुकसान पर 10.2 गेंदों के बाद। 58 गेंदों में 91 रन की जरूरत है, आखिरी होप कहें या फिर भरोसा कहें अगर डॉल्फिन का, तो खासकर काया जोंडो के ऊपर रहेगा। और जोंडो जो है 13 गेंद में 13 रन बना चुके हैं, पहली गेंद पे आधी चौका लगाया था, उसके बाद जो है थोड़ा सा स्लो हुए हैं, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। पार्टनरशिप बनाने की कोशिश, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे पहुंचे जैसन स्मिथ।
तो 67 रन लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 10.4 गेंदे हो चुकी हैं यहां पर। आप सब लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बॉजॉन 4 विकेट लेगा। कमाल इस्लाम कह रहे हैं 10 बॉलों पे आउट होगा भैया, उम्मीद करते हैं भैया आउट हो जाए। अभी तो अच्छा चल रहा है मुकाबला और लग नहीं रहा था लॉयंस इस मुकाबले को जीत पाएगा, और मगर वहां से जो है कमबैक किया है। काफी लोग जो है पीएसएल भी देख रहे होंगे, और हमारे साथ कुछ लोग जो है अभी सीएसए T20 चैलेंजर्स 2022 में जुड़े हैं हमारे साथ, और उन सबका सभी का स्वागत करूंगा। एक बढ़िया मुकाबला चल रहा है, क्या यहां से जोंडो जो है अपनी टीम को ऊपर लेके जाएंगे, क्या इस मैच को जिता पाएंगे, देखना होगा। यहां पर काया को काया लायन काया को खा ले जाएगा लायन भाई। उधर बताओ कर रहे हैं लायन पकड़ रो भाई पकड़ ब्रो, लॉयन ने पकड़ा हुआ है मैच को कहीं ना कहीं। अगर गेंदबाजी जब से करने आए हैं कहीं ना कहीं दबाव बना के रखा था डॉल्फिन के ऊपर, दबाव को कम करना चाहते थे। ग्रांट को भी आउट किया, मिलर को भी आउट किया, पैटरसन को भी आउट किया, और फिलिप आयो को भी आउट किया है इन्होंने। डॉल्फिन विन दिस मैच, मोहम्मद शाकिब भाई कह रहे हैं उम्मीद करते हैं भाई इस मुकाबले को जीते यहां पर। और 68 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर 10.5 गेंदों के बाद। देखते हैं आखिरी गेंद 11वें ओवर की ब्रिजॉन की किस तरीके से खेलते हैं जोंडो। जोंडो बहुत अहम रहेंगे इस रन चेज में, तो देखते हैं जोंडो जो है क्या है रन चेज में आगे अपनी टीम को ले जा पाएंगे। इस बीच जो है अब यहां पर आखिरी गेंद 11वें ओवर की, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। 11 ओवर के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। 54 गेंदों में 89 रन की जरूरत है। कमल इस्लाम कह रहे हैं कि भैया लायंस 100%, बिल्कुल भाई 100% था नहीं, मगर अभी 100% कहना सही नहीं होगा, 80% चांस कहेंगे कि 80% चांस है लायंस इस मुकाबले को जीत पाएगा। और देखते हैं, पहले एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद 70% चांसेस हैं कि शायद डॉल्फिन इस मुकाबले जीत जाएगा, मगर अब जो है परसेंटेज कम हो गया है। और डॉल्फिन भी लाइक पानी में डॉल्फिन भाई कह रहे कि प्रेसिडेंट भाई कह रहे कि डॉल्फिन बी लाइक पानी में मिल मुझे तू, मैं पानी बताऊंगा तेरे को, अभी तो तू जमीन पे लड़ रहा है इसलिए शेर है तो जीत जाएगा मुझसे। तो आप जो है धन्यवाद आप सब लोगों को, 220 लाइक हो चुके हैं, लाइक में आप सब कोई कथाई नहीं बरतते, अच्छा लगता है देखकर। और जो लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज एक बार स्क्रीन को सीधा करके लाइक कर दीजिएगा, कहीं भूल गए हो मैसेज करते हुए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा आप सब लोग। 11 ओवर के बाद 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर, इस बीच 12वें ओवर की पहली गेंद एक रन लिया यहां पर स्मिथ ने, और स्ट्राइक पे पहुंचे हैं जोंडो। तो जोंडो पे काफी निर्भर रहेगी टीम भाई, काफी व्यूअर्स भी कह रहे हैं जोंडो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, तो देखते हैं जोंडो जो है इस मुकाबले को क्या एक रोमांचक मुकाबला बना पाएंगे, आखिरी ओवर तक ले जा पाएंगे। गेंदबाजी करना है शेन डेड्सवेल की बल्लेबाजी बड़ी जबरदस्त रही है, खुल के बल्लेबाजी करिए, क्या गेंदबाजी जो है वो खुल के कर पाएंगे यहां पर, क्या जोंडो का विकेट झटका पाएंगे ये देखना होगा यहां पर। 53 गेंद में 88 रन की जरूरत है। इस बीच जो है यहां पर दूसरी गेंद शेन की स्ट्राइक पे है जोंडो, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पहुंचे जैसन स्मिथ, तो कहीं ना कहीं जोंडो जो है इस पारी को आगे लेके चल रहे हैं और लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी 5 ओवर तक इस गेम को ले जाया जाए, तब वहां से जो है स्ट्रोक्स खेले जाए। कहीं ना कहीं अच्छी सोच है कि महेंद्र सिंह धोनी और काफी टीमें यही करती हैं कि गेम को 5 ओवर लास्ट के 5 ओवर तक ढकेला जाता है, कि रिक्वायर्ड रन रेट अगर 11 या 12 का रहा तो वहां एक ओवर में 15 से 20 रन बनाकर रन रेट को कम किया जा सकता है। तो शायद वही सोच जो है जोंडो के दिमाग में घूम रही है कि यहां से पार्टनरशिप करके आखिरी 15 ओवर तक गेम ले जाए, आखिरी 5 ओवर तक गेम ले जाया जाए। जोंडो के तीसरी गेंद पर सिंगल मिला है शेन की, यहां पर स्ट्राइक पे आ गया फिर काया जोंडो, 71 रन 4 विकेट नुकसान पर 11.3 गेंदों के बाद। यहां पर जो है मोहम्मद शाकिब कह रहे हैं डॉल्फिन विन, अल्टीमेट बिंडॉन भाई कह रहे हैं डॉल्फिन विन करेगा, हिमांशु भाई सिंह जी कह रहे हैं डॉल्फिन विन, डॉल्फिन जीतेगा भाई उम्मीद करते हैं। ग्रांट 90+ बना के गया है भाई, उदय प्रताप जी कह रहे हैं हां 70% तो किसी ने मुझे कहा था, 70+ मुझे कहा था किसी ने, 1000% कच्चा बादाम बादाम। चलिए भाई मोहम्मद हमजा भाई कह रहे हैं नेक्स्ट प्लेयर अच्छा है भाई, अभी पता नहीं, इस बीच जो है 9 बॉल डाल दिए भाई यहां पर, जो है 9 बॉल करी थी यहां पर चौथी गेंद, और जो है एम्पायर ने इसे नोबल करार दे दिया है। अब जो है अगली गेंद फ्री हिट होगी, स्ट्राइक पे होंगे जोंडो, तो क्या एक बड़ा शॉट लगाएंगे इस फ्री हिट की गेंद पर। चौथी गेंद हवा में खेला इस गेंद को, कितने रन मिलेंगे इस गेंद पर देखना होगा। यहां पर 2 रन मिले यहां पर जोंडो को, स्कोर पहुंचा 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11.4 गेंदों के बाद। 50 गेंदों में 83 रन की जरूरत है अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए डॉल्फिन का, तो डॉल्फिन जो है बड़ा जबरदस्त यहां पर कमबैक करने की सोच रही है, क्योंकि विकेटें बहुत खो दी, बड़े बड़े नाम थे यहां पर, क्रेगन पैटरसन, डेविड मिलर, रफिली क्यूआयो, टीम में कोई बड़ा खिलाड़ी जो कहेंगे अगर डॉल्फिन की टीम में अगर कोई बड़ा खिलाड़ी था वो रिजा हेंड्रिक्स थे, और उसके बाद भी टीम का इतना अच्छा
परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ है इनको कि यंगस्टर पे आप भरोसा करिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। डेविड मिलर फिलिप को आयो और कैगी पीटरसन को किस तरीके से आसानी से आउट कर दिया इन्होंने और बता दिया कि भैया यंगस्टर में जो है वो बहुत क्षमता होती है, बड़ी बड़ी टीम जो है वो खिलाड़ियों से बनती है, बड़े नामों से नहीं बनती है। और मोहम्मद रिजवान कुरानी भाई कह रहे हैं डॉल्फिन 100% भाई, उम्मीद करते हैं। साकिब इस्लाम कह रहे हैं दो रन लिए हैं भाई, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। 200 लोग देख रहे हैं, 223 लाइक है, 27 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है 250 के पार हो जाएगा। यहां पर 49 से गेंद में 82 रन की जरूरत है। जोंडो का विकेट सुमितोस निकालेगा भाई, उम्मीद करते हैं, मतलब लगता है वो निकालेंगे यार। इस बीच हवा में खेल आया यहां पर स्मिथ ने, एक रन मिला इस गेंद पर, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास स्मिथ। 12 ओवर के बाद 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है। स्ट्राइक पर होंगे जे स्मिथ। स्मिथ जो है अभी 8 गेंद में 6 रन बना चुके हैं, कोई भी चौका कोई भी छक्का नहीं लगाया उन्होंने। 48 गेंदों में 81 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रखिएगा 10 की हो चुकी है, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब यहां से रन बनाना है डॉल्फिन को इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। उदय प्रताप जी कह रहे हैं जोंडो का विकेट सुमितो निकालेंगे भाई, उम्मीद करते हैं जोंडो का विकेट सुमितो निकाले। एक भाई ने जरा चुपके से स्पैम किया है, जरा उनका जरा सा इलाज करते हैं। प्राइवेट सेटिंग करें, नाम बढ़िया है और दर्शन छोटे है, बिल्कुल भाई नाम बड़े और दर्शन छोटे है। किसी भाई ने मुझे कहा था यार उस टीम के अंदर ना ये प्लेयर है, मैंने कहा यार देखो जो आज के दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगा और वही मुकाबला चल रहा है, अभी जीता कोई नहीं है। मगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर इतने बड़े नाम थे तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है 18 ओवर में ही खत्म हो जाना चाहिए था, मगर इस हालत में लाए हैं मैच को, कहीं कहीं सीनियर प्लेयर की वजह से लाए हैं। मानसू सिंह जी कह रहे हैं डॉल्फिन विन, भाई डॉल्फिन जीत सकती है मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर कहीं ना कहीं अगर अब जो प्लेयर जिताएगा ना वो सब यंगस्टर हैं यहां पर साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बड़े बड़े नाम तो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा चुके हैं। यहां पर खाली जाएगी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अभी जो है यहां पर ओवर जो है अब हो चुके हैं 12, 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, स्ट्राइक पे है जेसन स्मिथ और देखते हैं गेंदबाजी कौन करेगा। 48 गेंदें बची हैं, 81 रन कोई नामुमकिन सी चीज नहीं है क्योंकि 4 ही विकेट खोए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एक बड़ा ओवर ले लेंगे 15 से 20 रन का तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि T20 एक फनी गेम है, कभी भी गेम जो है पलट जाता है, तो देखना होगा क्या गेम पलट पाएंगे। यहां पर जेसन स्मिथ को एक गेंद, शेन डेट्सवेल की पहली गेंद थी सिंगल लिया, यहां पर स्ट्राइक पे पहुंचे यहां पर काया जोंडो, तो जो नहीं यहाँ पर जो गेंदबाजी कर रहे हैं यूसुफ कर रहे हैं गेंदबाजी। यूसुफ का ये आखिरी ओवर है यार, यूसुफ का ये आखिरी ओवर है और यूसुफ ने एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया था डेविड मिलर का, तो क्या ये जोंडो का विकेट लेकर मैच में थोड़ा और वापसी करवा पाएंगे लायंस की। 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 12.1 गेंद हो चुकी है, रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रखिएगा आप सब लोग, 10.21 की हो चुकी है यहां पर। 47 गेंदों में 80 रन की जरूरत, क्या यहां से जोंडो मुकाबला चेंज कर पाएंगे। अल्टीमेट जी कह रहे हैं अनलिमिटेड ब्रिंडॉन कह रहे हैं भैया यहां पर डॉल्फिन विन होगा, क्या बिल्कुल भैया होज विन भाई, मेरे हिसाब से हिमांशु भाई मेरे को तो शुरू से ही पसंद थी लायंस और मैं तो शायद पिछली स्ट्रीम में ही बोल चुका था कि मुझे लायंस पसंद है, मैं लायंस को सपोर्ट करूंगा। यहां पर जो है दूसरी गेंद थी, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला है, स्कोर अभी भी 77 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 12.2 गेंदे हो चुकी हैं यहां पर। जोंडो जो है थोड़ा सा 21 गेंदे खेल चुके हैं, 18 रन बनाए हैं अभी तक, एक चौका ही लगाया है। लायंस लॉस दिस गेम भाई, उम्मीद करते हैं अल्टीमेट भाई, और काफी लोग आते हैं अपने प्रेडिक्शन देते हैं, अच्छा लगता है। जीत जाते तो मुझे बोल जाते हैं, क्रिटिसाइज करके जाते हैं मुझे, मगर हार जाते तो चले जाते हैं भाई साहब। एक भाई हमारे पीके भाई आए थे, आज तक मिले नहीं है हमें, पता नहीं कहाँ चले गए हैं बेचारे। उनको उन्होंने स्ट्रीम में आके हमें कहा था यार ये टीम जीतेगी तो 5,000 रुपये दूंगा, वो आज तक दिए नहीं, चले गए हैं भाई। उदय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं पेशावर जीतेगी आज, भाई मेरे को तो वहां से मुल्तानी लग रही है यार फिर से। इस बीच जो है एक वाइड गेंद डाली है यहाँ पर और एक 73 रन मिला है यहाँ पर डॉल्फिन को, 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 12.2 गेंदों के बाद। रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रखिएगा, यहां पर अगर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ा दी गई तो कहीं ना कहीं जो है दबाव में शायद डॉल्फिन की टीम जो है बिखर जाएगी। लाइव स्ट्रीम कहां मिलेगी भाई शेख भाई, लाइव स्ट्रीम सर कोई नहीं दिखाता शेख भाई, लाइव स्ट्रीम में आप कहीं नहीं देख पाएंगे। और इस बीच जो है हवा में खेला है जोंडो ने, एक रन मिला है इस गेंद पर, स्ट्राइक पर पहुंचे जे स्मिथ, 79 रन बन चुके हैं, 4 विकेट नुकसान पर, 12.3 गेंदों के बाद। उदय प्रताप जी कह रहे हैं मुल्तान लिए तो पलट लो भाई, मैंने ली नहीं है मगर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं भाई, जितेंद्र यादव कह रहे हैं डॉल आसानी से जीतेगी भाई, किस तरीके से जीतेगी बता दीजिए जितेंद्र भाई। धर्मेंद्र कुमार जी कह रहे हैं हाय भाई, धर्मेंद्र कुमार भाई कैसे हैं आप, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में, बढ़िया ये मुकाबला बनने वाला है। आखिरी कुछ ओवर बचे हुए हैं अभी, 45 गेंदें बची हैं, 78 रन चाहिए, स्ट्राइक पे हैं जेसन स्मिथ, जेसन स्मिथ ने शॉट खेला इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट है, पूरे 4 रन मिले हैं इस गेंद पर, दूसरा पहला चौका उनके बल्ले से, 10 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं, 83 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, 12.4 गेंदों के बाद। खराब गेंदबाजी यूसुफ की, खासे महंगे साबित हुए हैं थोड़े से आज, मगर एक सफलता अर्जित करी थी डेविड मिलर की उन्होंने।
और देखना होगा किस तरीके से इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है, जैसे मैं कह रहा हूँ जान बाकी है इस मुकाबले में। मैच जो है दोनों तरफ घूम सकता है, तो देखते हैं क्या जोंडो वो कमाल कर पाएंगे। 44 गेंदों में 74 रन की जरूरत है। इस बीच 5वीं गेंद यूसुफ की स्ट्राइक पे है जैसन स्मिथ, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, बढ़िया गेंदबाजी यूसुफ द्वारा। सुबह नाइट डुबा दी भैया, आकाश गुप्ता कह रहे हैं सुबह नाइट डुबा दिया भाई, मेरी प्रेडिक्शन अगर लेते मैंने तो वहां दी थी नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन दी थी, यहाँ पर मैंने लॉयंस दी थी, दोनों प्रेडिक्शन बढ़िया चल रही है मेरी। यहाँ पर आउट होगा एक प्लेयर अब इसी ओवर में, अरविंद चौधरी जी कह रहे हैं बढ़िया भाई, जितेंद्र यादव जी कह रहे हैं भाई इस तरीके से, अच्छा इस तरीके से तालियां बजा के बता दीजिए किस तरीके से। चलिए 5वीं गेंद थी, कोई रन नहीं मिला। इस बीच आखिरी गेंद यूसुफ की स्ट्राइक पे है जैसन स्मिथ, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस आखिरी गेंद को और अल्टीमेट बी डाउन करें 10 ओवर भाई, हम 10+ ओवर में। नहीं भैया आखिरी गेंद कोई रन नहीं आया इस गेंद पर, तो भैया 13 ओवर के बाद स्कोर 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर, रिक्वायर्ड रन रेट नजर रखिएगा 10.57 की हो चुकी है। 42 गेंदों में 74 रन की जरूरत है अभी भी, और देखते हैं इस मुकाबले को किस तरीके से जीत पाएगी। यहां पर जोंडो जो है अभी तक 19 रन बना चुके हैं 22 गेंदों में, कहीं ना कहीं उनको जो है आप सोचना होगा क्योंकि एक ही चौका लगाया, स्ट्राइक रेट की बात करें तो 87 का है, तो एक बड़ा ओवर ढूंढने की कोशिश करेंगे जोंडो यहां पर, और देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे। यहां पर 42 गेंदों में 74 रन की जरूरत, बचा लो उसको बैन अच्छा उम्मीद करते हैं भाई बचा लेंगे, और अभी तो गेंदबाजों के हाथ में भाई, क्योंकि मैच जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है, अगर एक ओवर अच्छा गया तो रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार निकल जाएगा, तो देखते हैं कौन जो है यहां पर एक अच्छा एक ओवर डाल सकता है। शायद मुझे हिसाब से मंगला के ओवर बचे हुए हैं, तो मंगला के ओवर जो है आखिरी में यूज किए जाएंगे क्या। इस बीच 13-14 ओवर की पहली गेंद, सिंगल लिया यहां जोंडो ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं स्मिथ, और स्मिथ होंगे स्ट्राइक पर। किस पे बैट लगाएं, अमन कुमार जी कह रहे हैं आप तो लेट हो गए भैया, आप छोड़ दीजिए। और अल्टीमेट यार अनलिमिटेड भाई कह रहे हैं इस ओवर 15+ होगा भाई, मुश्किल है अभी। अगर जोंडो ने चांस लिया तो जोंडो मार सकते हैं यार, जे स्मिथ से मुझे थोड़ा कम भरोसा है। इस बीच जो है गेंदबाजी देखना होगा कौन कर रहा है, मगर दूसरी गेंद हवा में खेला इस गेंद को, देखना होगा कितने दूर कितने पास, और यहां पर जो है देखते हैं भाई क्या मिलेगा इस गेंद पर। जी 2 रन मिले हैं इस गेंद पर और 2 रन ले लिए हैं जे स्मिथ ने, 3 रन आ गए इस 2 गेंदों में, स्ट्राइक पे हैं जे स्मिथ, 86 रन बन चुके हैं 4 विकेट नुकसान पर 13.2 गेंदों के बाद यहां पर स्कोर है, और देखते हैं क्या बढ़िया गेंदबाजी होगी कि नहीं होगी। अभी गेंदबाज हमें पता नहीं लग रहा कि कौन डाल रहा है यार, अजीब ही लग रहा है। मैं तो आज धागा खोल देंगे, उदय प्रताप जी कह रहे हैं यार वाह जी वाह, कौन जीतेगा भाई डॉल, मतलब भाई मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ यार, फिर से 3rd गेंद पे 2 रन लिए हैं यहाँ पर, मैं सपोर्ट लाइन को कर रहा हूँ यार, 2 रन लिए हैं इस गेंद पर जे स्मिथ, तो 3 गेंदों में 5 रन आ चुके हैं यहाँ पर 13.3 गेंदों के बाद 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है। जे स्मिथ है स्ट्राइक पर और गेंदबाजी देख रहे होंगे, हाँ डॉट्सवेल जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर, डॉट्सवेल का ये दूसरा ये ओवर है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। 4th गेंद को जे स्मिथ है स्ट्राइक, क्या विकेट चटका देंगे, जी नहीं सिंगल लिया इस गेंद पर, 4th गेंद पर स्ट्राइक आ गई है जोंडो के पास 13.4 गेंदों के बाद 89 रन 4 विकेट नुकसान पर। मेरे को लगा कैच होगा, मेरे को भी लगा भाई कैच होगा, मगर पकड़ी नहीं यार। चलिए जोंडो जो है वो हैंगे स्ट्राइक पर और 38 गेंदों में 68 रन की जरूरत है, तो मैच अब जा रहा है, मैच अब जो है वहां जा रहा है जिस फेज में बहुत मजा आता है आखिरी कुछ ओवरों में, तो देखते हैं। सीपीएल आईपीएल T20 कह रहे हैं लॉयंस विन करेगा भाई, उम्मीद करते हैं। 5वीं गेंद पर सिंगल लिया जोंडो ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं जे स्मिथ, स्कोर अभी भी 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13.5 गेंदों के बाद। सेजू जी कह रहे हैं हमें लॉयंस पक्का जीतेगा भाई, उम्मीद करते हैं। सीपीएल आईपीएल T20 ODI रिपोर्ट नहीं चाहिए भैया हमें किसी को भी यार, लॉयंस विन अनलिमिटेड कह रहे हैं, लास्ट 2 बॉल पर छक्का आएगा भाई, सिंगल लिया है भाई अल्टीमेट भाई। 5वीं गेंद पर देखते हैं आखिरी गेंद पर क्या स्मिथ जो है बड़ा हिट लगा पाएंगे, क्योंकि दरकार तो है 10.86 की रिक्वायर्ड रेट। इस बीच हवा में खेला इस गेंद को, सिंगल लिया इस गेंद पर, इस ओवर में आए मात्र 8 रन, तो रिक्वायर्ड रन रेट हो गई 11 की और 91 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवरों के बाद। 36 गेंदों में 66 रन की जरूरत और अल्टीमेट अनलिमिटेड भाई कह रहे हैं डॉल्फिन विल विन द मैच, उम्मीद करते हैं भाई, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर अभी यहां पर लॉयंस को मैं पहली इनिंग से सपोर्ट कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं लॉयंस इस मुकाबले को जीते। अब मैच में 36 गेंदें बची हैं और मजा आएगा इस 36 गेंदों को देखने के लिए, क्योंकि दोनों सेट बल्लेबाज है। रिक्वायर्ड रन रेट 11, कुछ आप कह नहीं सकते कि 11 का रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं कह सकते, तो ये चेजेबल स्कोर है, कहीं ना कहीं चेज हो सकता है अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहां पर 256 लोग देख रहे हैं, 228 लाइक है, अगर 22 भाई ध्यान से देखें तो लाइक करें तो आंकड़ा जो है वो 250 के पार हो जाएगा, तो एक बार स्क्रीन को सीधा करके एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। 36 गेंदों में 66 रन की जरूरत है यार,
आकाश गुप्ता कह रहे हैं आईपीएल कब से स्टार्ट होगा। भाई आईपीएल जो स्टार्ट होगा अभी कुछ न्यूज नहीं आई है, और पर्टिकुलरली शायद हो सकता है मार्च के लास्ट हफ्ते में अप्रैल की फर्स्ट वीक में शुरू होगा, इसी बीच में लगता है। उदय प्रताप जी कह रहे हैं डॉल्फिन तड़प रही है, भाई पानी दे दो यार। सही कह रहे हैं, जितने ज्यादा विकेट डॉल पर हाल में जीतेंगे भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं। इस बीच जो है अब गेंदबाजी करने आए हैं, यहां पर पहली गेंद थी सिंगल लिया, इस गेंद पर 35 गेंदों में 65 रन की जरूरत है। और बिजॉन जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं, दो विकेट चटकाए थे एक ही ओवर में, 8 ही रन दिए हैं अभी तक। एक अहम ओवर डाल रहे हैं यहां पर 15वां ओवर, तो देखते हैं 15वां ओवर किस तरीके से करते हैं बिजॉन। स्ट्राइक पे होंगे काया जोंडो। जोंडो जो है 24 गेंदों में 21 रन बना चुके हैं, एक चौका लगाया है। मैं काफी निराश हूं कि बड़ा शॉट लगाने की कोशिश भी नहीं करी जोंडो ने यहां पर। तो जोंडो का ये गेंद, एक रन लिया इस गेंद पर। जे स्मिथ आ गए हैं स्ट्राइक पर, 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर, यहां पर 14.2 गेंदों के बाद। पद्मनी जी कह रही हैं भाई कौन सा टीम जीतेगा। भाई मेरे हिसाब से मैं तो भाई कह रहा हूं यहां पर मैं सपोर्ट कर रहा हूं भाई लॉयंस को। मैं पहली बॉल से सपोर्ट कर रहा हूं लॉयंस को यार। अनलिमिटेड भाई कह रहे हैं 15 ओवर में गेम चेंज होगा भाई, उम्मीद करते हैं भाई हो। यहां पर जो है भाई चेंज नहीं होगा भाई, शकील इस्लाम जी कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, तीसरे गेंद पर सिंगल लिया यहां पर। फैजी भाई कह रहे हैं मैच चेंज होगा भाई। सीएसए कौन सा कंट्री का लीग है, आकाश गुप्ता जी कह रहे हैं। सीएसए भाई यहां पर जो सीएसए लीग है साउथ अफ्रीका की लीग है। और एक बड़ा शॉट की उम्मीद है यहां से। डॉल्फिन चाहेगी एक बड़ा शॉट लगाने की इस ओवर में, देखते हैं जेसन स्मिथ जो है इस ओवर में बड़ा शॉट लगाएंगे कि नहीं। 5वीं गेंद पर भी एक रन लिया, स्ट्राइक पे पहुंचे काया जोंडो। तो बढ़िया ओवर कर रहे हैं बिजॉन, यहां पर मात्र 5 रन दिए इस ओवर में। स्पेल ही बहुत अच्छा गया है, एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मैच को जो है चेंज कर दिया था इन्होंने और लॉयंस की तरफ सरका दिया था यहां पर। और हिमांशु सिंह जी कह रहे हैं हुविन भाई मैं लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं लॉयंस जीते। पहली ओवर से ही मैं लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूं। 280 लोग हमें देख रहे हैं, इस बीच हवा में गई है 4 रन बटोरा इस गेंद पर। आखिरी गेंद पर जोंडो ने लगाया है चौका, तो 9 रन आ गए इस ओवर से। 15 ओवर के बाद 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है। 30 गेंदों में 57 रन की जरूरत है, 11.40 की रिक्वायर रन रेट है यहां पर। स्ट्राइक पे होंगे स्मिथ, देखते हैं अब यहां पर ओवर कौन डालेगा। यूसुफ ने कितने ओवर किए भाई, यूसुफ के 4 ओवर पूरे हो चुके हैं भाई। यूट्यूब पे भाई प्राइवेट सेटिंग कर रहे हैं, इतनी स्पीड में खेलेंगे तो जीत जाएंगे पक्का। हिमांशु कह रहे हैं विन भाई, डॉल्फिन विन कह रहे हैं फारजी भाई, फाजी भाई उम्मीद करते हैं। 235 लाइक हो चुके हैं, 15 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 250 का। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग जो है प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यहां पर लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन है, तो लाइक करेंगे 250 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीन को सीधा करके लाइक करिए यार। ब्रो यूसुफ ने कितने ओवर डाले भाई, यूसुफ ने पूरे 4 ओवर डाल चुके हैं भाई। यूसुफ अपना स्पेल खत्म कर चुके हैं यहां पर। इस बीच जो है 16 ओवर की पहली गेंद, स्ट्राइक पे जेसन स्मिथ, देखते हैं क्या बड़ा शॉट लगाएंगे। जी नहीं, एक रन लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक दिया है काया जोंडो को। तो जोंडो जो है अब फॉर्म में आ चुके हैं लगता है, जोंडो जो है अब यहां से जो है अपनी पारी खेलना शुरू करेंगे। 29 गेंदों में 56 रन की जरूरत है, सिंगल से बात नहीं चलेगी क्योंकि रिक्वायर रन रेट जो है वो 11.59 का हो चुका है यहां पर। तो कहीं ना कहीं अब जोंडो को जो है अपने हाथ खोलने होंगे। इस बीच 16 ओवर की दूसरी गेंद, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे जोंडो इस गेंद को। ड्रीम इलेवन पे 3 बताना भाई, चौका लगा भैया इस गेंद पर, चौका लगाया इस गेंद पर 15.2 गेंदों के बाद। 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 गेंदों के बाद। कहीं ना कहीं जोंडो का यह तीसरा चौका है यहां पर। 28 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं जोंडो। और रिक्वायर करंट की स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट कम से कम जो है 110 का हो चुका है और बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। डॉल्फिन में 100% कह रहे हैं भैया, पवन भाई कह रहे हैं, उदय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं सिबो तो आएगा भाई, आएगा उम्मीद करते हैं। मगर इस बीच वाइड डाल दिया एक गेंद यहां पर डेड्सवेल ने और स्कोर जो है 106 रन हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर 15.2 गेंदों के बाद। यहां पर अभी भी जीत कर चाहिए 28 गेंदों में 51 रन, तो क्या एक बढ़िया ओवर डाल पाएंगे। 239 लाइक हो चुके हैं, 11 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा। एडी मोन जी कह रहे हैं मरा भाई, अब बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, एडी मोन भाई कैसे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। इस बीच जो है अब तीसरी गेंद स्ट्राइक पे है यहां पर, जोंडो गेंदबाजी कर रहे हैं, डेड्सवेल देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे जी। 2 रन ले लिया इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट लगाया था, 2 रन लिए मिले हैं इस गेंद पर। 27 गेंद में 49 रन की जरूरत, 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.3 गेंदों के बाद।
27 गेंद में 49 रन, कहीं ना कहीं 11 को टच कर रही थी रिक्वायर्ड रन रेट, उसको नीचे लेके आए हैं 10.89 की हो चुकी है। 240 लाइक हो चुके हैं, 10 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 250 का। इस बीच जो है अब चौथी गेंद हवा में खेली है जोंडो ने, देखते हैं इस गेंद पे 1 रन मिला है यहाँ पर, शॉट लगाने की कोशिश थी, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। इस ओवर में अभी भी 9 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में, बढ़िया बल्लेबाजी जोंडो के द्वारा। स्मिथ आ गए हैं स्ट्राइक पर, 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.4 गेंदों के बाद 26 गेंदों में 48 रन की जरूरत है। भाई आप कहाँ थे, रविंद्र कुमार शुक्ला जी कह रहे हैं भाई मैं यही था, मेरे कॉपीराइट लग गया था लाइव स्ट्रीम पर, इस वजह से मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था एक हफ्ते तक। तो इस बीच जो है अब 26 गेंदें बची हैं, इस बीच जो है गेंद है पांचवी गेंद पर चौका लगाया यहाँ पर चेंज में थे, बढ़िया शॉट, बढ़िया चौका, दूसरा चौका उनके बल्ले से, 21 गेंदों में 25 रन बना चुके हैं यहाँ पर जे स्मिथ। पार्टनरशिप की बात करें तो 42 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप हो गई है, बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों से, खासकर जोंडो और जबरदस्त पारी चलती हुई यहां पर। 25 गेंदों में 44 रन की जरूरत है, मैच में अभी भी इंटरेस्ट बचा हुआ है, तो देखते हैं क्या इस मुकाबले में लॉयंस जो है वो कुछ कमाल कर पाएगी कि डॉल्फिन जो है इस मैच को आसानी से यहां से जीत जाएगा। एक बढ़िया ओवर जाता हुआ, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में, आखिरी गेंद यहां पर डॉट्सवेल की, आखिरी गेंद सिंगल लिया जे स्मिथ ने, स्ट्राइक पर पहुंचे हैं जे स्मिथ रखेंगे अपने पास स्ट्राइक और 16 ओवर के बाद 114 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर। 24 गेंदों में 43 रन की जरूरत है भाई, 24 गेंदों में 43 रन की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.75 का हो चुका है। प्राइवेट सिटीजन करें जीते जो भी, मगर मैच में रोमांच पूरा मिल रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ऐसे मैच की हम उम्मीद करते हैं और ऐसे ही उम्मीद ऐसे मैचों में ही हम चाहते हैं कि भाई ऐसे मैच में व्यूअर्स को भी देखने मजा आए, हमें कमेंट्री करने मजा आए, आप सबके मैसेजेस आए, माहौल ऐसा बन जाए ना कि एक इंटरेस्ट जो है एंटरटेनमेंट कहते हैं, जो क्रिकेट में एंटरटेनमेंट हम ढूंढते हैं मुकाबले में, वही देखने को मिले। और अभी भी देखिए 24 गेंदों में 43 रन बने हुए हैं, चाहिए 43 रन, मगर मजा आएगा इस मुकाबले में देखने के लिए। क्या एक ओवर और बचा लेगा कोई, क्योंकि एक ओवर अगर अच्छा निकल गया तो कहीं ना कहीं डॉल्फिन के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। अभी भी जो है फेवरेट जो है लायंस है, क्योंकि भाई रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 10 के ऊपर है। और देख लीजिए ये वही ग्राउंड था जहां सुबह मुकाबला हुआ है, जहां पर सिर्फ 94 रन बना पाई नाइट्स, और आज देखिए दोनों टीम जो है बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रही है। 293 लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए, जो लोग नए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, आप सबका धन्यवाद जो है। आप सब लोग जो है क्रिकेट लाइव हिंदी पर जुड़े हैं हमारे साथ, मेरा नाम है दिवाकर मिश्रा और मैं हूँ दिल्ली से, और आप सब लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। 248 लाइक हो चुके हैं, 2 भाई और लाइक करेंगे तो 250 का आंकड़ा जो है पूरा हो जाएगा। अब 24 गेंदों में 43 रन की जरूरत है, और नाजी मोहम्मद इमान कह रहे हैं ओवर में 15 प्लस चाहिए भाई, 15 प्लस चाहिए, बहुत ज्यादा मांग लिया भैया, 15 प्लस चला तो मैच खत्म ही हो जाएगा यार। तो मीडियो वन भाई टीम चेंज कर देंगे हम भी। उदय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं शिवो तो आया भैया, शिवो तो आना चाहिए, मेरे हिसाब से शिवो को ओवर देना चाहिए, शायद मंगला का भी ओवर बचा हुआ था, मंगला को भी डालना चाहिए यहाँ पर। कौन जीतेगा भाई अपना जिंदगी कह रहे हैं भाई, मैं तो अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ भाई लॉयंस को, क्योंकि भाई एक विकेट या एक बढ़िया ओवर जो है गेम चेंज कर सकता है यहाँ पर। इस बीच जो है अब ये गेंदबाजी करने आए हैं मंगला की ये गेंद, कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, तो यहां से बची है अब सिर्फ 23 गेंदें, 43 रन की जरूरत है। गेंदबाजी करने आए मंगला ने 12 रन दिए, एक सफलता अर्जित करी है, 2.1 गेंदे फेंकी है अभी तक, बढ़िया गेंदबाजी लगी है मुझे। केपीएस एजुकेशन करें डॉल्फिन करेगा भाई, उम्मीद करते हैं केपीएस एजुकेशन भाई डॉल्फिन करे, मगर माहौल जो है बड़ा जबरदस्त बन गया है इस मुकाबले में और देखने मजा आ रहा है। रजब खान भाई जुड़ गए हमारे साथ, करें हेलो भाई रजब भाई कैसे हैं आप। दिवाकर भाई राम राम, श्याम भाई कह रहे हैं बिल्कुल भाई श्याम भाई बढ़िया आप बताए, शकील सलाम करें डॉट नाइस कॉमेंट्री कह रहे हैं पवन भाई बिल्कुल भाई पासवान भाई धन्यवाद भाई। हिमांशु सिंह जी कह रहे डॉल्फिन फिर से फैन में कहा कह रहे समझ में नहीं आया। इस बीच जो है दूसरी गेंद पर चौका लगाया जे स्मिथ ने, मंगला की ये गेंद थी कंफर्म करना होगा, 4 नहीं जीती 2 रन मिले हैं, फील्डर ने बचा लिया उस गेंद को, बढ़िया फील्डिंग यहां पर लॉयंस द्वारा, लॉयंस ने आज खराब फील्डिंग की थी स्टार्ट में, मगर ये 2 रन बचे, चौका जो है बचाया है यहां पर फील्डर ने और बहुत जरूरी भी था। 22 गेंदों में अब 41 रन की जरूरत है, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11.18 का हो चुका है यहां पर, 116 रन 4 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है। और जो है जे स्मिथ है स्ट्राइक पर, जे स्मिथ भी आप खतरनाक लग रहे हैं यहां बल्लेबाजी करते हुए, और देखते हैं जरा जे स्मिथ जो है यहां से स्कोर को क्या बड़ा बना पाएंगे, क्या इस मैच को जिता पाएंगे, क्योंकि 22 गेंद में 41 रन रिक्वायर्ड रन रेट 11 का ऊपर, 1 विकेट जो है कम से कम लॉयंस को जो है थोड़ा आगे लेके आएगी। इस बीच जो है 32वीं गेंद मंगला की, स्ट्राइक पे है जे स्मिथ, क्या बड़ा शॉट लगाना चाहिए इस गेंद पर, देखते हैं यहां पर कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर, बढ़िया गेंदबाजी मंगला द्वारा,
एक बढ़िया ओवर, माफी चाहिए, कोई रन नहीं, रन मिल गया है, सिंगल ले लिया इस गेंद पर, शॉट लगाया था, लगा फिल्टर के हाथ में गई, मगर तब तक एक रन पूरा हो चुका था जे स्मिथ का। और स्ट्राइक पे आ गए जोंडो, 21 गेंद में 40 रन की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 11.43 का हो चुका है, 21 गेंद में 40 रन स्कोर जो है डॉल्फिन का, 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर 16.3 गेंदों के बाद। क्या एक विकेट चटका देंगे यहां पर मंगला, क्योंकि एक चटका चुके हैं, एक ओवर जरूरत होगी। क्रिकेट प्रेडिक्शन एनालिसिस कर रहे हैं भैया, व्हाई नॉट पीसीएल, भाई पीसीएल इसलिए नहीं कर रहा हूं, कॉपी लग रहा है इसलिए पीसीएल नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए 380 लोग देख रहे हैं, प्लीज आप सब लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और छोड़ रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर। इस बीच मंगला जो है तैयार है यहां पर जोंडो को गेंद करने के लिए, चौथी गेंद जोंडो को मंगला की, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे जोंडो, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस ओवर में, देखना होगा। इस बीच सिंगल लिया इस गेंद पर, बढ़िया गेंदबाजी मंगला द्वारा, तो बढ़िया बचा के गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को रन बनाने का, कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहाँ फील्डर भी सपोर्ट कर रहे हैं मंगला को, और बढ़िया गेंदबाजी मंगला द्वारा। अगर इकोनॉमी की बात करी जाए मंगला की, तो 6 की इकोनॉमी रही है, अभी भी 20 गेंदों में 39 रन की जरूरत है भाई, और गुड फील्डिंग दे रहा है भैया, बिल्कुल भाई, और 20 गेंदों में 39 रन की जरूरत है अभी भी जीतने के लिए यहाँ पर डॉल्फिन को। मैच में रोमांच बचा है, अभी मैं मैसेज किसी के इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई मैच में बड़ा जबरदस्त लग रहा है। अरे राजीव भाटिया भाई कह रहे हैं भाई, राजीव भाटिया भाई अभी जो है मैच में बिल्कुल इंटरेस्ट आ चुका है, तो अभी कमेंट आप सबका लेना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैच पे नजर रखनी है कि हर गेंद पे आपको बताना है क्या हो रहा है, और साथ में मैसेज लूंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप भूल जाएंगे। मैं यहां पर लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूं, कमेंट्री में दोनों टीम को लिए कर रहा हूं यहां पर, अब यहां से कोई भी टीम जीत जाए वहां वो मेरी हेडेक नहीं है, अब मैं कमेंट्री पे ध्यान दूंगा, क्योंकि आप सब लोग जो आए हैं अब पल पल का मैच, जो मैच मैं चाहता था, जिस तरीके से मैच मैं चाहता था, वो मैच बन चुका है यहां पर। इस बीच जो है अब पांचवी गेंद है मंगला की, स्ट्राइक पे है जे स्मिथ, देखते हैं किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद पे, ए हल्के तो से खेला इस गेंद को, एक रन मिला इस गेंद पर, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे मंगला यहां पर, मगर जे स्मिथ यहां पर स्ट्राइक पे आ गए हैं जोंडो, मंगला का एक बढ़िया ओवर यहां पर, पांच गेंद में 5 रन दे चुके हैं। इस बीच आखिरी गेंद जोंडो को मंगला की, और रुके हैं गेंदबाज, आखिरी गेंद करेंगे यहां पर जोंडो को मंगला, यहाँ पर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी मंगला ने, और गेंदबाजी में थोड़ा सा जो है कमान संभाल के रखा हुआ है, देखना होगा मंगला के बाद ओवर कौन डालेगा, कि वो बहुत महत्वपूर्ण ओवर होगा। 19 गेंद में अभी भी 19 गेंद में 38 रन की जरूरत है, एक बड़ा हिट जो है गेम चेंज कर सकता है, एक यहाँ पर जो है डॉल्फिन को आगे ला सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर डॉल्फिन जो है इस मुकाबले में आगे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रन नजर की 12 की हो चुकी है। इस बीच आखिरी गेंद मंगला की, स्ट्राइक पे है जोंडो, तो जोंडो को ये गेंद है और विकेट मिल गया है यहाँ पर जोंडो का, जोंडो जो है क्लीन बोल्ड हो गए हैं इस गेंद पर, आखिरी गेंद थी, तो मंगला ने इस गेम को जो है वो चेंज कर दिया है, और जोंडो जो है आउट हो गए हैं यहां पर। 32 गेंदों में 35 रन बनाए थे, 3 चौके लगाए थे, मगर एक अहम सिचुएशन पे जोंडो को कर दिया है क्लीन बोल्ड, मंगला जो है 3 ओवरों में 17 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं यहां पर। 119 रन 5 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन को लग गया है 5वां झटका, 17 ओवर के बाद स्कोर अभी भी 119 रन 5 विकेट नुकसान पर, 18 गेंदों में 38 रन की जरूरत है, क्या यहां पर जे स्मिथ जो है इस गेम को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जोंडो हो गए आउट, अब बचे हैं जे स्मिथ, तो देखते हैं जे स्मिथ का साथ देने यहां पर कौन आएगा। 18 गेंद में 38 रन की जरूरत, 12.67 की रिक्वायर्ड रन रेट, कहीं मत जाइएगा आप सब लोग, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए इस मुकाबले में, और यहां पर जो है मंगला जोंडो को आउट कर दिया यहां पर, अब घुस गया जोंडो उदय भाई जी कह रहे हैं, नहीं अभी भी देखिए मैच आखिरी ओवर में है, कुछ नहीं कह सकते आप, मंगलम हो गया भैया, डॉल्फिन अदभरी हो गए भैया, उदय प्रताप जी कह रहे हैं बढ़िया भाई बढ़िया। तो 60 लाइक हो गए हैं, प्लीज आप सब लोग सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए चैनल को, जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकेट लाइव हिंदी पर। सेजू भाई कह रहे हैं 17 ओवर अच्छा करेगा भाई, बढ़िया 17 ओवर अच्छा गया है, 5 रन दिए हैं मंगला ने, और एक विकेट छटकाया है यहाँ पर, और बहुत ही अहम विकेट था यहाँ जोंडो की, और नए बल्लेबाज देखना होगा, जे स्मिथ होंगे स्ट्राइक पर, देखते हैं गेंदबाजी कौन करेगा, क्या इस ओवर में जे स्मिथ जो है कम से कम नहीं तो यहाँ पर 15 से 16 रन बटोरने होंगे। क्रिकेटिंग भाई मुल्तान 98 पे एक आफ्टर रिजवान जस्ट गो आउट, बिल्कुल भाई रिजवान जो है आउट हो चुके हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं जरा आप जोंडो वाले मैच में, यार जोंडो वाला मैच कहीं बताएंगे क्रिकेटिंग भाई, इसके बाद हम बात करेंगे इस मुकाबले की। तो आप चलते हैं, सिबोतो आएगा भैया, सिबोतो डालना चाहिए, सिबोतो को भाई सिबोतो ही डालेंगे मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे ख्याल है, मगर मंगला ने जो उंगली दिखाई है यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जो उंगली दिखाई थी शायद वो जोंडो को आउट करने की उंगली दिखाई थी, और आउट करके भेज दिया है यहाँ पर। तो बढ़िया गेंदबाजी मंगला द्वारा, बढ़िया यहाँ पर रही है इकॉनमी जो है बहुत कम रही है यार, 6 से भी कम की रही है इकॉनमी उनकी, और बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग जो है बहुत सपोर्ट करते रहिए लाइक करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। अभी भी 18 गेंद में 38 रन की जरूरत है, और अनलिमिटेड भाई कह रहे हैं डॉल्फिन विन होगा फिर भी, देखते हैं किस तरीके से विन करेगा।
गया, इस बीच हवा में खेला यहाँ पर जे स्मिथ ने, शॉट गया हवा में, एक रन लिया है यहाँ पर। और पैरसन्स आ गए हैं नए बल्लेबाज, स्ट्राइक पे होंगे बी पैरसन्स, और 17 गेंदों में 37 रन की जरूरत है अभी भी। और यहाँ पर बेरियस पार्सन जो है वो नए बल्लेबाज आए हैं, 5 विकेट खोए हैं भैया अभी तक, 13.06 की रिक्वायर्ड रेट है। ऐसा नहीं है कि 13 रन बनते नहीं है, 13 रन प्रति ओवर बनते नहीं है, बन जाते हैं आखिरी ओवर में, हमने देखा है। दो बड़ी हिट जो है वह गेम चेंज कर सकती है डॉल्फिन के लिए, तो क्या डॉल्फिन की तरफ से कौन जो है वो दो छक्के इस ओवर में लगा पाएगा यहां पर। तो अब चलते हैं जरा अब मैच की तरफ, दूसरी गेंद के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज, देखते हैं गेंदबाजी जो है किस तरीके से होगी। दूसरी गेंद पार्सन को, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे इस गेंद पर, देखना होगा, बॉल हवा में गई है, देखना होगा, विकेट चला गया यहां पर पार्सन का। पार्सन जो है पहली गेंद पर ही आउट हो गए हैं यहां पर, 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर 17.2 गेंदों के बाद। पार्सन जो है यहां पर पहली गेंद पर आउट हो गए यहां पर, ये तो मेरा ही नहीं पता पा रहे हैं, ट्रेंडिंग न्यूज कह रहे हैं भाई, ये तो मार ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैच आउट हो गए भाई पार्सन, और छठा झटका लग गया यहां पर डॉल्फिन का, 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17.2 गेंदों के बाद, 16 गेंदों में 37 रन की जरूरत है। जिलानी गेम कह रहे हैं डॉल्फिन हारेगा, बिल्कुल भाई डॉल्फिन हारने के मूड में ही लग रहा है। चलिए भाई चलते हैं जरा मैच की तरफ, और आउट हो गए हैं यहाँ पर बी पार्सन, और पहली गेंद खेली थी, और सिबोतो आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सिबोतो को मिल गई सफलता यार, और रसल को बुलाओ या बुलाना पड़ेगा, सैजू भाई कह रहे हैं, सैजू भाई सही कह रहे हैं, रसल को बुलाना पड़ेगा यार, रसल की सिचुएशन है वैसे ही देखी जाए तो। और सिबोतो यार, सिबोतो बढ़िया गेंदबाजी करी है, चलिए 2.2 गेंदे फेंके सिबोतो ने, 8 रन दिए, एक सफलता अर्जित कर ली है बहुत ही अहम टाइम पे, मंगला और सिबोतो बचे हुए थे शायद। और रुवांडे आ गए हैं, रुवांडे ने गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त करी है, मगर स्ट्राइक पे होंगे जैसन स्मिथ जो है 27 गेंद में 31 रन बना चुके हैं, 2 चौके लगा चुके हैं, 120 रन 6 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर है, 17.2 गेंदे हो चुकी है, 16 गेंदों में 37 रन की जरूरत है। क्या इस ओवर में 2 छक्के आ सकते हैं क्या, या 2 छक्के 1 चौका आ सकता है क्या, क्योंकि अभी भी 4 गेंदे बची, 4 गेंदों में कम से कम जो है आप 14 या 15 रन ढूंढ रहे होंगे यहां पर। और बोला था ना सबसे झूठ बोला रहे, कई कह रहे हैं भाई गई मैच पानी में, नहीं गई, गई डॉल्फिन फिर से पानी में। हिमांशु सिंह जी भाई जिलानी गेमिंग कह रहे हैं समवन कॉल डिविलियर्स, भाई डिविलियर्स होते तो शायद ये जो माहौल है ना ये बनता भी नहीं शायद, अगर जोंडो की जगह डिविलियर्स होते ना तो कहीं ना कहीं यहाँ रिक्वायर्ड रेट 14 का नहीं होता, कम से कम 8 या 9 का पहुंच चुका होता। और 15 ओवर के बाद 36 रन की जरूरत है, 15 गेंदों में 36 रन की जरूरत है, माफी चाहेंगे। और 17.3 गेंदों के बाद 121 रन 6 विकेट नुकसान पर, तो कहीं ना कहीं आज प्रेडिक्शन बढ़िया गई है यार सीएसए लीग में, और दोनों मैच जो है मेरे पास हुए हैं जबरदस्त है, यहाँ पर माहौल बन गया है, मगर अभी भी मैं इसको जीत नहीं घोषित करूंगा अपनी, क्योंकि लॉयंस के पास बल्लेबाज हैं, जे स्मिथ बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, तो एक बड़ा हिट जो है गेम चेंज कर सकता है, क्या इस बड़ा हिट लगेगा इस ओवर में देखना होगा यहाँ पर। रुवांडा देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे इस चौथी गेंद को, चौथी गेंद पर 1 रन लिया यहाँ पर, स्ट्राइक पे आ गए स्मिथ। सुधीर ब्लॉक कर रहे हैं, जो 6-6 कर रहे हैं वो सब लोग लायन को सपोर्ट कर रहे हैं, ओहो हो उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पर। चलिए ब्रेकिंग न्यूज कह रहे हैं तुम बनौती हो, साबित हो गया है ब्रेकिंग न्यूज कह रहे हैं, भाई मैं कहां से पनौती हूं भाई, मैं तो लॉयंस सपोर्ट कहता ब्रेकिंग न्यूज भाई, मगर आप भी देखिए यार ब्रेकिंग न्यूज भाई, आप हार रहे हैं तब भी देखो मुझे याद करते हैं ब्रेकिंग न्यूज भाई, धन्यवाद भाई। श्याम भाई कह रहे हैं कि डॉल्फिन मछली भी होती है पर तो पानी में ही जाएगी ना, बिल्कुल भाई। चलिए इस बीच जो है चौका लगा दिया है यहाँ पर जे स्मिथ ने, मच नीडेड बाउंड्री है, 13 गेंदों में 31 रन की जरूरत है, अगर आखिरी गेंद पर छक्का लगा दें तो कहीं ना कहीं रोमांच पैदा हो जाएगा इस मुकाबले में, बढ़िया ये शॉट है जे स्मिथ का, और 29 गेंदों में 32 रन बना चुके हैं, बाई का चौका है, माफी चाहेंगे बाई का चौका है। दीपक ब्रो सिबोतो का रिकॉर्ड उठा के देख लो, बहुत ही कंजूस बॉलर है, सीएसए टी20 बॉलर, बिल्कुल भाई उदय प्रताप भाई, हमें वही कहता हूँ हमारे व्यूअर्स का कमेंट लेने दीजिए करीगा, और बड़े जबरदस्त कमेंट करते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें लाते हैं। देखिए उदय प्रताप जी ने कितनी बड़ी बात की, इनका रिकॉर्ड देखिए सिबोतो का, बड़े कंजूस बॉलर है ये। और इस बीच जो है अभी आखिरी गेंद बची है, कि आखिरी गेंद पे छक्का लगा देंगे इससे जे स्मिथ, देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि छक्का लगाएंगे तो आखिरी दो ओवर में 25 रन चाहिए होंगे वो चेजेबल होगा, या एक और चौका लगा देंगे तो 27 रन चाहिए होंगे, तो चौका है छक्का मस्ट नीडेड है यहाँ पर, मच नीडेड है कि एक जरूरत है यहाँ पर चौके या छक्के की, तभी मजा आएगा। सिबोतो नटकट क्या कह रहे हैं यार, समझ में नहीं, ब्लैक साइड कह रहे हैं जितनी भी कोशिश कर लो नहीं बनेगा, बिल्कुल भाई। इस बीच आखिरी गेंद हवा में खेला शॉट को जो स्मिथ ने, देखना होगा, एक रन मिला इस गेंद पर, तो आखिरी दो ओवर में 30 रन चाहिए अभी भी जीत के लिए, ना कोई एक नहीं दो मिला है, तो आखिरी दो ओवर में 29 रन चाहिए यहां पर, 18 ओवर के बाद 128 रन 6 विकेट नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर, स्ट्राइक पर होंगे स्मिथ, 12 गेंद में 29 रन, रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर मत रखिए आप सब लोग, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर मत रखिए, क्योंकि अब जो है
दो ओवरों में आपको एक बड़ा ओवर चाहिए होगा यहां पर मैच को निकालने का। अगर अगर एक ओवर में कम से कम 16 या 17 रन आ गए तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में 12-13 रन वो जो है बन सकते हैं, मगर वो बड़ा शॉट लगाएगा कौन भाई? वो बड़ा शॉट लगाएगा कौन, क्योंकि आखिरी गेंद पे दो रन लिए थे जय स्मिथ ने, और स्ट्राइक पे देखना होगा यहां पर, स्ट्राइक पे आ चुके हैं यहां पर रुवांडे ने गेंदबाजी अच्छी करी है, तो क्या एक बड़ा शॉट लगा देंगे शुरुआत की दो गेंदों में? अगर 12 गेंदों में 29 रन चाहिए तो आपको शुरू की दो गेंदों में 10 रन बटोरने होंगे, तब जाके जो है वो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट नीचे जाता है और आपको जो है माहौल बनेगा। डॉल्फिन डूब गई रे बाबा। हाँ भाई क्या करें यार, मुकेश शाहनी भाई कह रहे हैं आउट, बिल्कुल भाई राज नेगी जी खुश हो रहे हैं, डॉल्फिन गुड़ गुड़ उग गई गए। उदय प्रताप कह रहे हैं बोरो लग गए डॉल्फिन के, नहीं डॉल्फिन के लगे नहीं है यार, एक बड़ा शॉट देखिए अगर 12 गेंद में भाई जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं डॉल्फिन के लिए उनके लिए मैं अभी भी रखूंगा मैच में, कहीं ना कहीं यार अगर शुरू की दो तीन गेंदों में अगर मान लीजिए एक चौका और एक दो तीन गेंदों में एक छक्का एक चौका आ जाए और 12 रन आ जाए तीन गेंदों में, तो कहीं ना कहीं माहौल बन जाएगा इस मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं शुरू की तीन गेंदों में अटैक करना होगा यहाँ पर, और इस बीच जो है 19वें ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक पे है रुवांडे को ये गेंद है, और मेरे सबसे मंगला ही कर रहे हैं गेंदबाजी, और पहली गेंद पर दो रन लिया यहाँ पर रुवांडे ने, 11 गेंदों में 27 रन की जरूरत है, और मुझे मंगला की यहाँ पर जो है तस्वीर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी फोटो लगी हुई है उंगली ऊपर करके जैसे आउट दे रहे हैं यहाँ पर कि अभी आउट कर रहा हूँ रुक जाइए आप लोग। रुवांडे जबरदस्त गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी कर पाएंगे क्या? 11 गेंदों में 27 रन की जरूरत है, दो बड़ी हिट जो है इस ओवर में चाहिए होगी यहाँ पर डॉल्फिन को, और मैं आप सबके मैसेज भी ले रहा हूँ, 266 लाइक्स हो गए हैं, धन्यवाद आप सब लोगों का यार, आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, ऐसे ही आप सब लोग जो है सपोर्ट करते रहिए। इस बीच जो है दूसरी गेंद मंगला की, क्या इस गेंद पर छक्का लगा देंगे? लाफिंग अड्डा कह रहे कौन जीतेगा भाई, मेरे हिसाब से मैं तो शुरू से ही जो है लॉयंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, पहली गेंद से जब लॉयंस फंसी हुई थी तीन विकेट भी खो दिए तब भी मैं कह रहा था लॉयंस पर भरोसा है, लॉयंस जीत सकती है इस मुकाबले को, और देखते हैं क्या होगा। इस बीच जो है अब दूसरी गेंद मंगला की स्ट्राइक पे है यहाँ पर रुवांडे, एक बड़ा हिट चाहिए यहाँ पर, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पर पहुंचे जे स्मिथ, 131 रन 6 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर 18.2 गेंदे हो चुकी हैं यहां पर, स्ट्राइक पे हैं जे स्मिथ, बड़ा शॉट की उम्मीद है भाई। 20 ओवर में यार 4 गेंदों में कम से कम आप 26 रन चाहिए, तो आप कम से कम नहीं तो 12 रन और ढूंढ रहे होगे इन 4 गेंदों में, 12 रन और ढूंढ रहे होगे, अगर 12 से ज्यादा लग गए तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में जो है आपको चांस रहेगा मैच जीतने का। तो क्या यहां से जे स्मिथ जो है इस पारी को, जो पारी बड़ी जबरदस्त खेली जे स्मिथ ने, 34 रन बनाए हैं 30 गेंदों में, थोड़े स्लो रहे हैं, मगर क्या यहां से वो कमबैक कर पाएंगे? क्या मंगला के ओवर में जो है यहां पर सिसनंदा मंगला के ओवर में जो है यहां पर 13-14 रन बटोर सकते हैं इन 4 गेंदों में, देखना होगा, और 13-14 रन बटोर सकते हैं क्या? यहां चलते हैं जरा मैच की तरफ, तीसरी गेंद मंगला की स्ट्राइक पे है जैसन स्मिथ, तीसरी गेंद है ये, 10 गेंदों में 28 रन की जरूरत है, 26 रन की जरूरत है। इस बीच तीसरी गेंद पर मिल गए हैं 2 रन, तो यहां पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जे स्मिथ, इस ओवर में आ चुके हैं 3 गेंदों में 5 रन, 18.3 गेंदों के बाद 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर डॉल्फिन का स्कोर, और जीत के चाहिए 9 गेंदों में 24 रन। ऐसा नहीं है 9 गेंदों में 24 रन बने नहीं है, मगर उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि एक छक्का एक चौका आ जाए तो कहीं ना कहीं 14 रन बन सकते हैं 7 गेंदों में, मैं ये मानने रखता हूं। अगर छक्का जरूरी है, कि छक्का बहुत जरूरी है इस टाइम पे, 1-6 मच नीडेड हो चुका है यहां पर मंगला की ये चौथी गेंद, स्ट्राइक पे है जे स्मिथ, एक बड़ा शॉट चाहिए यहां पर डॉल्फिन को मैच में वापसी आने के लिए, तो क्या बड़ा शॉट लगा पाएंगे? जी नहीं, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पर पहुंचे रुवांडे। तो भैया अभी भी 8 गेंदों में 23 रन की जरूरत है और एक चौका जरूर चाहिए, एक नहीं 2 चौके जरूर चाहिए, अगर 2 चौके इस ओवर में आते तो लास्ट में 15 रन शायद चांस रहेगा डॉल्फिन के लिए बनाने के लिए, तो एक चौका लगाते रहिए, क्या पता एक चौका जो है लग जाए। 269 लाइक्स हो चुके हैं, 400 लोग हमें देख रहे हैं यार, 400 लोग अगर एक साथ लाइक करें तो आंकड़ा जो है वो 300 के पार हो सकता है, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में क्रिकेट लाइव हिंदी पर, क्योंकि लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन हो चुकी है। इस बीच 5वीं गेंद 19वें ओवर की स्ट्राइक पे है रुवांडे, देखते हैं रुवांडे जो है किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को, 1 रन लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए हैं जैसन स्मिथ, अब चाहिए 7 गेंद में 22 रन, तो क्या एक छक्का लगा सकते हैं यहां पर जैसन स्मिथ, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर 16 रन चाहिए होंगे तो मजा आ जाएगा यार, छक्का लगवाइए यार, मजा नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफा ही निकल रहा है मुकाबला यहां पर, और जेसन स्मिथ जो है वो काफी जो है जोंडो के आउट होने के बाद थोड़ा सा जो है वो स्लो हो गए हैं, और मुकेश साहनी भाई कह रहे हैं आउट हो गया यार, भैया आउट नहीं हुआ अभी यार, आखिरी गेंद बची हुई है, चलिए आखिरी गेंद बची हुई है, तो क्या यहां पर आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लग सकता है, क्योंकि 22 रन चाहिए 7 गेंदों में, और यहां पर जे स्मिथ है स्ट्राइक पर, मंगला की ये गेंद
जिको ये रन नहीं मिला इस गेंद पर, 6 गेंदों में 22 रन, माफ़ करिए कंफर्म करना होगा, वाइड गेंद है तो एक रन मिल गया है यहाँ पर डॉल्फिन को, एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी। 7 गेंदों में 21 रन की जरूरत है अभी भी, 136 रन 6 विकेट के नुकसान पर 18.5 गेंदों के बाद। तो 76 लाइक हो गए हैं, 24 भाई और ध्यान से देखें तो लाइक करें, तो आंकड़ा जो है पूरा हो जाएगा 300 का। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ऑन हो चुकी है। कल मिलेंगे आपसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में, तो आप सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, क्या T20 मैच में मजा आएगा, श्रीलंका जो है क्या फाइट दे पाएगी, कड़ी टक्कर दे पाएगी क्या यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया को, देखना होगा उस मुकाबले में। आखिरी गेंद है यहाँ पर मंगला की, स्ट्राइक पे है जे स्मिथ, एक बड़ा शॉट जो है कम से कम जो है रिलीफ देगा, आखिरी ओवर में मौका देगा डॉल्फिन को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 21 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा पहुंच जाएगा 300 के पार। इस बीच जो है आखिरी गेंद मंगला की, स्ट्राइक पे है जे स्मिथ, एक बड़े शॉट की दरकार है डॉल्फिन की टीम को, क्या एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे यहाँ पर जे स्मिथ। मंगला ने गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त की है, इस बीच आखिरी गेंद पर ले लिया है एक रन जे स्मिथ ने, तो आखिरी ओवर में चाहिए 6 गेंदों में 20 रन जीत के लिए, 19 रन टाई के लिए, 18 रन बनाया है तो हार जाएंगे डॉल्फिन वाले यहां से। तो भैया अब 19 से कम कुछ नहीं चाहिए यहां पर, 19 से कम में बात नहीं बनेगी डॉल्फिन के लिए, और यहां पर 6 गेंदें मिलेंगी और देखते हैं कि 6 गेंदों में जे स्मिथ क्या यहां से 20 रन बना पाएंगे कि नहीं। तो आप सब लोग जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, 6 गेंदें बची हैं, शायद 19 रन अगर 20 रन बनाने हैं तो कम से कम 2 छक्के और 2 चौके चाहिए होंगे आपको 6 गेंदों के अंदर में। देखते हैं क्या वो जे स्मिथ इस काम को, इस कारनामे को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमने 24 रन बनते हुए देखा है, हमने IPL में 24 रन बनते देखा है, हमने वेस्टइंडीज लीग में भी 24-24 रन जो बनते देखे हैं। तो क्या आज साउथ अफ्रीका लीग के अंदर ये हो पाएगा। जे स्मिथ है स्ट्राइक पर, पहली गेंद हवा में खेला इस गेंद को जे स्मिथ ने, देखते हैं कितने दूर कितने पास, 1 रन मिला इस गेंद पर, 1 लिया कि 2 जी 1 ही लिया इस गेंद पर, माफ करिए विकेट मिल गया है यहां पर, विकेट मिल गया है यहां पर रनआउट के रूप में, जैसा कि कहा था हवा में खेला था शॉट और 2 लेने की कोशिश थी, शायद यहां पर जो है रनआउट हो गए है यहां पर, और स्कोर पहुंचा यहां पर 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो फटाफट लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव हिंदी कमेंट्री में क्रिकेट लाइव हिंदी पर। तो इस गेंद पर मिल गया है रनआउट 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं ना कहीं अब मैच में जो है पकड़ बनती हुई जा रही है। सुमितो को बॉल जे स्मिथ ने नहीं उसके सही है भाई सही है, चलिए जे स्मिथ जो है रनआउट हो गया यहाँ पर, और स्कोर जो है अब चाहिए 5 गेंदों में 19 रन। देखते हैं 2 रन लेने की कोशिश तो अच्छी थी, PSL लीग सुल्तान विन होगा भाई, उम्मीद करते हो रमन हुसैन भाई वही विन करे, मुल्तान सुल्तान ही अच्छा बल्लेबाजी कर रही है, उम्मीद करते हैं। 281 लाइक हो चुके हैं, 19 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो 300 के पार हो जाएगा। तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी भी जो है जीत के लिए चाहिए 5 गेंदों में 19 रन, तो शायद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सिबोतो हैं गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है मंगला से और सिबोतो से, आखिरी कुछ ओवरों में रन नहीं बनाने दिए यहाँ पर डॉल्फिन की टीम को, और बढ़िया मैच हो रहा है यहाँ पर, बढ़िया मैच चल रहा है, और देखते हैं इस मुकाबले में क्या इस 5 गेंदों में 19 रन बन सकते हैं क्या, क्योंकि मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। देखते हैं कप्तान आए हैं टीम से, इस बीच हवा में खेला इस गेंद को, देखना होगा कितने दूर कितने पास, विकेट चला गया यहाँ पर, कैच आउट हो गए यहाँ पर, कप्तान अभी अभी आए थे क्रीज पे मौजूद थे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी यहाँ पर सुब्रियन की और सुब्रियन जो है वो कैच आउट हो गए। तो भाई सिब्रतो को एक और विकेट मिल गया है यहाँ पर, 3.2 गेंद उन्होंने फेंकी है, 13 रन दिए हैं, 2 सफलताएं अर्जित कर ली हैं अपने लिए अपनी टीम के लिए। तो 138 रन 8 विकेट नुकसान पर 19.2 गेंदों के बाद, पहली गेंद पर आउट हो गए सुब्रियन, कप्तान है डॉल्फिन टीम के और खासा निराश होंगे आज बल्लेबाजों से। 4 गेंदों में 19 रन की जरूरत है और कहीं ना कहीं अब ये कि महज एक औपचारिकता ही बच गई है यहाँ पर, शायद इस मैच में लायंस जो है एक बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है इस मुकाबले में और मैच बिल्कुल जीत के करीब है यहाँ पर। और आप सब लोग जो है प्लीज लाइक करिए, 16 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है 300 के पार हो जाएगा। 284 लाइक हो चुके हैं, एक बार आप सब लोग जो है स्क्रीन को सीधा करके लाइक कर दीजिएगा, 318 लोग अभी भी हमें देख रहे हैं,
तो प्लीज आप सब लोग जो है 16 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 300 के पार। तो अब बची है 4 गेंदे, कैप्टन ने हिताते हुए पवेलियन, भाई बिल्कुल कैप्टन जाते हुए पवेलियन में। तो लाइक करते रहिए यार, प्लीज लाइक कर दीजिएगा आप सब लोग, और मुकाबला बड़ा जबरदस्त है यार। भाई सही कह रहे हैं यार, आउट कब हुआ? ओ भाई आउट हो गए हैं सारे, बस आउट होते जा रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं जरा मैच की तरफ, अब बची है तीसरी गेंद है शिबोतो की, स्ट्राइक पे है रुवांडे, देखते हैं किस तरीके से करेंगे, क्योंकि महज एक औपचारिकता ही बची है अब, क्योंकि 3 गेंदों में 18 रन चाहिए, 3 बैक टू बैक छक्के चाहिए मैच जीतने के लिए। आखिरी गेंद यहाँ पे, तीसरी गेंद पे सिंगल लिया था रुवांडे ने, स्ट्राइक पे आ गए हैं यहाँ पर डेरियन को, अब यहाँ पर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और डॉल्फिन का स्कोर जो है 137 रन बन चुका है 8 विकेट के नुकसान पर 19.3 गेंदों के बाद, 3 गेंद पर 18 रन की जरूरत है। और हमारे भैया कहाँ गए, वो महादेव की इच्छा वाले भैया कहाँ चले गए यार? हमने कहा था वो महादेव की इच्छा नहीं, वो आपकी इच्छा है, महादेव की इच्छा जो होगी वो आपके सामने ही है भाई यहाँ पर। इस बीच जो है सिंगल लिया इस चौथी गेंद पर, तो महज एक औपचारिकता ही है, डॉल्फिन मकुरी लॉयन जो है इस मुकाबले को आसानी से जीत चुका है यहाँ पर, और बड़ा मजा आया इस मुकाबले में। एक भाई हमें आए थे अभी, कह रहे थे ब्रिजेश भाई जो मुझे कह रहे पनौती हो, उनको ये नहीं पता था, उन्होंने कहा महादेव की इच्छा है और आज यहाँ डॉल्फिन जीतेगा। भाई महादेव की इच्छा तो डॉल्फिन जीती क्यों नहीं, कहीं ना कहीं इच्छा आप नहीं जान सकते, हम तो इंसान हैं और जो इच्छा थी ईश्वर की वही हुआ गेम में, और लॉयन जो है इस मुकाबले को जीत गया है यहाँ पर। और 2 गेंद बची है, मैच एक औपचारिकता ही है कि 2 गेंद में 17 रन बनाना बनता नहीं है, तो आप देखते हैं इस 5वीं गेंद पर एक मैच हवा में खेला है यहाँ पर, रुवांडे ने छक्का बटोर लिया यार, छक्का ले लिया यहाँ पर, और 146 रन बन चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पर, 1 गेंद पर 11 रन की जरूरत है, और अगर 9 बॉल ना डाली जाए तो कहीं ना कहीं मैच में रोमांच रहेगा, और अगर नॉर्मल डाल दीजिए रोमांच बन जाएगा इस मैच में। 1 गेंद पर 11 रन की जरूरत 19.5 गेंदों के बाद 146 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और डॉल्फिन का स्कोर क्या 9 बॉल डालेंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है सिवान तो जो है आखिरी गेंद जो है वो आराम से डालेंगे, 9 बॉल नहीं डालेंगे। तो 85 लाइक हो गए, धन्यवाद आप सब लोगों का यार, और सपोर्ट करते रहिए। अल्टीमेट भाई आप तो कर रहे थे यार, डॉल्फिन विल, तो ये कैसे जीत गई आप कैसे जीत गए अनलिमिटेड भाई? आप तो डॉल्फिन विन करा रहे थे, मैं यहाँ से आपको जो है लॉयन विन करा रहा था, तब भी आप जीत गए, देखिए कितना आपका आपको लकी हूँ मेरे आपके लिए। चलिए सपोर्ट करते रहिए। इस बीच अब आखिरी गेंद है यहाँ पर, आखिरी गेंद जो है अगर नो बॉल नहीं हुई तो इस मैच में सिर्फ एक औपचारिकता ही है, आखिरी गेंद यहाँ पर शिबोतो की, स्ट्राइक पे है रुवांडे, आज मंगला के बल्ले बल्ले हो गए। अविताभ शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, मंगला जबरदस्त खेले यार, मंगला की वजह से ही ये टीम जो है जीती है कहीं ना कहीं। आखिरी गेंद पर रन लिए 2, 20 ओवर के बाद 148 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और 8 विकेट के नुकसान पर, और इस मुकाबले को जीत गया है यहाँ पर, कितने रन से जीत गए यार, 8 रन से, हाँ जी 8 रन से इस मुकाबले को जीत चुका है यहाँ पर लॉयंस। तो मुबारक हो आप सब लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था कि लॉयंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं लॉयंस इस मुकाबले को जीते, और लॉयंस इस मुकाबले को जीत गया है। तो इस जीत की खुशी में जो है 13 भाई और लाइक करेंगे, 13 भाई और लाइक कर दीजिए, 13 भाई बोल रहा हूँ, 18 भाई नहीं बोल रहा हूँ, 13 भाई और लाइक करेंगे तो आंकड़ा जो है वो पूरा हो जाएगा 300 का। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, और कल जो है मुकाबले में जुड़ना मत भूलिएगा आप सब लोग। लॉयंस जो है इस मुकाबले को 8 रन से जीत गया है, मैच का सूरत हाल यही था कि लॉयंस ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, 156 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में, टारगेट दिया था 157 का, 120 गेंद बनाने थे डॉल्फिन को, मगर 20 ओवरों में सिर्फ डॉल्फिन जो है 148 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर, इस मैच को हार गई, यूं कहें कि लॉयंस जो है इस मुकाबले को जीत गया 8 रन से इस मुकाबले को जीत गया है यहां पर। तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। आप सब लोगों को गुड नाइट, शब बखैर, और ध्यान रखिए अपना आप सब लोगों को, और मेरी तरफ से भाई गुड नाइट। और कैसी लगी कमेंट्री प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, और बता दीजिएगा भैया लाइव हिंदी कमेंट्री जो है वो क्रिकेट लाइव हिंदी पर ही सुने सिर्फ। तो आप सब लोग जो है सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों साथ, और इंस्टाग्राम रील बना लीजिए भाई हमारी कॉमेंट्री का, अच्छा लगेगा हमें। और अब मैं ले रहा हूँ आप सबसे विदा, 10 मिनट का लूंगा ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं जुड़ूंगा आप, मैं जो है स्ट्रीम को करूंगा क्लोज। तो धन्यवाद आप सब लोगों का, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट स्ट्रीम में, और जुड़ते हैं आप बताइएगा जरा किस मुकाबले में जो है हम वहाँ कमेंट्री करें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में या ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड में, वहाँ करिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका मैच में। तो आप ही के लिए धन्यवाद, 10 मिनट का ब्रेक के बाद स्ट्रीम को करूंगा क्लोज, गुड नाइट सभी लोगों को।